स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में मैं हूं इला क्रांति गुप्ता और आप सभी के लिए मैं कक्षा बारहवीं फिजिक्स की क्लास लेकर के यहां पर आई हूं जिसमें आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो भाई आप सभी को पता होगा वैसे बट फिर भी मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगी कि, कि कक्षा बारहवीं की फिजिक्स का हमारा जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसका पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश तो भाई चर्चा होगी आप लोगों की इस बात पर और साथ ही साथ में आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि मैं आज से आप लोगों की फिजिक्स की नई टीचर हूं मेरा नाम है इला क्रांति और अब से मैं आप लोगों का इस चैनल पे फिजिक्स की क्लासेस जो है कंटिन्यू किया करूंगी तो भाई आप लोगों को रेगुलर आनी है क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों की क्लासेस मजे करेंगे हम लोग खूब मस्ती करेंगे इंजॉय करेंगे ईजी करके बहुत कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है इतने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि कभी भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप लोगों का कोई भी टारगेट एग्जाम हो चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो चाहे आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम को अपना गोल बना करके रखे हो हर जगह ये फिजिक्स के आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज का आप लोगों का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कि आप लोग कक्षा बारहवीं फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हो ठीक है एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग अब से मेरी क्लास जो है कंटिन्यू करोगे फिजिक्स में सो so भाई मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का पढ़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई आप लोग अगर ट्वेल्थ फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ तो रेगुलर आप लोगों को क्लासेस आना है कभी भी आप लोगों का बैकलॉग आप लोगों का ना हो इस चीज पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि बैकलॉग होने के बाद दिक्कतें आ जाती है कि हम लोग पिछले क्लासेस कैसे कवर करें साथ में हम लोगों को रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी होती है कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं ठीक है सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्वेल्थ फिजिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों का जो टेंथ के फिजिक्स का पार्ट है चार चैप्टर्स थे आप लोगों के टेंथ के फिजिक्स में एक था आप लोगों का विद्युत दूसरा था आप लोगों का लाइट प्रकाश वाला चैप्टर था एक आप लोगों का ठीक है और ह्यूमन आईज और कलरफुल वर्ड ये एक चैप्टर था आप लोगों का एंड एक और चैप्टर था आप लोगों का आई uh, थिंक विद्युत मतलब विद्युत धा, धारा के चुंबकीय प्रभाव इस नाम से आप लोगों का एक चैप्टर था ठीक है सो ये चैप्टर्स आप लोगों के बेसिक्स है ट्वेल्थ की फिजिक्स के लिए तो ये चैप्टर्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए जिनको भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं

आई थिंक आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे राइट right? है कि नहीं भाई कौन कौन बच्चे आ गए हैं जल्दी से कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो गाइस आप लोग ट्वेल्थ की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और खासकर नए बैच में नए बच्चों के साथ बिल्कुल ये एक्साइटमेंट मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है बिल्कुल आज का मेरा एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है क्योंकि मैं नए नए बच्चों से मिलने वाली हूं और नए बैच के साथ नई क्लासेस शुरू कर रही हूं यहाँ पे मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं ये आप लोगों को कमेंट्स करके जरूर बताना है तो गाइस आप लोगों का जो सिलेबस है ये टू टर्म्स में आप लोगों का सिलेबस होगा पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आप लोगों का पार्ट वन का जो सिलेबस है यहां पर इसमें आठ चैप्टर्स कवर हो रहे हैं जिसमें आप लोगों के स्टार्टिंग के जो पांच स्टार्टिंग के जो तीन चैप्टर्स हैं ठीक है थीके? आप लोगों के जो स्टार्टिंग के तीन चैप्टर्स हैं ये तीन चैप्टर्स जो है आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है विद्युत वाला पार्ट कवर कर रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को टेंथ का अगर बताया था तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि टेंथ में आप लोगों का क्या था विद्युत ठीक है और एक था आप लोगों का कौन सा मैग्नेट वाला पार्ट जिसमें आप लोगों का विद्युत प्रभाव के चुंबकत्व इसको मैं शॉर्ट में चुंबकत्व ही लिख दे रही हूँ ठीक है एंड एक था आप लोगों का प्रकाश तो ये तीन पार्ट मेजर थे आप लोगों के बाकी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड वाला पार्ट जो है उसका कोई हिस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा कवर नहीं होगा एंड थोड़ा बहुत वो भी आप लोगों का जो है प्रकाश वाले चैप्टर में किरण प्रकाश की में ही आ जाएगा सो so आप लोगों के स्टार्टिंग का ये जो तीन चैप्टर है ये आप लोगों का विद्युत वाला पार्ट कवर करता है जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा था इसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पर जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो देन आप लोगों का ये फोर्थ चैप्टर से लेकर के जो आप लोगों का एथ चैप्टर तक का हिस्सा है ठीक है ये आप लोगों का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब कि आप लोगों का चुंबकत्व से रिलेटेड चुंबकत्व से रिलेटेड ये पार्ट जो है वो कवर करते हैं कर यहां पर मतलब नीचे के पार्ट में चुंबक और विद्युत दोनों को मिलाकर के जितने भी उसके चीजें कवर होती है, right? है पार्ट टू पे तो पार में यहां पर क्या हो रहा है कि आप यहां पर जो वाला जो कवर थे, तो शुरुआत के जो दो चैप्टर है यहाँ पर नाइन्थ और टेंथ जो पार्ट टू का स्टार्टिंग का दो चैप्टर है नाइन्थ और टेंथ अध्याय आप लोगों के पार्ट टू का स्टार्टिंग का चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का ये प्रकाश वाला सारा पार्ट बेटा यहाँ पर ये कवर हो रहा है ठीक है एंड आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये ग्यारवा चैप्टर से लेकर के जो चौदहवा चैप्टर है ये आप लोगों का पूरा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है ऑफ कोर्स आप लोगों ने क्लास इलेवंथ में बहुत एक जगत पढ़ा जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स के डिफरेंट डिफरें पार्ट्स के बारे में पढ़ा राइट? So ये से जिसमें से ये आप लोगों के काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बहुत कम टाइम लगेंगे राइट बट मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत लंबे हैं इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है ठीक है तो इनको कवर करने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा तो बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की बात नहीं है आप लोगों का सिलेबस जो है टाइमली कवर हो जाएगा बट स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं राइट सो so, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? अपने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पहला चैप्टर हमारा क्या है भाई जल्दी से नाम बताओ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र तो जो पीछे आप लोग एकदम तड़कता भड़कता सा इमेज देख पा रहे हो है कि नहीं भाई कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताते रहो ये तड़कता भड़कता सा इमेज देख करके आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है ठीक है बारिश वाला गाना तो क्लिक नहीं कर रहा है पता चल रहा है कि जुबिन नोटियाल का कोई गाना क्लिक कर गया हो आप लोगों का पिक्चर देख करके तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लिक करने चाहिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला जो हमारा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट इस पिक्चर के इमेज के पीछे बहुत सारे पिक्चर्स जो है छिपे हुए हैं इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आज की क्लास के एंड में मैं आप लोगों को इस बादल के अंदर से बाहर निकाल के उभार के लेके आऊंगी ठीक है चलेगा चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है आप लोगों का विद्युत का पार्ट है है ना और हम लोगों को पहले अध्याय में रुके हुए चार्ज के बारे में ही स्टडी करनी है जो आप लोगों का स्थिर विद्युत भी कहलाता है कई पुस्तकों में आप लोगों को ये जो पहले के दो चैप्टर है स्थिर वैद्युत के नाम से दिखाई देगा ठीक है तो इनका ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का यहां पर हम लोग पढ़ते क्या है सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट ठीक है उनके लिए हम लोग वन बाय बाय वन, स्टेप स्टेप एक एक को क्लियर करते जाएंगे तो हमारा जो विद्युत है ठीक है उस विद्युत को गहराई से समझने के लिए उसका सबसे पहला जो हिस्सा है वो है विद्युत आवेश तो भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में फिर हम पढ़ेंगे गुलाम के नियम के बारे में भाई कुलाम भी यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम है ठीक है और म का नियम कुम जी के द्वारा दिया गया था जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं उस बल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा तो यहां पर इसमें हम लोग कुलाम के नियम में स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल देन हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे जब बहुत सारे आवेशों के कारण जब बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जब बल लगता है तो उस बल का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत

कुलाम का का नियम हो हो गया हो गया विद्युत क्षेत्र इसके related questions का भी अच्छा वेटेज आप लोगों को में देखने के लिए मिलेगा ठीक है बेटा है तो हम लोग जो है बात करेंगे पास पास में बहुत ही कम न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो वो किस प्रकार के इफेक्ट प्रभाव पैदा करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें होती है तो इन टॉपिक्स के अंदर हम लोग उन सब चीजों को पढ़ेंगे बट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में तो भाई विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पिछले कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हुए हो राइट right. उससे ही रिलेटेड आप लोगों को नई चीज वहां पर देखने के लिए मिलेगी जो विद्युत फ्लक्स में इंक्लूड होगी अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने अभी ये सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं है धीरे धीरे वन बाय वन जब स्टेप्स से हम लोग कवर करते जाएंगे सारे टॉपिक्स को को तब आप लोगों विद्युत फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बताएंगे मजेदार है इस पर डिपेंडेंट ये टॉपिक है आप लोगों का गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग तो गॉस भी यहाँ पर साइंटिस्ट है और विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र पर आधारित विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र पर आधारित उन्होंने एक नया नियम या फिर कॉन्सेप्ट हम लोगों को जि दिया जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारे पास होता है हमारे आसपास के साइंस में रेगुलर लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है देखते जाएंगे वन बाय वन सारे जित, हो सके जितने हो सके हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते जाएंगे राइट उसके बाद आई थिंक आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या कि मैम ये किन की पिक्चर लगा रखी है आपने ये कौन है ये कौन है तो हम लोग विद्युत वाला पार्ट कवर कर रहे हैं तीन चार जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग तीन चैप्टर्स में पूरा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज है विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो है वो इन साइंटिस्ट ने की थी और इन साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रेंकलीन क्या नाम है इनका बेंजामिन फ्रेंकलीन तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी चीज की खोज होती है तो उसके आ, उसके पीछे किसी ना किसी एक साइंटिस्ट का हाथ होता है एक वैज्ञानिक का हाथ होता है ठीक है उनका बहुत अपना जो है एक बहुत बड़ा योगदान होता है तो भाई विद्युत की खोज में बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का बहुत बड़ा योगदान है और वैसे इसकी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ ठीक है so, सो कहानी वहानी तो चलेगी आप लोगों को खूब मजा भी आएगा है ना तो भाई कहानी लो स्टार्ट हो गई किसको किसको सुनना है कहानी कौन कौन इंटरेस्टेड है जय जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ जल्दी से मैं वेट कर रही हूं आप लोगों के कमेंट्स का फटाफट कमेंट्स करके बताओ किसको सुनना है विद्युत के पीछे की कहानी वैसे आप लोगों ने न्यूटन की कहानी सुन। सुनी ही होगी सब बच्चे सुनते हैं बहुत ज्यादा फेमस है हमारे साइंस में कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और उन्होंने न्यूटन के नियम दे दिए और बहुत सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिए ठीक है सो so, वो कहानी तो सबको पता है बट विद्युत की कहानी किसको पता है ये बताओ मेरे को किसको किसको पता है क्या आप लोग पिक्चर्स में देख करके कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कर पा रहे हो क्या इमेजिन कोई बात नहीं चलो मैं सुनाती हूं आप लोगों को विद्युत के पीछे की कहानी है ना सो यहां पर आप एक लड़के को देख रहे हो कि पतंग उड़ा रहा है एक बच्चा भी साथ में यहां पर है राइट है कि नहीं अब भाई मौसम यहाँ पर दिख रहा है कि आ, मौसम जो है बादल से छाया हुआ है मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मौसम है जहां पर बिजली वगैरह कड़क रही है ठीक है तो इस टाइप का कुछ मौसम है बिल्कुल है ना तो इस टाइप के किसी मौसम में अगर ये महानुभाव यहाँ पर अगर पतंग उड़ा रहे हैं ठीक है थीके? आप सबको भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा आई थिंक राइट सो so, अच्छा मौसम जब भी होता है ठीक है जब बादल बादल छाए रहते हैं तो भाई सब निकल पड़ते हैं भाई मौसम का मजा लेने के लिए तो ये भी वही कर रहे हैं वैसे ही कुछ कर रहे हैं पर हुआ क्या यहां पर अचानक अचानक से जब बादल टकराए है ना बादल जब गरजे तो अचानक से बिजली कड़की आप लोग को पास से मैं पतंग का इमेज यहां पर दिखा पा रही हूं कि पतंग भी कागज का ही बना हुआ है ठीक है सो यहां पर कागज की ये जो पतंग है ठीक है कहीं ना कहीं क्या हुई इस बिजली के चमकने से उन्होंने कुछ आकर्षण का अनुभव किया उन्होंने क्या किया कुछ आकर्षण का अनुभव किया तो कहानी ये हुई आगे कि यहां पर उन्होंने बादलों में कहीं पर बीच में इन्होंने क्या किया कहीं पर बादलों के बीच इन्होंने जब आकर्षण अनुभव किया क्या अनुभव किया बेटा आकर्षण इस वर्ड को ध्यान रखना ठीक है इस शब्द से ही हमारे विद्युत का जो है मतलब विद्युत का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है जो थ्योरी हम लोगों को मिली है यहीं से जन्म यहीं से मिली है ठीक है सो इनको उस आकर्षण का जन्म

नाम हुआ तब उन्होंने क्या किया भाई यहां कुछ तो हो रहा है है ना कुछ तो हो रहा है यहां कुछ तो हो रहा है तो इसके बारे में फिर इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ये और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी है जिनकी इमेज अभी अभी मैंने आप लोगों को जिनकी पिक्चर अभी अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था ठीक है तो यही है वो साइंटिस्ट जिन्होंने मतलब न्यूटन की न्यूटन ने जैसे सेव को नीचे गिरते हुए देखा और न्यूटन के नियम दिए उसी तरीके से इन्होंने यहां पर आकर्षण का अनुभव किया और इस आकर्षण के अनुभव से उन्होंने पूरी लैब बिठाई एक पूरा एक लैब और एक मतलब कहना चाहिए पूरा यहां पर बिठाया जहां पर उन्होंने बहुत प्रकार के अध्ययन किए डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कारण पता लगाने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है साइंटिस्ट तभी तो बन पाते हैं है कि नहीं तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सारी चीजें पता लगाई फाइनली उनको जो है चीजें पता चल गई का वहां का जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो निकल करके आया ठीक है तो वहां का सबसे पहला जो पॉइंट था वो विद्युत आवेश था मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत है उसका जो मेन रूट कॉज था ठीक है मतलब कि मेन मेन उसकी जड़ सबसे ज्यादा जड़ है वो है विद्युत आवेश जिसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग जो है इस विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं और आप सभी को पता है कि इसका जो मात्रक होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है गुलाम ठीक है जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट के नाम पर ही मात्रक का आ, जो है मात्रक रखा गया है विद्युत आवेश का मात्रक गुलाम होता है आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी थ्योरी को और अच्छे से हम लोग समझते हैं विद्युत आवेश की थ्योरी को कि कैसे पता चला कि आकर्षण से विद्युत आवेश की थ्योरी निकल करके कैसे आई कैसे पता चला कि वहां पर मतलब की विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जो चमक रही थी या कुछ तो भी वहां पर जो घटना घटित हो रही थी उसके पीछे का जो सबसे पहला रूट कॉज था जड़ कारण था वो है विद्युत आवेश तो आप लोग यहां पर इन महानुभाव को देख पा रहे ये क्या कर रहे हैं क्या क्या है? ये है। तो है? बलून को अपने बालों से रगड़ रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हो कि बलून को अच्छे खासे से बलून बा、को क्या करने के बाद बालों से रगड़ने के बाद ठीक है बलून को बालों से रगड़ने के बाद यहां पर हो क्या घर्षण हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है घर्षण हो रहा है ठीक एक सेकेंड हा आ, बलून को यहां पर बालों पर रगड़ा गया रगड़ने की वजह से यहां पर क्या हुआ घर्षण हुआ और घर्षण के बाद हम देख पा रहे हैं कि इनके जो बाल हैं वो बलून से इस तरीके से क्या हो रहे हैं चिपक रहे हैं तो ये चिपक क्यों रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है यहां पर जो बलून और इनके बालों के बीच में क्या घटित हो रहा है आकर्षण की घटना घटित हो रही है जैसे कि फ्रैंकलिन जी की कहानी में मैंने आप लोगों को आकर्षण की घटना सुनाई थी ठीक है ठीक उसी प्रकार से यहां पर कॉम को मतलब कंघी को बालों से अगर रगड़ा जाए चलो कोई नहीं मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूं ठीक है तो ये रही मेरी कंघी ठीक है अगर मैं इनको अपने बालों से रगड़ती हूं अच्छे से रगड़ना है भाई अच्छे से ठीक है अच्छे से रगड़ना है आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो ठीक है तो यहां पर देखो मेरे बाल कुछ खींचे हुए फैले हुए से दिखाई दे रहा है इधर का बाल चिपका पर इधर का बाल फैला हुआ दिखाई दे रहा है ठीक इसी तरीके से अगर मैं अपने पैन को भी रगड़ना चाहूं ठीक है अगर अपने पैन को भी रगड़ना चाहूं तो ये सेम चीज मेरे पैन के साथ भी होगी ठीक तो यहां पर क्या होगा यहां पर भी जो मेरे बाल है देखो ये देखो व्हाइट बैकग्राउंड में मैं अगर आप लोगों को, को दिखा पा रही हूं तो मेरे बाल यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं ठीक है सो जितना ज्यादा अच्छे से घर्षण करोगे जितना अच्छे से रगड़ोगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ठीक है और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वहां पर देख पा रहे

अच्छे से रगड़ना है ठीक है और यहां पर देखो ये क्या हुआ अरे अरे ये देखो अच्छे से रगड़ना है शायद और अच्छे से ये देखो मैंने अच्छे से कॉम को रगड़ा ओ और ये क्या हुआ अरे वाह देख पा रहे हो कि नहीं अट्रैक्शन हुआ अरे वाह ये तो एक चिपक के भी आ गया था अरे वाह ये ये तो चिपक के भी आ गया था ठीक है क्या हुआ कागज के टुकड़े यहां पर इस कंघी से आकर्षित हुए ठीक है हुए कि नहीं तो ये तो हम लोगों ने घटना देख लिया प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि कहीं ना कहीं ये आकर्षण की घटना तो होती है ठीक है तो ये होती क्यों है इसका कारण क्या है कोई भी घटना अगर घटित होती है तो हम लोगों के उसके पीछे का हम लोगों को उसके पीछे का कारण समझना होता है ठीक है क्या समझना होता है हम लोगों को कारण तो ये तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे और भी मैंने आप लोगों को बहुत चीज आप लोगों को एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने हैं ठीक है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेटेड काफी सारे खूब सारे एग्जांपल्स आप लोगों को समझने चाहिए ताकि वो दिमाग में आप लोगों के छप जाए ठीक है क्योंकि अगर आप लोग कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हो तो वो चीजें आप लोगों के दिमाग में लंबे समय तक के रहती है ठीक है सो आप लोग भूलोगे नहीं फिर सो यहां पर हम लोगों ने लिया है एक कांच की छत और एक हम लोगों ने लिया है रेशम का कपड़ा अब क्या करेंगे यहां पर भी हम लोग की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ेंगे रगड़ने 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 से से होगा होगा क्या पर पर की वजह घर्षण 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 ठीक ठीक है है होने होने के के होने के बाद 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 आप लोग यहां पर इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहां पर कांच की छड़ में धन आवे, धन यहां पर लिखा हुआ है और यहां पे रेशम के कपड़े में क्या लिखा हुआ है रेशम के कपड़े में यहां पर ऋण लिखा हुआ है तो भाई यहां पर धन और ऋण कैसे आया कहां से आया सोचो भाई सोचो सोचो कमेंट्स करके बताओ अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स करके ठीक है सो बेटा ये ऐसे हुआ कि यहां पर यहां पर ये जो है ये जो है रगड़ने की वजह से घर्षण के कारण ठीक है इनमें आकर्षण हुआ ठीक है आकर्षण की वजह से कुछ तो भी यहाँ पर चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही हैं क्या हो रही है आकर्षण की वजह से कुछ तो भी यहां पर क्या हो रहा है स्थानांतरण हो रहा है किस चीज का स्थानांतरण हो रहा है यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बट ये समझ जाओ कुछ तो भी यहाँ पर चेंजेस आ रहा है कुछ तो भी परिवर्तन आ रहा है ठीक है इस परिवर्तन स्थानांतरण हो रहा है या कुछ तो भी परिवर्तन आ रहा है और हो क्या रहा है इस परिवर्तन की वजह से यहां पर यहां पर ये जो काज की छड़ है ये क्या हो जा रही है धन आवेशित हो जा रही है ठीक है और यहां पर जो रेशम का कपड़ा है ये रेशम का कपड़ा ये रेशम का कपड़ा हो जा रहा है क्या ऋण आवेशित ठीक है तो यहां पर हम लोग पहले तो अभी तक के ये समझ पाए थे कि आकर्षण हो रहा है करके ठीक है आकर्षण आकर्षण के बाद हम लोगों ने जब उसको डिटेल में समझने का प्रयास किया और अच्छे से मतलब उसके अंदर घुस करके उसके कारण को समझने का प्रयास किया तो हम यहां पर देख पाए कि घर्षण की वजह से जो वहां पर आकर्षण की घटना घट रही है तो वो आकर्षण की घटना इसलिए घट रही है क्योंकि यहां पर कुछ तो भी चीजों में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन का कारण है कि मतलब यहां पर कुछ चीज कुछ तो कण है जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जा रहे हैं और इस स्थानांतरित होने की वजह से ये दोनों चीजें क्या हो रही है आवेशित हो जा रही है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युतमय आवेशित होने का मतलब क्या है विद्युतमय विद्युतमय होना और आवेशित होने की वजह से एक धन आवेश हो रही है और एक क्या हो रही है ऋण आवेशित हो रही है और ये धन आवेश और ऋण आवेश एक्चुअल में है क्या आवेशित होने का मतलब क्या है मतलब कि यहाँ पर जो स्थानांतरण हो रहा है हमको इन बातों से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जरूर आवेशों का ही स्थानांतरण हो रहा है और आप सभी को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं एक होता है धन आवेश एक होता है ऋण आवेश तो यहाँ पर जो कांट की छड़ में मतलब की यहाँ पे आवेशन हुआ जो कांट की छड़ आवेशित हुई और जो रेशम का कपड़ा आवेशित हुआ, राइट सो यहां पे कांच की छड़ आप लोगों की धन आवेशित हो गई कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण ऋण आवेशित हो गया क्योंकि यहां पर आवेशों का स्थानांतरण हुआ अब प्रश्न ये उठता है कि कांच का कांच की छड़ ही क्यों धन आवेशित हुई या फिर रेशम का कपड़ा ही क्यों ऋण आवेशित हुआ तो इस बात को भी हम लोग समझेंगे एक और उदाहरण देख लेते हैं ठीक है इस उदाहरण में क्या लिया गया है एक एबोनाइट की छड़ ली गई है और एक लिया गया है बिल्ली का खाल ठीक है अब इनको भी सेम क्या करा जाता है इनको भी आपस में घर्षण कराया जाता है क्या कराया जाता है आपस में घर्षण कराया जाता है घर्षण करवाने के बाद हम यहां पर फिर से यहां पर इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारी बिल्ली की खाल है ये क्या हो जा रही है धन आवेशित हो जा रही है और जो हमारा एबोनाइट का छड़ है ये क्या हो जा रहा है ये हमारा क्या हो जा रहा है ये हमारा ऋण आवेशित हो जा रहा है ठीक है ये एबोनाइट का छड़ हो जा रहा है हमारा ऋण आवेशित तो भाई यहां पर भी आवेशों का ही स्थानांतरण हुआ ठीक है आवेशों का ही स्थानांतरण हुआ ठीक अब इसके बाद और भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ये स्टोरी बिल्कुल वही है ठीक है कारण भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी डिटेल में समझाऊंगी पर कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं समझ लेते हैं ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं रियल चीजों से हम लोग रियल लाइफ की चीजों से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं ताकि ये चीजें और इंटरेस्टिंग हो तो भाई आ, यहां पर ये स्टोरी यहां से कैसे कनेक्ट कर रही है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर भी बेंजामिन फ्रेंकलिन जी ने देखा था कि यहां पर आकर्षण की घटना घटी ठीक है सो इनके एक्सपेरिमेंट से यहां पर भी हम लोगों को पता चला मतलब यहां पर जो कंघी वाला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट

की घटना की वजह से ही घटित हो रही है ठीक है और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी अब एक और रियल लाइफ आप 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 लोगों 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 को दिखाना चाहूंगी कि बचपन में में ने इस तरीके से फिसल पट्टी खूब फिसला होगा राइट एग्जाम्पल मैंने तो बहुत फिसला यार मेरे को बहुत मजा आता था मतलब कि आउटडोर गेम्स में तो मैं बहुत मतलब कि प्रो थी राइट मजा आता था मेरे को ठीक है तो यहां पर हम किसको लेते हैं मान लो में मान लो कि आप में से ही कोई स्टूडेंट है शुभम मान लो यहां पर मान लो कि कौन है कौन है शुभम है ठीक है so, सो शुभम भाई यहां पर क्या कर रहा है फिसल पट्टी में फिसल रहा है तो हुआ क्या भाई फिसलने की वजह से यहां पर दो सतहें आपस में टकराएगी और इलेवंथ आप लोग पढ़ के आए हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये चीज आप लोगों को पता होगा जब दो सतहें आपस में संपर्क में आती है तो वहां पर होता है घर्षण तो घर्षण के परिणाम स्वरूप यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है आवेशन मतलब कि यहां पर ये जो है ये शुभम जो है ये क्या हो गए आवेशित हो गए विद्युतमय हो गए और विद्युतमय होने की वजह से मतलब कि इनके बाल जो है इस तरीके से बिल्कुल मतलब टंग गए हैं खड़े हो गए हैं ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं आवेशित इलेक्ट्रीफाइड जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आवेशित या फिर विद्युतमय होना ठीक है तो यहाँ पर भी चीजें विद्युतमय हो रही है बहुत सारी रियल लाइफ में चीजें होती है और इस तरीके से यहाँ पर देखो ये बिल्ली जो है ये पीछे यहाँ पर खंबा लगा हुआ है क्या लगा हुआ है पीछे यहाँ पर खंबा ठीक है और इस खंबे से क्या कर रही है बिल्ली अपने आप को इस तरीके से रगड़ रही है होता है ना कभी कभी अगर बिल्ली को खुजली होती है तो वो क्या करती है किसी खंबे से या किसी दीवार से खुद को रगड़ती है तो भाई यहां पर बिल्ली मौसी को भी यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है और उन्होंने क्या किया खुद को रगड़ डाला खूब रगड़ डाला किससे दीवार से दीवार से. से रगड़ डाला अब रगड़ने की वजह से हुआ क्या आसपास में ये थर्माकोल के टुकड़े रखे हुए थे ये क्या है थर्माकोल के टुकड़े ठीक है हो क्या गई जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले तो बिल्ली की खाल लेकर के एग्जाम्पल दिया था यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्ली ही आ गई है अपने आप को खूब रगड़ी रगड़ने की वजह से ये बिल्ली की खाल है ये हो गई आवेशित अब हुआ क्या जैसे कि आवेशित कंघी ने आवेशित कंघी ने वहां पर क्या किया था कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया था उसी तरीके से यहाँ पर बिल्ली ने क्या किया थर्माकोल के सारे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लिया आकर्षित कर लिया क्या कर लिया बेटा आकर्षित कर लिया तो भाई यहाँ पर इस तरीके से रियल लाइफ घटना हुई ठीक है सो हम लोगों को क्लूजन क्या मिला यहां पर हुई आकर्षण की घटना आकर्षण की घटना होने की वजह से आकर्षण की घटना होने की वजह से हुआ क्या मतलब कि जो वस्तु आ, मतलब वहां पर आ, मतलब आकर्षण हो रहा था तो उसका कारण था आवेशित होना मतलब वस्तुएं वहां पर क्या हो हो जा जा रही रही थी थी आवेशित थी। तो आवेशित तो क्यों हो रही थी एक हो रही थी धन आवेशित एक हो रही थी ऋण आवेशित तो हम लोगों ने वहां पर कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ वाला एग्जाम्पल देखा था तो उसको हम लोग यहां पर डिटेल में समझेंगे तो भाई उसका कारण यह है कि हर वस्तु में क्या पाए जाते हैं हर वस्तु में हर पदार्थ हर द्रव्य में क्या पाए जाते हैं कण पाए जाते हैं मतलब वो कणों से मिल के बने होते हैं बनी होती है, ये कहलाते है आपके तो ये जो परमाणु है स्टार्टिंग में क्या होते हैं यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स लिखा हुआ हिंदी में हम बोलते हैं उदासीन ठीक है उदासीन शब्द का मतलब क्या होता है कि जो परमाणु है हम लोगों का यहां पर वस्तु तो कणों से मिलकर के बनी हुई है वो कण परमाणु है इस परमाणु में ये जो है पहले तो उदासीन रहता है उदासीन का मतलब होता है कि इस कण में इस परमाणु में जितने धनावेश धन क्या होते हैं बराबर मात्रा में ऋण आवेश होते हैं तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि उदासीन वस्तु में जितने धन आवेश होते हैं ठीक है थीके? उतने ही क्या होते हैं उतने ही ऋण आवेश भी होते हैं ठीक है तो जितने धन आवेश उतने ऋण आवेश इसका मतलब है कि वस्तु क्या होती है इसका मतलब यह है है कि वस्तु जो है उदासीन होती है पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आकर्षण के पीछे का कारण था वस्तु का आवेशित होना जिसमें एक वस्तु धन आवेशित हो रही थी दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो रही थी तो धन आवेश और ऋण आवेश बनने का कारण क्या है तो इसके कारण को भी हम लोग यहां पर समझ लेते हैं ठीक है तो धन आवेश और ऋण आवेश बनने का कारण यह है कि मतलब किसी वस्तु से आवेश जो है निकल करके दूसरी वस्तु में जा रहे थे ठीक है तो जिस वस्तु से निकल कर जा रहे थे वहां पर क्या हो रही थी आवेश की कमी हो रही थी और जिस वस्तु में आ रहे थे वहां पर क्या हो रही थी आवेश की अधिकता हो रही थी ठीक है तो जहां पर भी जिस वस्तु से आवेश निकल करके जाएंगे जहां पर आवेश की कमी होगी ठीक है जहां पर आवेश की कमी होगी ठीक है तो वो वस्तु क्या हो जाती है धन आवेशित हो जाती है वो वस्तु क्या हो जाती है बेटा धन आवेशित ठीक है तो यहां पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यहां पर आवेश की कमी हो रही है और कौन से आवेश की कमी हो रही है यह भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है इसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की ही अधिकता क्यों होती है तो एक बार फिर से सुन लो कि जहां पर आवेशों की कमी हो रही थी वो वस्तु धन आवेश हो जा रही थी कौन से आवेश की कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी वो धन आवेश और जहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है ठीक है जहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता ठीक है मतलब कि जहां पर आवेश जो है स्थानांतरित होकर के ग्रहण किए जा रहे हैं यहां पर क्या किए जा रहे हैं आवेश ग्रहण किए जा रहे हैं स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश ग्रहण किए जा रहे हैं तो बेटा स्थानांतरण होता क्यों है जब घर्षण होता है तब वहां पर स्थानांतरण हो रहा था यह भी हम लोगों ने देखा था कि आकर्षण का जो कारण था वो घर्षण था घर्षण करने के बाद ही चीजें आकर्षित हो रही थी ठीक है तो बादलों में आकर्षण कैसे हुआ उसके पीछे का कारण भी घर्षण ही है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी पहले आप लोगों को ये बातें समझ लो कि हम लोगों को यहां पर कंक्लूजन ये मिला कि वस्तुओं में जो आकर्षण हो रहा था उस आकर्षण के पीछे का कारण है आवेशों का स्थानांतरण तो आवेशों में से जो स्थानांतरित हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे थे क्यों हो रहे थे ये भी बताऊंगी पर इलेक्ट्रॉन्स जहां पर स्थानांतरित हो रहे थे तो जिस घर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही थी वो धन आवेश अधिकता हो जा रही थी वो ऋण आवेश को बहुत ईजी तरीके से समझाना चाहूंगी कि मान लो कि आशीष और मान लो कि आशीष कोई स्टूडेंट है उसकी अपनी एक फुटबॉल टीम है मेरी एक अपनी फुटबॉल टीम है ठीक है अब हुआ क्या दोनों फुटबॉल टीम में ग्यारह ग्यारह लोग हैं अब घर्षण का मतलब यह है कि मान लो कि कुछ बातचीत हो गई कुछ बहस हो गया मान लो अज्यूम कर लो ठीक है तो मान लो कि ऐसा कोई घटना हो गया ठीक है तो उस बातचीत की वजह से हुआ क्या मान लो कि मेरी टीम से निकल के कुछ लोग आशीष की टीम में चले गए ठीक है मान लो मानना है बस आप लोगों को समझना है तो मेरी टीम में जो लोग हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं आशीष की टीम में जो लोग हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ठीक है थीके? तो मान लो कि मेरी टीम से कुछ लोग निकल करके आशीष की टीम में चले गए तो अब आशीष की टीम में मान लो कि पंद्रह लोग हो गए और मेरी टीम में कितने लोग हो गए मेरी टीम में कितने लोग हो गए ग्यारह में से चार गए तो कितने बचे

चार लोग ज्यादा हो गए चार लोग ज्यादा हो गए ठीक है और यहाँ पे क्या चार लोग कम हो गए जरूरत है लोगों की मेरे टीम में कम लोग है और वहां पर क्या हो गए आशीष की टीम में ज्यादा लोग हो गए तो उसकी टीम क्या हो गई ऋण आवेश हो गई मतलब उनकी टीम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई ठीक है तो यहां से समझ में आया कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या कौन सा वस्तु होता है ये बहुत

जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे उतने धनावेश इसमें उत्पन्न होंगे तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर से पांच धनावेश है और यहां पर पांच ऋण आवेश इसका मतलब यह है कि कांच की छड़ के

छह आवेश निकल करके छह इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पर एबोनाइट की छड़ में चले गए ठीक है एबोनाइट की छड़ में चले गए जिसकी वजह से यहाँ पर एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई छह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई इसलिए एबोनाइट की छठ ऋण आवेश की खाल धन आवेश कर, कर सकती है चाहे वो वस्तु आवेश हो चाहे वो वस्तु उदासीन हो हर प्रकार की वस्तु को अट्रैक्ट आकर्षित कर सकती है देखो जैसे कागज में कोई भी आवेश नहीं था आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पाओगे इसके पहले वाला जो इमेज था ठीक है यहाँ पर हाँ ये वाले इमेज में यहाँ पर क्या हो रहा है देखो यहाँ पर कागज में जितने धन आवेश है उतने ही ऋण आवेश है मतलब कि यहाँ पर जो कागज है वो कैसा वस्तु है उदासीन वस्तु है परंतु यहाँ पर जो ये कंघी है ये कैसी वस्तु है ये आवेशित वस्तु है इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आवेशित वस्तु है इस उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है और आवेशित विपरीत आवेश की वस्तु को आकर्षित करेगी ठीक है यहाँ पे या तो ये उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है या तो ये धन आवेश वस्तु को आकर्षित कर सकती है तो यहां पर हम लोग एक नया चीज ये भी सीख पाए हैं कि आकर्षण केवल विपरीत आवेशों के बीच में होता है कहां पर होता है यहां पर या तो ये धन आवेश को आकर्षित करेगा या तो उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगा परंतु अगर धन आवेश की जगह केवल ऋण आवेश हुआ तो क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित क्यों होते हैं तो बेटा इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण क्या है तो भाई इसके की, की, पीछे का कारण है आप लोगों की परमाणु की संरचना ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये वाला हिस्सा क्या है आप लोगों के परमाणु का नाभिक है और नाभिक में दो चीजें पाई जाती है ये ग्रीन कलर का जो है वो है आप लोगों का न्यूट्रॉन ठीक है यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का है ये है आप लोगों का प्रोटॉन ठीक है प्रोटॉन मतलब धन प्रोटॉन ठीक है अब यहां पर ये जो बाह्य कक्षाएं हैं ये क्या है इनकी बाह्य कक्षाएं उम्मीद करूंगी कि इतना तो आप लोगों को आ, मतलब थोड़ा बहुत परमाणु की संरचना क्लियर ही होगी बाह्य कक्षा है तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी बाह्य कक्षाओं में पाए जाते हैं स्व... ये स्वतंत्र रूप रूप से से मुक्त घूमते रहते हैं ठीक है तो होता क्या है जब भी यहाँ पर घर... मतलब की इन कणों में इन परमाणुओं में क्या होता है कि जब घर्षण की घटना हटती है ठीक है मतलब ये अगर इनमें घर्षण अगर होता है ये जब रगड़ खाते हैं तो होता क्या है कि ये इनके इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होने की वजह से बाह्य शामे होने की वजह से बहुत ही ये कमजोर बंध से बंधे होते हैं कैसे बंधे होते हैं ये अपने परमाणु के नाभिक से कमजोर बंध से बंधे होते हैं ठीक अगर उन्हीं की जगह इन प्रोटॉन्स की बात करूं तो ये अपने नाभिक से बहुत ही मजबूत बंध से बंधे होते हैं तो यहां पर क्योंकि प्रो बंधे हैं इस वजह से से घर्षण के पश्चात भी इन पर कोई असर नहीं होता परंतु कमजोर बंध बंधे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अपने जगह को छोड़कर के दूसरे जगह में स्थानांतरित हो जाते हैं मतलब की एक वस्तु को छोड़कर के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और दूसरी वस्तु में जब चले जाते हैं तो इन्ही इलेक्ट्रॉनों के स्थान के परिणाम स्वरूप होता क्या है इस परमाणु के कण में इलेक्ट्रॉनों की कमी ठीक है मान लो कि ये कमजोर बंद से बंधे है चले गए किसी और वस्तु में मान लो कि यहां पर कोई वस्तु है ठीक है तो इस वस्तु में मान लो कि चले गए तो हुआ क्या यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी ठीक है और जिस वस्तु में गए ठीक है जिस वस्तु में गए वहां पर क्या हो जाएगा इस वस्तु में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ठीक है सो so, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वह वस्तु ऋण आवेश और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी वहां पर वस्तु धन आवेश हो जाएगी ये जो इमेज आप लोग देख पा रहे हो ये आप लोगों का जो है मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए लेकर के आई हूं कि किसी भी अः मतलब वस्तु का कण मतलब किसी भी वस्तु का कण मतलब कि उसका जो परमाणु है वो रियल में कैसा दिखाई देता है तो रियल में अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देता है ये जो बीच का हिस्सा है वो इसका नाभिक है, है, ठीक और बाकी जो बाहर का हिस्सा है ठीक है नाभिक है तो जाहिर सी बात है, है के परमाणु के नाभिक में ही होंगे और बाहर का जो हिस्सा है हिस्सा है, है और इन बाह्य कक्षाओं, कक्षाओं में ही अगले इमेज में अगर देख पा रहे हो अगर आप और जूम करके देखोगे ठीक है तो इस तरीके से इन बादलों पर बाह्य कक्षाओं में मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर दिखाई देंगे जब घर्षण

जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई वो वस्तु धन आवेश हो गया और जिसके घर में निकल करके गए वहां पर वस्तु क्या हो गया ऋण आवेश हो गया क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई अब जो कंघी वाला आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था उस कंघी वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा था जो पेपर के टुकड़े थे ठीक है जो पेपर के टुकड़े थे वो क्या थे उदासीन थे ठीक है तो उदासीन थे ठीक है तो कंघी क्या कर रही थी वहां पर उन पेपर के टुकड़ों को भी उदासीन वस्तु को भी क्या कर रही थी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी ठीक है और यहां पर जो कंघी थी वो कैसी थी आवेशित थी तो मतलब कोई भी आवेशित वस्तु कोई भी आवेशित वस्तु कैसे आवेशित थी ये ऋण आवेशित थी ठीक है तो कोई भी आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को क्या करती है अपनी तरफ आकर्षित करती है ठीक है और ये ऋण आवेशित थी ठीक है तो ये तो या तो उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगी अपनी तरफ या तो अगर मान लो कि कोई धन आवेशित वस्तु होता तो उसको भी क्या करता यहां पर वो कंघी जो है ऋण आवेशित होने की वजह से उसको अपनी तरफ आकर्षित करता तो भाई इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कोई भी कोई भी आवेशित वस्तु अपने विपरीत प्रकार के आवेशों को अपनी ओर खींचेगी आकर्षित करेगी इसका मतलब जो आप लोगों को सामने चित्र दिखाई दे रहा है ठीक है तो वहां पर क्या हो रहा था आवेशित वस्तु जो है वो धन आवेशित वस्तु को क्या कर रही थी आकर्षित कर रही थी तो यहां पर विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश अप एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित करते हैं परंतु अगर मैं उस ऋण आवेश कंघी के पास में किसी ऋण आवेश वस्तु को ही लेकर के चली जाऊं अगर मैं उस ऋण आवेश कंघी के पास में ऋण आवेश वस्तु को ही लेकर के चली जाऊं तो उनके बीच में देखा जाएगा कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एक दूसरे से क्या जा रहे हैं दूर जा रहे हैं इसका मतलब यह है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण की घटना हो रही है ठीक है उसी तरीके से मान लो कि धन आवेश वस्तु मतलब दो समान आवेश दो समान प्रकार के आवेशित वस्तु को अगर हम लोग क्या करें एक दूसरे के पास पास लेकर के आए तो उनके बीच में किस घटना को देखा जाएगा प्रतिकर्षण की घटना को देखा जाएगा ठीक है तो हम लोगों ने आवेशों के बारे में पढ़ा धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में देखा और धन आवेश क्यों हो रहा है वस्तु ये भी हम लोगों ने देखा ऋण आवेश हो रहा है वस्तु ये इसका कारण भी हम लोगों ने देखा उसके बाद हम लोगों ने यह भी समझा इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल करके क्यों जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल के जाने का कारण उनकी बाह्य कक्षा में वो कमजोर बंध से बंधे होते हैं यही कारण है कि वो अपने अपने मतलब परमाणु को छोड़ करके दूसरे परमाणु के पास भी चले जाते हैं कमजोर बंध से बंधे होने के कारण प्रोटॉन्स कभी भी छोड़ करके नहीं जाएंगे क्योंकि वो नाभिक से बहुत ज्यादा मजबूत बंध से बंधे होते हैं यहां पर जो धन और ऋण यहां पर जो लिखा हुआ है ठीक है ये आवेश के प्रकार है ठीक है ये क्या है आवेश के प्रकार है मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है ठीक है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब वस्तु क्या हो रही है ऋण आवेशित हो जा रही है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है ठीक है तब वस्तु क्या हो रही है धन आवेशित हो जा रही है और समान प्रकृति के समान प्रकृति की आवेशित वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से दूर जाती है दूर जाती है मतलब कि क्या होता है एक दूसरे से दूर जाती है मतलब कि प्रतिकर्षित होती है ठीक है और जब पास आती है पास आती है का मतलब जब समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे के पास आती है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आकर्षण की घटना होती है अब इस आकर्षण से ही हम लोगों ने पूरे विद्युत आवेश की कहानी शुरू करी थी ठीक है जिसका कंक्लूजन निकल के आ गया था हम लोगों के पास कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के वजह से ही क्या घटना घट रही थी वहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के वजह से ही जितनी आकर्षण की घटनाएं हैं वो घट रही थी इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण हो रहा था तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही है ठीक है ये ये धन धन आवेश 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 जो जो के प्रकार हम हम लोगों लोगों ने देखा ठीक है यहां से ही हम लोगों को आवेश और ऋण आवेश मिल रहा था ठीक है धन आवेश को अंग्रेजी में किटायन भी बोलते हैं ऋण आवेश ऋण आवेशित वस्तु को एनायंस भी कहा जाता है धन आवेशित वस्तु को किटायन भी कहा जाता है ऋण आवेश वस्तु को एनायन भी कहा जाता है तो ये कंक्लूजन भी हम लोगों को समझ में आया ठीक है तो हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में लगभग जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने सीख लिया है तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है तो उम्मीद करती हूं कि आप लोग जरूर एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आप लोगों को कोई बोला कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है तब भी आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे पहले अगर देख लो एक बार अगर बताना चाहूं तो कोई भी दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है घर्षण होता है घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है घर्षण के फलस्वरूप यहाँ पर दोनों वस्तुओं पर क्या हो जाते हैं आवेश उत्पन्न हो जाते हैं एक दूसरे से विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि वस्तुएं दो ही है घर्षण के कारण एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाएगा तो या तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है कि एक धनावेश वस्तु होगा और दूसरा वस्तु कैसा होगा ऋण आवेश अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हो कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है द्रव्य के साथ जुड़ी हुई एक अधिस

प्रभाव कैसे उत्पन्न होते हैं तो ये तो हो गई आगे की बात इनको ही हम क्या कहते हैं। कहते हैं हैं विद्युत आवेश जहां पर इलेक्ट्रॉनों की, की, की कमी होती है वह वस्तु क्या कहलाती है ऋण आवेश जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह वस्तु धन आवेश कहलाती है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह वस्तु ऋण आवेश कहलाती है ठीक है तो इतनी सी बात है विद्युत आवेश की परिभाषा भी मैंने बता दिया बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जो शुरुआत में तड़कता भड़कता सा इमेज मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर जो बिजली चमक रही थी तो इसका कारण अब मैं आप लोगों को ये रियल घटना समझाना चाहूंगी बिल्कुल तो यहाँ पर बेटा हो क्या रहे देखो हो क्या रहे आपस में यहाँ पर दो बादल आपस में टकरा रहे हैं ठीक है टकरा रहे हैं जाहिर सी बात है टकराने की वजह से इन बादलों के बीच में हो क्या रहा है इन बादलों के बीच में घर्षण की घटना घट रही है ठीक है अब घर्षण की वजह से क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि पहले इनमें भी कुछ ना कुछ आवेश पाए जाएंगे है ना तो एक बादल में जितने धन आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे दूसरे बादल में भी क्या होंगे ऋण आवेश होंगे पर जब Uh, मतलब हवा चलेगी हवा का दबाव तेज होगा है ना जब बारिश का मौसम आएगा तो उस मौसम में होता क्या है उस मौसम में यहां पर यह देखा जाता है कि बादल जो है मतलब गति करने लगते हैं तेज गति से जिसकी वजह से इनमें टकराव भी उत्पन्न होता है है ना अब उसमें क्या होगा कि यहां पर एक में इलेक्ट्रॉन की कमी या एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो धन आवेश है ठीक है मतलब कि एक बादल के जो धन आवेश है वो दूसरे बादल के ऋण आवेश से क्या होंगे आकर्षित होंगे ठीक है क्या होंगे आकर्षित होंगे ठीक है और यहाँ दूसरे बादल का जो धन आवेश से आकर्षित होंगे तो इस, मतलब कि जाहिर सी बात है ना यहाँ पर जो आवेश है वो मुक्त रूप से पाए जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने बादलों को देखा होगा है ना आ, बादलों को गैसों का एक मतलब गुच्छा जैसा होता है वो है ना सो यहां पर आकर्षण की यहाँ पर आकर्षण की घटना जो है ऑल पूरी घटित होगी ठीक है इस आकर्षण की घटना की वजह से ही हम लोगों को यहाँ पर लाइटिंग मतलब कि यहां पर बिजली जो है चमकती हुई दिखाई देती है क्योंकि जाहिर सी बात है आवेश जब गति करेंगे ठीक है आवेश जब गति करेंगे ठीक है आप विद्युत धारा में पढ़ोगे इसके बारे में ठीक है तो वहां पर बिजली उत्पन्न होगी विद्युत उत्पन्न होगा ठीक है विद्युत उत्पन्न होगा तो विद्युत आवेश ही विद्युत के उत्पन्न होने का कारण होता है सो तो यहां पर जो बिजली के चमकने की घटना होती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बादल जो है थोड़ी देर के लिए ही टकराते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? पर उसके अलावा आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कभी कभी जो है बिजली गरज के चमक के जो है कभी कभी नीचे की तरफ भी आती है ठीक है तो नीचे की तरफ आने का कारण ये होता है कि जो हमारा अर्थ है वो जो है विद्युत आवेशों का बहुत बड़ा रिजर्वायर मतलब कि बहुत बड़ा कुआं है जिसमें बहुत प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश मौजूद होते हैं ठीक है जैसे कोयले की खान और पेट्रोल का कुआं होता है ना उसी तरीके से जो हमारा पृथ्वी है, है? ठीक पर विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव की तो कि मतलब कि वहां पर बहुत सारे प्रकार के आवेश मौजूद बहुत सारे प्रकार के नहीं बहुत सारे आवेश मौजूद होते हैं धन आवेश और ऋण आवेश प्रकार के तो होता क्या है कि कभी कभी इस तरीके के जब मौसम में होता क्या है कि मतलब इन बादलों के ऋण आवेश अगर इस पृथ्वी के या धरती की सतह के धन, आवेश से जब क्या होते इन धन आवेशों से जब आकर्षित होते हैं तो धन आवेशों से आकर्षित होने के कारण ही क्या होता है यहां पर भी धन आवेशों से आकर्षित होने के कारण विद्युत आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसकी वजह से है ना यहाँ पर आकर्षण की वजह से फिर क्या होता है यहाँ पर भी हम लोगों को बिजली चमकती हुई दिखाई देती है अफकोर्स इससे बचने के लिए हम लोग तड़ित चालक नाम का एक यंत्र भी इस्तेमाल करते हैं आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा जरूर ठीक है सो भाई आज की क्लास में बस इतना ही था विद्युत आवेशों के मूल गुणों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे जिसके जिस, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स तो आज की क्लास में ही कवर कर लिया है बट फिर भी इसको हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में समझेंगे तो ये है कुछ पॉइंट्स जो आप अगली क्लासेस में देखोगे तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही है अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी प्रश्न है आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो बेहिचक आप लोग मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो जो भी प्रश्न आपके सवाल दिमाग में उठ रहे हैं ठीक है सो राइज बस आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं हम अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो भाई आप लोग बुक्स जरूर रीड करना जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो भी आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होगी उन पुस्तकों से आप लोगों को उन टॉपिक को जरूर पढ़ना है सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर थ्योरी क्लियर होगा तभी चल के आगे को आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनेंगे नहीं तो आप लोगों को भी यही दिक्कत आएगी कि मैम न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने के लिए आप लोगों को थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए जिसके लिए आप लोगों को क्लास अटेंड करने के साथ साथ रेगुलर आने के साथ साथ आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम लोगों को इस विद्युत आवेश के गुणों को और गहराई से समझना है तो इस विद्युत आवेश के जितने भी गुण के पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर पहला पॉइंट है इस पॉइंट में बता कहना क्या चाहता है कि मतलब कि जो जो पदार्थ वहां पर आवेशित हो रहे थे तो उनमें से एक पदार्थ धन आवेशित और दूसरा पदार्थ जो है ऋण आवेशित हो रहा था तो इसको हम लोग और अच्छे से इस गुण को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा था वैसे रह तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था बट ध्यान से सुनो कि अभी मैं क्या बताने जा रही हूं ठीक है सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा क्या लिया था हम लोगों ने एक हम लोगों ने कांच की छड़ लिया था और दूसरा हम लोगों ने ले लिया था क्या रेशम का कपड़ा ठीक है अब अगर इसको हम लोग क्या कर रहे थे रगड़ रहे थे तो रगड़ने की वजह से यहां पर घर्षण हो रहा था घर्षण के कारण यहां पर क्या हो रहा था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्य कक्षाओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे वो क्या हो रहा था यहां पर कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जा रहा था जिसकी वजह से यहां पर जो आपका कांच की छड़ था ये हो जा रहा था धनावेश और यहां पर जो आपका रेशम का कपड़ा था ये हो जा रहा था क्या ऋण भाई यहां पर ध्यान आपको ये भी है कि जब हम लोग इन दोनों वस्तुओं को इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हैं तो इस कांच के इस कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस वस्तु में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो अगर कमजोर बंध से बंधे होते हैं उस वस्तु से ही इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होते हैं और जितनी संख्या में यहां पर स्थानांतरित हो रहे हैं उतनी ही संख्या में क्या होगा यहाँ पर रेशम के कपड़े में जो है नेगेटिव आवेश मतलब की ऋण आवेश यहाँ पर आएगा ठीक है तो संख्या में दोनों जगह बराबर होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई नए आवेश तो आ नहीं रहे है जि जितना यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर यहाँ पर रेशम के कपड़े में जा रहा है उतना ही यहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है ठीक है सो यहाँ पर मतलब कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है कम ज्यादा नहीं हो रहा है बस घर्षण की वजह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया जिसकी वजह से यहां पर होगी जैसे कि यहां पर कांच की छड़ में क्या आ गया कांच की छड़ इसमें क्या आ गया हमारा धन आवेश आ गया और यहां पर रेशम का कपड़ा जो है हमारा रेशम का कपड़ा ठीक है सो so, इसमें क्या आ गया हमारा ऋण आवेशित तो यहां पर रेशम का कपड़ा हो गया ऋण आवेशित और जो हमारा यहां पर कांच का छड़ था वो हो गया हमारा धन आवेशित तो यहां से हमको कंक्लूजन मतलब कि परिणाम ये निकल रहा है कि वस्तुएं यहां पर घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आवेशित हुई दोनों वस्तुएं यहां पर आवेशित होने के कारण केवल दो प्रकार के ही आवेश उत्पन्न कर सकती है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके दूसरे वस्तु में चले जाएंगे वहां पर धन आवेश हो जाएगा और जिस वस्तु में आ जाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा ऋण आवेश तो ये इसका पहला गुण हो गया कि दो ही दो ही प्रकार के आवेश उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी वजह से एक वस्तु धन

यहीं पर अगर हम लोग इसके पास जो है दूसरा कुछ पदार्थ ले आते हैं ठीक है यहां पर मान लो कि यह वस्तु जो है क्या है मान लो कि यह वस्तु ए है ये वस्तु क्या है बी है ठीक है तो अगर हम इन दोनों वस्तुओं को पास में लेकर के आएंगे तो यहां पर क्या होगा आकर्षण की घटना जो है घटित होगी यह वस्तुएं एक दूसरे से आकर्षित होंगी क्योंकि यहां पर इनमें विपरीत प्रकार के आवेश पाए जाते हैं कैसे आवेश पाए जा रहे हैं विपरीत प्रकार के प्रकार के Aves. तो भाई जो हमारी कहानी शुरू हुई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन जी की जो कहानी शुरू हुई थी जहां पर आप लोगों ने देखा था कि बादलों से पतंग जो है आकर्षित हो रहा था तो वहां पर वो पतंग अन वस्तु था ठीक है तो अनावेश वस्तु आवेश वस्तु आकर्षित होती है और विपरीत प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से आवेशित होती है तो इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है एंड इसके अलावा और भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे वहां पर आकर्षण और प्रति आकर्षण के एग्जाम्पल देखे थे क्योंकि पूरी घटना जो है आकर्षण से

तो यहां पर इस तरीके से अगर आप लोगों को कुछ देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर क्या पाया जाएगा प्रतिकर्षण की घटना पाई जाएगी इसी तरीके से अगर अगर हम अगर हम हम लोग लोग क्या करें दो ऋण वस्तु भी ठीक है तो यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऋण आवेश वस्तु तो मान लो कि इसमें क्या है ऋण आवेश भरा हुआ है एक और पदार्थ है दूसरा पदार्थ यहां पर भी क्या भरा हुआ है ऋण आवेश मौजूद है ठीक है तो यहां पर अगर ये दो वस्तुएं हैं तो यहां पर भी विपरीत प्रकृति विपरीत

और अगर हम लोग किसी अनवेश वस्तु को भी लेकर के आए क्या कैसी वस्तु को लेकर के आए अन वस्तु को भी अगर हम लेकर के आए यहां पर आवेशित वस्तुओं के पास में वहां पर भी क्या पाया जाता है अन वस्तुओं को आवेशित वस्तु के पास अगर हम ले आते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को आकर्षण की ही घटना देखने के लिए मिलेगी ठीक है अब हम आ जाते हैं तीसरे गुण में तो भाई विद्युत आवेश अधिस राशि होती है तो बेटा आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने लोगों ने मापन और मात्रक वाला चैप्टर स्टार्ट किया होगा जहां पे सबसे पहले आप लोगों ने द्रव्यमान लंबाई और समय के बारे में पढ़ा होगा याद करो ठीक है तो वहां पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी थी कि अधिश कब होता है सदिश कब होता है मूल राशि क्या होती है भौतिक राशि क्या होती है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो विद्युत आवेश है हमारा ये विद्युत आवेश जो है हमारी मूल राशि है जहां पर इस विद्युत आवेश में हम लोग जो है कहीं पर भी दिशा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है सो जहां पर भी दिशा की बात नहीं होती है अधिश शब्द का ही मतलब समझ में आता है बिना दिशा के तो जहां पर दिशा की बात नहीं होती है केवल और केवल यहाँ पर किसकी बात हो रही है परिमाण की बात होगी कि, कि कितनी मात्रा में जो है आपका विद्युत आवेश जो है स्थानांतरित होगा जाहिर सी बात है कि हमारा विद्युत आवेश में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो रहा था स्थानांतरित हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मुक्त आवेश है मुक्त मुक्त रूप से पाया जाता है बाह्य कक्षाओं में पाया जाता है ठीक है तो वहां पर स्थानांतरण के समय में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं पांच छह या कितनी भी संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे हैं उस पर चर्चा हो रही थी ठीक है सो इस वजह से यहां पर कहीं पर भी दिशा की बात नहीं हुई तो यहां पर आपका विद्युत आवेश कैसी राशि हो जाएगी अधिस राशि हो जाएगी और इस विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये होता है कुलम तो भाई ये भी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है कुलम जिसको हम लोग सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं इसका ऐसा ही मात्रक होता है ठीक है और अब ये तो हो गया आप लोगों का अब इसका जो विमा होता है तो इसकी जो विमा होती है क्यू बराबर ये विद्युत धारा गुणा समय ठीक है क्यू बराबर विद्युत धारा गुणा समय तो इसकी विमा यहाँ से आप लोगों की निकल जाएगी एटी ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का विद्युत आवेश की विमा तो मैंने यह भी बता दिया कि विद्युत आवेश अधिस राशि है और इसकी विमा क्या होती है मात्रक क्या होता है तो यह इसका तीसरा गुण हो गया ठीक अब हम बात करते हैं आवेशों की योग्यता के बारे में तो ये गुण थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझ लेना कि इसमें कहना क्या चाहते हैं हम लोग क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का आगे के जितने भी हमारे लॉज है नियम है और जो भी हम लोग छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों की काम आनी है तो भाई आवेशों की योजनाता से हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या कर क्या रहे थे मैं कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का ही एग्जाम्पल बार बार ले रही हूँ क्योंकि वही हमारा जो है पहला एग्जाम्पल था ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ कांच की छड़ और यहां पर मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूं क्या रेशम का कपड़ा ये हो गया हमारा रेशम का कपड़ा अब हम क्या कर रहे थे इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे घिस रहे थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जा रहे थे और यहां पर क्या हो जा रहा था रेशम के कपड़े में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने के कारण रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण कांच की छड़ का कपड़ा सॉरी कांच का जो छड़ है वो क्या हो जा रहा है धन आवेश हो जा रहा है ठीक है तो यहां पर जैसे कि ये तो हो गया हमारा अब होगा क्या मतलब कि जैसे कि कि जैसे पर पर हमारे हमारे अलग-अलग मतलब कहना चाहिए कि यहां पर हमारे आवेश जो रहेंगे है ना अगर हम लोगों को इनको क्या करना है जोड़ना है ठीक है अगर हम लोगों को इनको जोड़ना है तो हम लोग इनको कैसे जोड़ेंगे जैसे कि मान लो कि रेशम के कपड़े में रेशम के कपड़े में मतलब पहले ये रेशम का कपड़ा क्या था उदासीन था है ना पहले रेशम का कपड़ा कैसा था उदासीन था और जब शुरुआत में जब हम लोगों ने घर्षण नहीं किया था घर्षण से पहले यहां पर जो हमारा कांच का छठ था ये भी क्या था बेटा उदासीन था अब रगड़ने के बाद ही यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ ठीक है स्थानांतरण के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई ठीक है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई अब अगर हम लोगों को इनमें क्या करना है कि कुल आवेश कितना है ठीक है अगर हम लोगों को रेशम के कपड़े में यह देखना है कि कुल आवेश कितना है तो हमको क्या करना होगा कि इस वस्तु में जितने भी आवेश मौजूद है इनको हम लोगों को जोड़ करके देखना होगा तो मान लो कि इसमें जो है पहले से जब ये आ, उदासीन था तब मान लो कि क्यू वन क्यू वन प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू थ्री मान लो कि यह आवेश मौजूद थे अब फिर से छह छह इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि छह नेगेटिव ऋण आवेश ऋण आवेश जो है यहां पर और बढ़ गए अब हम लोगों को क्या करना है इसमें अगर हम लोगों को कुल आवेश निकालना है तो कुल आवेश हम लोग इस वस्तु में कैसे निकाल पाएंगे किस में निकाल रहे हैं हम लोग रेशम के कपड़े में निकाल रहे हैं ठीक है तो यहां पर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जैसे कि प्लस क्यू वन यहाँ पर पहले से था माइनस क्यू टू पहले से था प्लस क्यू थ्री आ सभी का है सारे क्यू वन क्यू टू का क्यू ही है परिमाण ठीक है अब इनको अगर हम लोगों को जोड़ना है तो क्या हो जाएंगे यहां पर छह ऋण आवेश हो गए हम लोगों के कुल आवेश यहां पर क्या हो जाएगा छह ऋण आवेश हो गए हम लोगों के टोटल छह ऋण आवेश हो गए और दो जो है कितने हो गए दो जो है हमारे पास धन आवेश हो गए तो हमारे पास जो कुल आवेश है वो कितना आ गया कुल आवेश हमारे पास आ गया मतलब कि यहां पर जो कुल आवेश है इसको हम लोग नेट आवेश इस तरीके से भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं नेट आवेश ठीक है ये Q के नीचे हम लोग नीचे लिखते हैं नेट तो इस तरीके से कुल आवेश को नेट आवेश लिखते हैं हम लोग ये हो गया आप लोगों का माइनस क्यू मतलब कि जो आ, ओवरऑल हम लोगों का ये वस्तु जो है ये पदार्थ जो है ऋण आवेशित बचा और इस ऋण आवेशित पदार्थ में चार नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बचे सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे आवेश जुड़ने के बाद ठीक है सारे आवेश जुड़ने के बाद तो इस तरीके से अगर हम लोगों को किसी पदार्थ में आवेशों को जोड़ना होता है ठीक है तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं और ये क्या कहलाती है आवेशों की योजना कहलाती है तो रेशम के कपड़े का उदाहरण लेकर के मैंने आप लोगों को समझाया आप लोग यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को इसको लिखना हो इस गुण के बारे में आप लोगों को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो आवेश की योग्यता वह गुण है जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है तो इसका मतलब यह है जैसे कि मैंने आप लोगों को रेशम का कपड़े का एग्जाम्पल लेकर के बताया तो छह इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है अधिक हुए थे जिसकी वजह से ये क्या हो गया था ऋण आवेश हो गया था तो पहले से इसमें मान लो कि एक पॉजिटिव एक धनात्मक एक ऋणात्मक फिर धनात्मक और फिर दूसरा जो है ऋणात्मक इस तरीके से मौजूद थे आवेश पहले से चार आवेश मौजूद थे दो धनात्मक और दो ऋणात्मक जिसकी वजह से यह वस्तु पहले तो उदासीन थी परंतु घर्षण के पश्चात बच, छह इलेक्ट्रॉन जो है और इसमें आकर के एड हो गए तो इसमें टोटल और आकर के एड हो गए तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो नेट आवेश है वो क्या आया हमारा माइनस चार क्यू आया ठीक है तो इस यहां से हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ हो रहा है यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है हम लोगों ने भी क्या किया था बीजीय योग किया था जैसे कि आप लोग सामान्य से में जोड़ घटाओ करते हैं तो 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 है क्लास क्लास जोड़ घटाओ तो पढ़ते आ रहे हो ना कुछ नहीं रखा है बस हम लोग नंबर्स को जोड़ रहे थे यहां पर हम लोग आवेशों को जोड़ रहे हैं ठीक है चिन्ह सहित जोड़ रहे हैं पर फिर भी इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं तो इस चीज को आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है ठीक है बेटा फिर क्या लिखा है अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं से संख्याओं की भांति जोड़ा जाता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अधिस राशि है ठीक है तो यही चीज तो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल आप लोग जो, जो जोड़ घटाओ करते हो बचपन से जो सीखते आए हो उसी तरीके से जोड़ना घटाना है अब नॉर्मल तरीके से क्यों जोड़ते घटाते हैं भाई क्योंकि ये है तो अधिस राशि और आप लोगों को पता है कि कोई भी भौतिक राशि अगर अधिस रूप में हो तो उनको जोड़ना जो है सामान्य जोड़ घटाओ के तरीके से ही जोड़ा जाता है पर अगर जब सदिश राशि हो जाती है तो वहां पर उनको जब जोड़ा जाता है ठीक है तो उसके लिए अलग से सदिश योग के सदिश योग के त्रिभुज नियम चतुर्भुज नियम और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कक्षा तो तो पढ़ना तो स्टार्ट कर रहे हैं और बे बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप लोगों का कहीं पर कमजोर है तो आप लोगों को फिजिक्स का डेरिवेशन बहुत दिक्कत आएगा ठीक है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जरूर वापस से एक बार कक्षा स्टार्ट करने के साथ-साथ आप लोग एक बार सारे बेसिक मैथमेटिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो ठीक है और या तो फिर आप लोग अपने अगर आप लोग बायो वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग किसी गणित के छात्रों से आप लोग संपर्क करो और या फिर गणित के टीचर से संपर्क करो और कम से कम जो चार टॉपिक है आपके समाकलन अवकलन सदिश गणित और त्रिकोणमिति ये चार टॉपिक आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है चलो अब हम आ जाते हैं अगले गुण की तरफ जो है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी से एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट्स करके बताते रहो ठीक है आप लोगों के कमेंट्स बहुत जरूरी है जैसे मैंने पिछले क्लास के भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं तो वहां पर कुछ बच्चों ने कहा है कि न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है मैम फिजिक्स समझ में ठीक से नहीं आता है तो गाइज आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आप लोगों को बहुत सरल करके आप लोगों की भाषा में आप लोगों को बहुत अच्छे से फिजिक्स समझा दूंगी

आगे चल के आप लोगों को काम काम आएगा गॉस के नियम में विद्युत फ्लक्स में पर बच्चे वहां पर सामान्य जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से समझा रही हूं कि एक -एक को आप लोग अच्छे से ध्यान दो ठीक है अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण आई थिंक मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि किसी बच्ची ने क्वांटमीकरण भी मुझसे पूछा था ठीक है तो बेटा ध्यान से देखना की क्वांटमीकरण यहां पर होता क्या है तो यहां पर मैं आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए लेकर के आई हूं जैसे कि मान लो आप लोगों ने ये चॉकलेट्स तो देखा ही होगा चॉकलेट तो आई थिंक सबको पसंद होंगे राइट right? है कि नहीं आप लोगों को सबको इस चॉकलेट का एक्चुअली मैं तो मैं नाम भी भूल गई हूं क्या नाम है वो पैकेट में आता है एक फाइव या टेन रुपीज का पैकेट होता है जिसमें इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे कलरफुल चॉकलेट्स भरे होते हैं राइट तो मान लो कि दो आप लोगों को मैंने कटोरिया दी हुई है एक कटोरी में बहुत सारे चॉकलेट भर दिए दूसरे कटोरी में भी मैंने क्या कर दिए बहुत सारे चॉकलेट भर दिए ठीक है तो अगर अब मान लो कि मुझे क्या करना है इस एक कटोरी से दूसरे कटोरी में मुझे क्या करना है अगर चॉकलेट को स्थानांतरित करना है ट्रांसफर करना है एक कटोरी से दूसरे कटोरी में अगर मेरे को चॉकलेट को गिन करके लेके जाना है जैसे कभी कभी गेम होता है ना हम लोग खेलते हैं कि भाई मतलब कि आप लोगों को मतलब चम्मच से मतलब कहना चाहिए आपका हाथ बांध दिया जाता है मुंह में चम्मच लगा दिया जाता है और एक एक करके ट्रांसफर करना होता है इस तरीके से खेल बहुत सारे गेम्स होते हैं कभी कभी मस्ती में वैसे मम्मी लोग कभी कभी कीटी पार्टी वगैरह भी जाते हैं तो आप लोगों को कभी तो पता होगा तो वहां पर भी इस टाइप का गेम वगैरह होते रहता है स्कूल्स में भी होते रहता है ठीक है तो उसी तरीके से मान लो कि मैंने आप लोगों को एकदम आप लोगों को जो है टास्क दिया कि कौन जो है जल्दी से जल्दी मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर स्थानांतरित कर पाएगा चॉकलेट्स को ठीक है तो मान लो कि इसमें दस भरे हुए हैं जैसे को तो भाई आप लोग एक एक करके ही तो कर सकते हो ना एक, -एक करके ही कर सकते हो आप लोग चॉकलेट को ट्रांसफर आधा तोड़ के तो नहीं कर पाओगे क्योंकि है ही छोटा सा चॉकलेट और यहां पर तोड़ के ट्रांसफर भी नहीं करना है वो है कैसा एक सैगा है ठीक है तो उसी तरीके से आप लोगों ने जो यहां पर पदार्थों के बारे में देखा तो भाई हर पदार्थ मान लो कि जैसे कि ये कोई वस्तु है ये कोई पदार्थ है तो ये जो पदार्थ है बहुत सारे परमाणु के कणों से मिलकर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है ठीक है तो ये सारे जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पर जो बना रही हूं ये क्या है परमाणु के कण है ठीक है अब आप लोगों को पता है कि ये परमाणु के कण को अगर मैं और मतलब थोड़ा बड़ा करके देखूं तो इस परमाणु के कण में क्या होता है बीच में नाभिक का हिस्सा होता है क्या होता है बीच में नाभिक इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तथा बाह्य कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अब जब हम लोग वस्तुओं को रगड़ते हैं जैसे कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हम लोगों ने रगड़ा तो वहां पर वस्तुओं को रगड़ने पर होता क्या है इस बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके ही एक एक संख्या में ही स्थानांतरित होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ ये तीसरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से स्थानांतरित हुआ तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है मूल आवेश है इससे कोई छोटा आवेश नहीं होता इलेक्ट्रॉन को आप टुकड़ों तो में तोड़कर स्थानांतरित नहीं कर सकते एक सैघापूर्ण इलेक्ट्रॉन ही आप लोगों का स्थानांतरित होगा ठीक है तो यहां पर इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो जैसे कि बहुत सारे जैसे यहां पर चार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए चार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो यहां पर जो चार है इस संख्या को हम लोग एन संख्या बोलते हैं एन संख्या जो एन जो है वो क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये क्या है स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है तो जो हम क्वांटमीकरण यहां पर पढ़ रहे हैं आवेशों का क्वांटमीकरण यही यहां पर आवेशों का क्वांटमीकरण है कि भाई यहां पर जब भी एक वस्तु से जब भी यहां पर एक वस्तु से मान लो कि दूसरी वस्तु में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थानांतरित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो यहां पर जो है कुल चार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए मतलब कि यहां पर जो आवेश है वो क्या हो गया यहां पर ये जो आवेश है वो हो गया चार अब यहां पर जो एक होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, पर दिया तो अगर इस पर हम लोगों को गणना करनी है तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे एक दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस उन्नीस यहाँ से हमारा आवेश का जो भी मान आ जाएगा से गुणा करने पर वो हम लोगों को कुल आवेश के रूप में प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरण है यही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहला रहा है थ्योरी भी मैं आप आप लोगों के लिए लिख लिख कर लाई हूं आप लोग अगर चाहे तो देख करके सकते हैं यहां पर न्यूनतम स्थानांतरण एक इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है ठीक है यही गुण आप लोगों का क्या कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन जो है एक पूर्ण संख्या है सबसे छोटी राशि है विद्युत आवेश की मूल राशि है उससे कोई छोटा आवेश हो होता नहीं है तो भाई वो पूर्ण संख्या के रूप में पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होता है स्थानांतरित होता है विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता मतलब कि है न्यूनतम जो, जो है, है, है।, मतलब है इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थानांतरित किया जाता है यही, यही गुण जो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है अब इसका यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेश क्वांटमी का मूल कारण है ठीक है क्योंकि मतलब कि केवल और केवल पूर्ण संख्या में ही इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो सकते हैं, यही क्वांटमी का कारण है है ना? कारण क्या है एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुण के रूप में स्थानांतरित होना ही क्वांटमीकरण का कारण है ठीक चलो अब हम आ जाते हैं अगले अगले गुण पे तो भाई अगला गुण क्या है विद्युत आवेश संरक्षित है तो आप लोगों ने संरक्षण शब्द के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा संरक्षित का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित करना आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में बहुत सारी चीजों के संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा होगा जैसे आप लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा होगा संवेक संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा होगा तो भाई संरक्षण शब्द का मतलब होता है या संरक्षित शब्द का मतलब होता है सुरक्षित करके रखना तो यहां पर जो हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा जो विद्युत आवेश है. ये भी क्या होता है सुरक्षित ही होता है इसका मतलब ये है कि जैसे कि जैसे हम लोगों ने क्या किया कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो गए तो यहां पर क्या हो गया रेशम के कपड़े, तो कपड़े में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और यहां पर कांच की क्षण में हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी जिसकी वजह से ये धन आवेशित हो गया और ये क्या हो गया ये जो रेशम का कपड़ा है ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से यह वस्तु जो है रेशम का कपड़ा जो है ऋण आवेशित हो गया अब यहां पर आवेश सुरक्षित कैसे है भाई ये समझना है आप लोगों को कि यहां से हुआ क्या पांच इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि क्या हुए स्थानांतरित हुए ठीक है तो पांच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो यहां पर क्या हो गए प्लस पांच हो गए मतलब पांच बढ़ गए यहां पर माइनस पांच हो गए मतलब कि यहां पर धन आवेश वस्तु में पांच की कमी हो गई ठीक है पर यहां पर कुछ नया इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं रगड़ने से है कि नहीं भाई क्यों भाई कमेंट्स करके बताओ भाई आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूं देख रही हूं बिल्कुल देख रही हूं यहां पे क्या कोई नए इलेक्ट्रॉन्स आए कोई नया विद्युत आवेश यहां पर एंट्री किया नहीं यहां पे किसी भी नए विद्युत आवेश की कोई एंट्री नहीं हुई है बस एक से दूसरे जगह में जो है वो स्थानांतरित हो गए हैं, ठीक है थीके? तो इस प्रकार से यहां पर जो कुल आवेश है इन दोनों वस्तुओं को मिलाकर दोनों दोनों पदार्थों का जो कुल आवेश है पदार्थों का कुल आवेश ये तो समान है क्या है ये समान है इसमें कोई बदलाव नहीं है ठीक है तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे आवेश हैं ये हमारे आवेश जो है सुरक्षित है इस पर मतलब कुल इन दोनों पदार्थों को मिलाकर के इन दोनों पदार्थों की कुल आवेशों की संख्या पर हमारा कोई भी अंतर नहीं आया है कुल आवेश हमारा उतना ही है जितना पहले था बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि यहां पर ना तो आवेश जो है उत्पन्न किया जा सकता है ना तो यह नष्ट किया जा सकता है इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में पूरा जो आवेश है वो संरक्षित है सुरक्षित है उसकी संख्या कुल संख्या उतनी ही है उसमें कोई भी कम या कमी या ज्यादा नहीं हो सकता बस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है ठीक है तो जिसमें एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो मतलब

ठीक है तो भाई अभी तो हम लोग सिर्फ दो पदार्थ की बात किए थे पर पूरे ब्रह्मांड मतलब आप लोग देख पा रहे हो मतलब पूरी गैलेक्सी सारी चीजों को मिलाकर के सब कुछ को मिलाकर के ऊर्जा उतनी ही है एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित होती रहती है और यहाँ पर विद्युत आवेश के बारे में इस आवेश संरक्षण के नियम को हमारे बेंजामिन फ्रेंकलिन साहब ने ही दिया था ठीक है तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो अब हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये है हमारा चालक तथा कुचालक चालक और कुछ चालक के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों ने कक्षा दसवीं में थोड़ी बहुत चीजें तो है जरूर पढ़ी होगी क्यों भाई पढ़े हो कि नहीं यहाँ पर आप लोग चित्र में देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो कुछ दिख रहा है आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स की पिक्चर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूं तो अगर आप लोग इन फोटोज को देख करके इस पिक्चर्स को देख करके इस फोटो को देख करके अगर आप लोग जो है मुझे कुछ एक्सप्लेन कर पाए तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूंगी क्यों भाई सारे बच्चे जो जो क्लास में मौजूद हो सारे बच्चे जो क्लास देख रहे हो सभी से मैं कमेंट्स के माध्यम से जानना चाहूंगी कि इन पिक्चर्स को देख करके आप क्या समझ पा रहे हो क्या होता है चालक और कुचालक आप लोगों के आप लोगों की भाषा में मैं आप लोगों के सोच के अनुसार मैं समझना चाहूंगी कि आप लोग उसको अपने समझ के अनुसार कैसे परिभाषित कर सकते हो करो भाई कमेंट्स करो क्या होता है भाई चालक क्या होता है कुचालक चलो तो भाई जो चालक वस्तु है चालक वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिस पर क्या होता है आवेश का प्रवाह हो पाता है तो मतलब कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा ठीक है किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में तो ये जो विद्युत आवेश है इस चालक वस्तु से क्या हो पाता है इस चालक वस्तु से क्या हो पाता है प्रवाहित हो पाता है मतलब कि ये चालक वस्तु कौन सी वस्तु कहलाती है जो अपने में से मतलब कि जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने देती है प्रवाहित होने देती है वह वस्तु चालक वस्तु कहलाती है जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है यहां पर जो है कॉपर का वायर लिखा हुआ है कॉपर यह है क्या कॉपर का तांबे का वायर आप लोगों ने देखा होगा तांबे की तार देखी होगी ठीक है जैसे कि आप लोगों के घरों में मतलब जितना भी विद्युत का मतलब कनेक्शन लगा हुआ है सारा का सारा है ना पहले जमाने में क्या होता था पहले जमाने में तो पूरा का पूरा तांबे का ही वायर इस्तेमाल किया जाता था परंतु महंगा होता है इस वजह से आजकल एल्यूमिनियम के तार जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है ये तार क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हम लोगों को अपने घर में बिजली चाहिए होती है तो बिजली जब हमको चाहिए तो उसके लिए हम विद्युत आवेश का प्रवाहित होना आवश्यक होता है ठीक है तो उसके लिए हम लोग इन तारों का इस्तेमाल करते हैं ठीक तो इस सम, इस तरीके से समझ में आया तो ये जो तार होते ये जो कॉपर के तार होते हैं जो तांबे के जो तार होते हैं ये कैसी वस्तुएं हैं चालक वस्तुएं हैं ठीक है थीके? अब जाहिर सी बात है यार अगर आप लोग खुले हाथों से इन तारों को छू दोगे तो क्या होगा क्या होगा भाई बाल खड़े हो जाएंगे झटका लगेगा बिल्कुल है कि नहीं तो इनको क्या किया जाता है इन तारों को बाहर से कवर किया जाता है प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है है कि नहीं जैसे कि आप लोगों के जो मोबाइल का चार्जर है वो भी एक उसके अंदर जो है एक चालक तार लगी हुई है और उसके ऊपर क्या करी गई है प्लास्टिक की एक परत चढ़ाई जाती है ठीक है अब इस प्लास्टिक की परत जब हम लोग क्या करते हैं इस वायर के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो परत इसलिए होती है ताकि आप लोगों को छूने से करंट ना लगे तो क्यों ऐसा क्या होता है भाई उस परत में कि छूने से करंट नहीं लगता तो बेटा वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुचालक तरह के पदार्थों को ठीक है किसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग कुचालक तरह के पदार्थों को मतलब की इन वायर के ऊपर जो आप लोगों ने देखा होगा जो लेयर्स पाइप जाती है 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 वो किस प्रकार की पदार्थ होती है? कुछ पदार्थ होती होती और कुचालक पदार्थ का गुण ये होता है कि ये अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देती ठीक है विद्युत आवेश नहीं बहते हैं ठीक है इनमें से विद्युत आवेश नहीं बह सकते हैं ये प्रवाहित नहीं होते हैं नहीं बहते ठीक है ये क्या करती है आवेशों को अपने में रोक लेती है आवेशों को अपने ऊपर रोक लेती है तो इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया कुछ ऐसे कपड़ों के फैब्रिक होते हैं जैसे कि आ, मतलब जो मतलब कहना चाहिए जो मैकेनिक मैकेनिक लोग रहते हैं मतलब कि जो बिजली बनाने वाले लोग रहते हैं ठीक है वो लोग मतलब लेदर का कपड़ा या इस तरीके से कुछ चीजें पहनते हैं ना ताकि उन लोगों को जो है करंट ना लगे झटका ना लगे लकड़ी का टुकड़ा भी ऐसा मतलब लकड़ी का टुकड़ा भी अगर आप कहीं पर फसाद हो गए तो वहां से भी क्या आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है विद्युत आवेश जो है प्रवाहित नहीं हो पाते हैं ठीक है ग्लासेस जो और उसी तरीके से आप लोग इस फोटो में देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत आवेश के चालक होते हैं अपने से वहन होने देते हैं बहने देते हैं प्रवाहित होने देते हैं जैसे पानी में भी क्या होता है विद्युत आवेश बह जाता है इसीलिए गीले हाथों से या मतलब गीले शरीर से ऐसे किसी भी खुली तार को नहीं छूना चाहिए बारिश के दिनों में थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो सोना होता है सोना और चांदी दोनों ही जो मेटल है ठीक है दोनों ही जो मेटल है एक प्रकार के चालक पदार्थ हैं, ठीक है थीके? और यहाँ पर ये यह ये जो है एक प्रकार के चालक पदार्थ है और यहाँ पर जो ये ग्रेफाइड है यहाँ पर जो पेंसिल की पेंसिल के अंदर जो होता है है ना वो भी क्या है एक प्रकार का चालक पदार्थ है पर ये जो पेंसिल के ऊपर का हिस्सा है ये आप लोगों का लकड़ी का बना होता है ठीक है पेंसिल के ऊपर का हिस्सा लकड़ी का बना होता है ये लकड़ी जो है कुचालक पदार्थ है परंतु उसके अंदर की जो ग्रेफाइड होती है वो क्या होती है वो चालक वस्तु होती है तो चालक और कुचालक आप लोगों को तो समझ में आया कि नहीं यस या नो जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ ठीक है अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी अभी तक हम लोगों ने विद्युत आवेश के जितने भी कॉन्सेप्ट जितनी भी थ्योरी को हम लोगों ने समझा है ना वहां पर हम लोगों ने पता है किस पदार्थ किस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया है किस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया है कौन बताएगा आप लोगों में से कोई बता सकता है बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट्स करो तो वहां पर हम लोगों ने कुचालक तरह के पदार्थों का इस्तेमाल इस्तेमाल किया है अब भाई मैम आप पूछोगे कि मैम कुचालक पदार्थों का क्यों इस्तेमाल किया है तो भाई हम लोग अभी स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्थिर विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या करते हैं रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो भाई कुचालक पदार्थ ही क्या करता है आवेश को रोक देता है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं रुके हुए आवेश के बारे में में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोगों को किस टाइप का पदार्थ चाहिए होता है हम लोगों को कुचालक पदार्थ चाहिए होता है ताकि ये अपने में से आवेश को ना बहने दे और आवेश के ना बहने के कारण ही उसके सरफेस पर कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए आवेश क्या रुक जाता है और हम लोगों को उसका स्टडी करने का मौका मिल जाता है क्षणिक होता है थोड़े देर के लिए ही रुकता है पर उतने में हम लोग जो है स्टडी कर पाते हैं जब हम लोग यहां पर स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जब हम लोग स्टडी कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जो है तीसरे अध्याय में बहते हुए मतलब की विद्युत आवेश के प्रवाह पर जाएंगे जिस चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा ऑफकोर्स आप लोग पढ़ोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मजा भी आएगा ठीक है तो अब हम अब बात करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में तो आवेशन की विधियां क्या होती है भाई आवेशन की विधियां क्या होती है तो जैसे कि अभी तक आप लोगों ने समझा था जो हम लोगों ने कहानी की बात करी थी वहां पर क्या हो रहा था उस कहानी में जो है हो रहा था आकर्षण ठीक है क्या हो रहा था आकर्षण अब आकर्षण क्यों हो रहा था क्योंकि तो वस्तुएं वहां पर आवेशित थी ठीक है वस्तुएं आवेशित क्यों हो रही थी क्योंकि जब वस्तुएं एक दूसरे से टकरा रही थी तो वहां पर क्या हो रहा था घर्षण हो रहा था घर्षण के कारण वहां पर क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ठीक है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जिसकी वजह से क्या हो जा रही थी वस्तु जो है आवेशित हो जा रही थी है ना और एक आवेशित वस्तु जो है विपरीत प्रकार के आवेश या फिर उदासीन वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी ठीक है तो इस तरीके से वस्तु आवेशित हो रही थी तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने केवल और केवल एक ही तरीका देखा हर चीज को हम लोगों ने आपस में रगड़ा था घिसा था दो प्र, दो पदार्थ लिए थे हम लोगों ने बहुत प्रकार के पदार्थ कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे यहां तक एक बच्चा फिसल पट्टी से फिसल रहा था बादल आपस में टकरा रहे थे और उसके अलावा और बहुत सारे हां बिल्ली जो है अपने आप को खंभे से घिस रही थी और क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे भाई कौन बताएगा जल्दी से कमेंट्स करो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे है कि नहीं देखा था ना हमने तो सारे जगह में क्या हो रहा था घर्षण की घटना हो रही थी सारे जगह में क्या हो था घर्षण की घटना हो रही थी और घर्षण की वजह से क्या हो हो रही रही थी थी वस्तु जो है आवेशित हो रही थी. अब हम जानेंगे कि और भी ऐसी कुछ विधियां होती है और भी ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं तो वो है आप लोगों का प्रेरण के द्वारा आवेशन और नेक्स्ट है आप लोगों का स्पर्श के द्वारा या फिर चालन के द्वारा आवेशन ठीक है तो यहाँ पर प्रेरण के द्वारा आवेशन चालन के द्वारा आवेशन इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे घर्षण के द्वारा आवेशन तो हम लोग वैसे भी काट की छड़ और रेशम का कपड़ा आप लोगों के दिमाग में इतनी बार मैंने रिपीट करके बिठा दिया है कि वो तो आप लोगों के दिमाग से जाएगा ही नहीं ठीक है तो फिर भी हम लोग पहला हम लोगों का आवेशन का विधि घर्षण के द्वारा आवेशन ही है एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं यहां पर हम लोगों ने कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया अब किया क्या च्या? हम लोगों ने कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा को आपस में जो है रगड़ा रगड़ने की वजह से यहां पर क्या हुआ घर्षण हुआ घर्षण की वजह से यहां पर क्या हो रहा है कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं क्या हो रहे हैं स्थानांतरित अब स्थानांतरित होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है अब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह वस्तु ऋण आवेश जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह वस्तु क्या हो गई धन आवेश इस तरीके से हम लोगों का जो मतलब पर्पस था जो हम लोगों का अ, मतलब एम था जो हम लोगों को करना था आवेशित करना था वस्तु को तो इस तरीके से हम लोगों को यहां पर दोनों वस्तुएं आवेशित होकर के मिल गई यहां पर एक वस्तु धन आवेशित हो गई दूसरी वस्तु क्या हो गई ऋण आवेशित हो गई पर ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित नहीं होंगे ना ठीक है ये भी आप लोगों को समझना है क्योंकि इसमें से मतलब कि इस की छड़ से रेशम के कपड़े में स्थानांतरण हुआ है ठीक है जब हम लोग इनको पास पास लेकर के आएंगे तो जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया था वो वापस से आकर ये हो जाएगा क्योंकि ये चालक और कुछ अलग के बारे में बता, बताया है ठीक है तो है तो ये कुछ अलग तरह का पदार्थ तो ये थोड़ी देर के लिए कुछ क्षण के लिए ही क्या करता है आवेशों को अपनी सतह पर रोक के रखता है फिर नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है तो उस जब जब तक वो रोक कर रखता है तब तक के मैं हम लोग कर लेते हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं या तो फिर हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं जिससे आवेश हमारे पास रह जाती है है ना ठीक है पर 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 अगर हम लोग इस कांच की की छड़ को किसी और ऋण वस्तु के 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 पास लेकर जाएंगे ना तो वहां आकर्षण घटना जरूर होगी विपरीत प्रकार के आवेश जहां मौजूद रहते हैं वहां पर आकर्षण की घटना होती है समान प्रकार के आवेश जहां पर होते हैं वहां पर प्रतिकर्षण की घटना होती है तो भाई दूसरी विधि जो है हमारी प्रेरण के द्वारा आवेशन इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं क्विकली समझ लेंगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इजी है, मजेदार है ठीक है तो देखो अब हम लोगों ने क्या किया यहां पर हम लोगों ने प्रेरण के द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिया दो चालक गोले लिए आप लोगों का ये जो गोला है ये क्या है चालक गोला ठीक है ये चालक गोला है ये भी क्या है चालक ही गोला है ठीक है गोला है बॉल की तरह है पूरा स्फेयर रूप में है और इसको हम लोगों ने क्या किया कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया है ये जो स्टैंड लगा हुआ है ये जो है कुचालक पदार्थ का बना हुआ है अब कुचालक पदार्थ का स्टैंड हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि यहां से जो आवेश है वो जो है सरफेस पर जो है स्थानांतरित ना हो जाए क्योंकि आपका जो पृथ्वी है आपकी जो जमीन है जो अर्थ है वो पूरा पूरा आवेशों का बहुत बड़ा कुआं है रिजर्वायर है उसमें बहुत प्रकार के धनावेश और ऋण आवेश जो है मौजूद होते हैं तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कुचालक स्टैंड लेना पड़ता है ताकि अगर हम लोग इस चालक इस चालक वस्तु है जो अभी जो है उदासीन है शुरुआत में ये कैसी है शुरुआत में ये जो है वो उदासीन है है ना ये चालक वस्तुएं कैसी है उदासीन है इनको हमको क्या करना है प्रेरण की विधि के द्वारा इनको हम लोगों को आवेशित करना है तो भाई कैसे होगा देखते हैं हम लोग दूसरे डायग्राम में बी डायग्राम में तो अब हम लोगों ने किया कि कांच की छड़ जिसको हम लोगों ने यहाँ पर धन आवेशित किया था ना ये मान लो आपकी क्या है कांच की छड़ जिसको हम लोगों ने पहले के प्रक्रम में घर्षण के द्वारा यहाँ पर क्या किया था धन आवेशित किया था इस धन आवेशित छड़ को हम लोग क्या करेंगे इस चालक के पास लेकर आए पास में लेकर आए पास में लाने से होगा क्या पास में लाने से होगा क्या क्या होगा भाई क्या हो रहा है क्या देख पा रहे हो क्या समझ पा रहे हो चित्र को देखकर तो भाई यहां पर धन आवेश कांच की छड़ को पास में चालक के पास में लाने से क्या होगा कि इस चालक के अंदर जितने भी मतलब क्योंकि शुरुआत में ये क्या था उदासीन था या फिर अनावेश तो इसमें क्या है कि जितने धन आवेश है उतने ही क्या है दोनों चालक पदार्थों में उतने ही ऋण आवेश भी, भी मौजूद है जितने धन आवेश है उतने ही क्या है जितने धन आवेश है उतने ही यहां पर क्या है ऋण आवेश भी मौजूद है अभी हम लोगों ने एक आवेशित कांच की छड़ को यहां पर लेकर के आया आवेशित कांच की छड़ को ठीक है कांच की छड़ को ले आया अब ये धन आवेशित है, कैसे है भाई ये धन धन आवेशित ठीक है इसको मैं प्लस क्यू लिख देती हूं धन आवेशित है ठीक होगा क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं विपरीत आवेश ठीक है वो क्या होते हैं आकर्षित होते हैं क्या होते हैं आकर्षित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पर धन आवेश कांच की छड़ से कौन आकर्षित होंगे भाई यहां पर धन आवेश कांच की छड़ से यहां पर इस चालक पदार्थ के अंदर इन चालक पदार्थ के अंदर जितने भी ऋण आवेश है वो आकर्षित होंगे आकर्षित होकर खिसक के कहां पर आ जाएंगे इस तरीके से बाएं हिस्से में आ जाएंगे बाया हिस्सा मतलब कि यहां पर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो सारा का सारा जो ऋण आवेश है यहां पर क्या हो गया आकर्षण के कारण यहां पर इस चालक गोले के बाएं हिस्से में आकर के इकट्ठा होगा ठीक है अब यहां पर विपरीत आवेश में आकर्षण हो रहा है तो क्या होगा यहां पर समान आवेश में प्रतिकर्षण भी होगा समान आवेश में प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि यहां पर यहां पर जो धन आवेश है वो क्या होंगे सारे के सारे प्रतिकर्षित होकर इस तरीके से यहां पर दाई में दाई और क्या हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे किनारे खसक जाएंगे दूर खसक जाएंगे उस गोले के अंदर ही रहेंगे परंतु क्या होंगे दूर खसक जाएंगे ठीक है तो इतना समझ में आया अब हम लोग अगले चित्र में आकर के देखते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है भाई यहां पे देखो यहां पर भी वही हो रहा है कि मतलब खसक करके सारे आ गए अब सारे के सारे यहां पर क्या हो गए इकट्ठे हो गए सारे के सारे इकट्ठे हो गए दूर दूर हो गए अलग अलग हो गए पहले ये गोला कैसा था आपस में चिपका हुआ था पहले ये गोला क्या था आपस में चिपका हुआ था अब हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया दोनों चालक गोले को क्या कर दिया दोनों चालक गोले को दूर कर दिया दूर दूर कर दिया ठीक है दूर दूर कर दिया तो हुआ क्या यहां पर जो हमारा ये पहला चालक गोला है ये पूरा का पूरा ऋण आवेशित रह गया कैसा रहेगा ऋण आवेशित रह गया और यहां पर ये, ये वाला जो राइट साइड का दाहिनी तरफ का जो गोला है पूरा पूरा का कैसा कैसा रह 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 गया 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 धन धन आवेशित आवेशित अब दोनों को अलग कर दिए तो अलग करने से तो स्थानांतरण वहां होगा नहीं पहले क्या था वो जुड़ा हुआ था चिपका हुआ था अब हम लोगों ने क्या किया इस काज की जड़ को अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे ठीक है क्या करेंगे हटा देंगे तो हटा देने से क्या होगा यहां पर हटा देने से यहां पर ये जो गोला है ठीक है ये जो गोला है वो कैसा बच गया ऋण आवेशित बच गया और ये जो गोला है वो कैसा बच गया धन आवेश बच गया ठीक है अब क्या होगा कि यहां पर अब इनके जो बचे हुए आवेश है ये विपरीत प्रकृति के हो गए कैसे हो गए विपरीत विपरीत प्रकृति प्रकृति के के अब होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि ये गोला ये ऋण आवेश गोला विपरीत प्रकृति के होने की वजह से अब यहां पर इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है और आकर्षण की वजह से क्या हो रहा है यहां पर जो आवेश है यहां पर जो आवेश है राइट साइड में खसक के इस तरीके से इधर हो हो गए गए और यहाँ पे जो धन आवेश है वो क्या लेफ्ट साइड में खिसक करके यहाँ पर ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होकर जो है इस तरीके से जो है इस खसक गए ठीक है परंतु ना तो यहाँ पे हम घर्षण कर रहे हैं और ना ही मतलब कि मतलब यहाँ पर हम लोग जो है इसको टच कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जिसकी वजह से यह एक से दूसरे में तो स्थानांतरित नहीं होगा परंतु तो यहाँ पर प्रेरण मतलब कि यहाँ पर प्रेरण प्रेरण की तरह यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है मतलब बिल्कुल प्रेरण हो सकता है जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या किए थे जैसे कि कांच का छड़ छाके यहाँ पर हम लोग आवेशों को आकर्षित किए थे तो यहाँ पर क्या हुई थी ये आकर्षण जो हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था प्रेरण के वजह से हुआ था हम लोग यहाँ पर जो है चालक वस्तु को उस आवेशित वस्तु से बिना टच किए बिना टच किए आकर्षित किए थे ठीक उसी प्रकार से पर दोनों चालक गोले चालक गोले में विपरीत प्रकार के आवेश पाए जा रहे है। तो इनके बीच में भी हो और बिल्कुल तो साथ साथ प्रेरण की घटना गट तो गट तो 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 हम लोगों ने देख लिया और हम लोग एक ये भी समझते हैं ठीक है वहां पर हम लोगों ने दो चालक गोला लेकर शुरुआत में उसको कांच की छड़ से आकर्षित किया था फिर बाद में कांच की छड़ को हटाने के बाद

ठीक है इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ही यहां पर क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं ठीक है परंतु यहां पर हम लोगों को अभी फिलहाल स्थानांतरित नहीं करना है स्थानांतरित होने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे यहां पर राइट साइड में हम लोगों ने क्या किया एक अर्थिंग लगा दिया अब अर्थिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर दसवीं कक्षा में आपके घरों में भी अर्थिंग लगा होता है ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज है है ना वो क्या हो धरती में बह जाए ठीक है तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया जो हमारा बी स्टेप है सेकेंड स्टेप इसमें हम लोगों ने दाहिने साइड है ना राइट साइड में हम लोगों ने अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग लगा दी ठीक है अब इसकी वजह से हुआ क्या प्रतिकर्षण के फलस्वरूप यहां पर प्रतिकर्षण के फलस्वरूप लिख देती हूं मैं प्रतिकर्षण फल स्वरूप जो धन आवेश दूर की तरफ चले गए थे ठीक है तो ये प्रतिकर्षण के फल स्वरूप सारे के सारे कहां चले जाएंगे अर्थ में चले जाएंगे आपके पृथ्वी की सतह में जो जो है है ट्रांसफर हो जाएंगे और और होगा क्या यहां पर? यहां पर पर केवल और केवल ये ऋण आवेश इससे आकर्षित होने की वजह से इस कांच की छड़ से यहां पर आकर्षित होने की वजह से केवल इस चालक गोले में ऋण आवेशित ही रह जाएंगे ठीक है तो ये इससे प्रेरण के द्वारा इसमें स्थानांतरित हो इससे पहले इनसे ने क्या किया स्थानांतरित होने से पहले जो बचे हुए आवेश यहां पर मौजूद है अब ये गोला कैसा हो गया ऋण गया। तो इस ऋण आवेश चालक गोले को अकेले छोड़ दिया क्या किया अकेले छोड़ दिया कांच की छड़ को हटा लिया कांच की छड़ को हटा लिया जिसकी वजह से यहां पर केवल और केवल ऋण आवेश मौजूद है अब अब ये गोला गोला कैसा है अब ये जो चालक गोला है ये आवेशित गोला है आवेशित गोला है और इसमें जो आवेश है वो क्या है ऋण आवेश है तो ये चालक ऋण आवेशित गोला हो गया अब इस ऋण आवेशित गोले में जो जितने भी आवेश बचे हैं वो क्या होंगे समान रूप से चारों तरफ क्या होंगे पूरे सतह के चारों तरफ जो है वितरित हो जाएंगे ठीक है इसके बारे में भी एक टॉपिक आएगा आगे सतत आवेश वितरण उसमें आप लोग आवेशों का वितरण पढ़ोगे यही का कॉन्सेप्ट वहां पर लेकर के जाऊंगी तो ध्यान रखना तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर प्रेरण के द्वारा यहाँ पर हम लोगों ने प्रेरण के द्वारा इस चालक गोले को आवेशित किया ठीक इसी तरीके से पहले यहां पर भी हम लोगों ने प्रेरण के द्वारा इन चालक गोले को क्या किया था आवेशित किया था अगर हम इन दोनों आवेशित गोले को दूर दूर रख दे थोड़ा डिस्टेंस में रख दे तो जाहिर सी बात है यार दूरी बढ़ जाएगी दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण कम हो जाएगा वहां पर मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ये इनमें आवेश जो है फिर आ, 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 समान रूप से सब तरफ फैल जाएंगे जैसे कि ये ऋण आवेशित गोला है तो इस ऋण आवेश गोले में ऋण आवेश फैल जाएंगे और ये धन आवेश गोला है इस तरीके से इसमें समान रूप से धन आवेश गोले में जो है अगर इसको हम लोग हटा दिए मतलब दूर कर दिए एक दूसरे से जैसे कांच की छड़ को दूर कर दिए थे ठीक है तो यहाँ पे समान रूप से ये वितरित हो जाएंगे और आवेशित चालक गोले रह जाएंगे वो ठीक है आवेश चालक गोले रह जाएंगे तो इस तरीके से प्रेरण के द्वारा आवेशन किया जाता है अब इस प्रेरण के द्वारा आवेशन की जो घटना है इसमें मैं आप लोगों को एक पॉइंट और समझाना चाहूंगी आप लोग यहाँ पर जो चित्र देख पा रहे हो ठीक है ये भी ठीक उसी तरीके से मान लो कि ये कोई वस्तु है ठीक है कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है ठीक है यहां पर ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था धन आवेश कांच की छड़ को यहां पर हम लोग लेकर के आए थे कांच की छड़ को जब हम लोग इस वस्तु के पास लेकर के आए तो शुरू में जो हमारा ये वस्तु है ये कैसा है उदासीन है उदासीन या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं अन ठीक है अन आवेशित अनावेशित, अनावेशित. अनावेशित शुरुआत में अब यहां पर प्रेरण के कारण क्या होगा प्रेरण के कारण यहां पर आकर्षण की घटना देखी जाएगी और आकर्षण की वजह से क्या होगा आकर्षण की वजह से जो विपरीत आवेश है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ठीक है ये 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 बताने से पहले चीज पर ये दिखाया गया है तो एक बार अगर आप कांच की छड़ को लेकर आते हो जो धन आवेश क्षण है उसको अगर आप ऋण आवेश को लेकर के आते हो तो उसको ठीक है तो यहां पर भी वही घटना हो रही है जो यहां पर हो रही थी तो यहां पर भी ये वस्तु कैसी है अनावेश वस्तु है यहां पर हम लोगों ने कांच की छड़ को लेकर के आया लोग कि हम लोग यहां पर किसको लेकर के आते हैं यहां पर हम लोग एबोनाइट की छड़ को लेकर आते हैं किसको एबोनाइट की छड़ आप लोगों ने देखा था जब आप आपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एबोनाइट ठीक है एग्जाम्पल देखे थे वहां पर जो एबोनाइट की छड़ है उसको हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे तो बिल्ली के बिल्ली की जो खाल है वो धन आवेशित हो जा रहा था एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जा रही थी ठीक है तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये हमारा पहला ये हमारा पहला एग्जाम्पल है ठीक है ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इन दोनों ही एग्जाम्पल में सेम चीज होगी यहां पर एक आवेशित वस्तु को एक अनावेश वस्तु के पास हम लेके आए हैं यहां पर भी एक आवेश वस्तु को एक अनावेश वस्तु के पास लेकर आए हैं अब होगा क्या इस इन दोनों जो अन जो वस्तुएं हैं जो उदासीन वस्तुएं हैं इन उदासीन वस्तुओं में इन उदासीन वस्तुओं में जितने धन आवेश है ठीक है लिख देती हूं जितने जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही क्या है उतने ही ऋणात्मक आवेश है उतने ही ऋणात्मक आवेश है परंतु यहां पर भी प्रेरण के कारण क्या होगा हो आकर्षण की घटना होगी और आकर्षण की घटना के फलस्वरूप क्या होगा यहां पर जो विपरीत प्रकृति का आवेश है विपरीत प्रकृति का आवेश वो जो है इस काज की छड़ छड़ की तरफ यहां पर आकर्षण की वजह से खिसक जाएगा और यहां पर जो जो है समान प्रकृति का आवेश है समान प्रकृति का आवेश यहां पर क्या होगा प्रतिकर्षण की घटना की वजह से यहां पर दूर खसक जाएगा ठीक प्रतिकर्षण की घटना की वजह से दूर खसक जाएगा तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर वस्तु में क्या हो गया यहां पर सेपरेशन हो गया भंजन भी बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भंजन भी बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में इसको जो है सेपरेशन बोलते हैं यहां पर सेपरेट हो गए अलग अलग हो गए अगर आप लोगों की भाषा में बताऊं तो यहां पर दो प्रकार के जो आवेश है अलग अलग हो गए पदार्थ के अंदर ही मौजूद है परंतु खिसक के अलग अलग हो गए दूर हो गए एक तरफ धनावेश इकट्ठे हो गए दूसरे तरफ क्या हो गए ऋण आवेश इकट्ठे हो गए ठीक है तो ये जो घटना है ये आप लोगों की ये घटना ठीक है ये जो घटना है ये घटना क्या कहलाती है किसी को पता है क्या क्या कहलाती है भाई किसी को पता है तो कमेंट्स करके बताओ चलो कोई नहीं मैं बताती हूं ये जो घटना है आप लोगों की ध्रुवण की घटना कहलाती है तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है परावैद्युत तथा ध्रुवण आगे के चैप्टर्स में आप लोगों का आएगा जब आप लोग संधारित्र के बारे में पढ़ोगे और या तो विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को इस ध्रुवण की घटना को याद रखना है प्रेरण की वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से ही यहाँ पर ये ध्रुवण की घटना हो रही है इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं ठीक है Osionfish. तो जैसे एबोनाइट की छड़ में पर धन आवेशन आवेश एक में हो जाएगा। और धन आवेश जो है वो दूर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पर भी क्या हो गया हुआ तो यहां पर भी ध्रुवण यहां पर क्या हुआ ध्रुवण की घटना हुई ध्रुवण का मतलब यह हो गया आप लोगों का ध्रुवण का मतलब यह हो गया आवेशों का सेपरेशन मतलब आवेशों का अलग हो जाना ठीक है आवेशों का अलग हो जाना ठीक है तो इस प्रकार से चीजें होती है ये आगे, आगे आप लोगों का काम आएगा तो प्रेरण के द्वारा आवेशन की पूरी विधि हम लोगों ने पढ़ ली अब आखिरी विधि आती है स्पर्श या फिर चालन के द्वारा आवेशन ठीक है तो यहाँ पर चालन का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी दो पदार्थों को हम लोग टच करवाते हैं मतलब आपस में हम लोग पास में लेकर के आते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु को हम लोग इस तरीके से चिप... मतलब की टच करवा देते हैं चिपका देते हैं पास में लेकर के आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थान होंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं या फिर, के और ये बहुत ही फेमस आप लोगों का एग्जाम्पल है, है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो है सोने की पत्ती लगी हुई है यहां पर इलेक्ट्रोस्कोप में अंदर में यहां पर सोने की पत्ती लगी हुई है सोने की पत्ती गोल्ड लीफ जिसको बोलते हैं ठीक है अब हो क्या रहा है यहां पर हम लोग इस विधि में भी क्या कर रहे हैं एक आवेशित छड़ को लेकर के आ रहे हैं क्या कर रहे हैं आवेशित छड़ पर इस बार हम लोग सिर्फ पास में लेकर के नहीं आएंगे इस आवेशित छड़ को हम लोग क्या करेंगे इस इलेक्ट्रोस्कोप से ये क्या है आप लोगों का लिख देती हूं मैं यहां पर ये है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है इलेक्ट्रोस्कोप से क्या करेंगे यहाँ पर पास में लेके आएंगे पास में लेकर के आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करवाते हैं इसको स्पर्श करवाते हैं या फिर टच करवाते हैं ठीक है अब टच करवाने के कारण क्या हो रहा है यहां पर इस इलेक्ट्रोस्कोप में ऊपर में जो चालक गोला लगा हुआ है ये जो है चालक गोला ऋण है हुआ क्या इसको जब हम लोग टच करवाएं इस आवेश को इस ऋण आवेश चालक गोले से यहाँ पर जब टच करवाए तो टच करवाने की वजह से यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये मतलब ये मतलब चालक गोला है ठीक है है चालक गोला है, तो चालक गोले में क्या होगा यहाँ पर इस वस्तु को टच करवाने से इस ये जो ऋण आवेश है यहाँ पर आकर्षण के फलस्वरूप इस कांच की छड़ में चल, इस कांच की छड़ में आवेश छड़ में जो है चले जाएंगे क्या होंगे इस कांच के आवेश छड़ में चले जाएंगे ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए स्थानांतरित हो गए ठीक है पर इस बार जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ इस बार जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ वो स्पर्श या फिर टच करवाने की वजह से हुआ या फिर चालन के कारण हुआ अब क्या हुआ अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे वो तो क्या हो गए स्थानांतरित हो गए तो यहां पर क्या हुआ इस इलेक्ट्रोस्कोप में जो है धन आवेश जो है ज्यादातर यहां पर धन आवेश धन आवेश जो है वह रह गए ठीक है तो इस तरीके से बस इसमें इतना ही है कि यहां पर स्पर्श करवाने या फिर टच करवाने के कारण क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण हो गया तो यहां पर इस तरीके इस तरीके से जो चीज मतलब ये जो विधि है वो आप लोगों की चालन या स्पर्श के द्वारा चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन की विधि कहलाती है तो आवेशन की विधि में बस इतना ही है भाई अब हम लोगों ने सारी विधियां तो सीख ली सारी विधियां तो सीख ली पर ये जो मजेदार पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं ये क्या पिक्चर हो सकती है क्या पिक्चर हो सकती है ठीक है तो यहां पर मतलब कि छोटा सा मतलब जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आई हूं उसको आप लोगों को जो है समझाने के लिए क्या है ये एग्जाम्पल यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक दरवाजा लगा हुआ है इस घर में कोई नहीं है लॉक करके मान लो कि चले गए हैं यहां पर कोई आदमी आया ठीक है आदमी आया मतलब हो सकता है कि वो इस दरवाजे को खोलना चाहता है या फिर चोरी करना चाहता है जो भी हो सकता है ठीक है ठीक है तो होगा क्या यहां पर यहां पर हम लोगों ने क्या किया यहां पर हम लोगों ने आवेशित आवेशित जो चटाई है जिसको हम लोग मैट कहते हैं आवेशित मैट यहां पर हम लोगों ने रख दिया था क्योंकि ये आवेशित मैट था ठीक है आवेशित मैट था ठीक है अब सुरक्षा के लिए यहां पर क्या किया गया ये आवेशित मैट लगा करके चले गए अब इसको मान लो कि चालू करके चले गए ये किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतलब कनेक्टेड होगा कहीं से इसका कुछ तो भी स्विच होगा क्योंकि नॉर्मली तो हमेशा इसको आवेशित करके रखा नहीं जाएगा मान लो कि घर को छोड़ के गए ठीक है तो कोई आकर के दरवाजे पर मतलब दरवाजे को तोड़ करके कुछ चोरी वगैरह ना कर ले तो इसलिए सुरक्षा

स्पर्श के द्वारा जैसे ही इसका पैर यहां पर टच होगा तो टच होने के कारण यहां पर क्या हो जाएंगे आवेश जो है इसकी बॉडी में स्थानांतरित हो जाएंगे और होगा क्या इसको लग जाएगा अचानक से झटका और चोर चोरी ना करके क्या होगा घर से पल्ला भाग जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग घर की सुरक्षा कर सकते हो मतलब जस्ट एक स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए बना करके लाई तो किस तरीके से यहां पर क्या हुआ स्पर्श या फिर चालन के द्वारा आवेशन हुआ पहले से हम लोगों ने इस चटाई को क्या कर लिया आवेशित करके रख लिया ठीक है अब हमारी बॉडी जो है किसी वस्तु की चालक होने की, मतलब कि हमारी बॉडी जो है किसी वस्तु मतलब किसी आवेश को अपने में से बहने देती है चालक होती है एक तरह का चालक होती है इस वजह से यहाँ पर आवेशित वस्तु से यहाँ पर स्पर्श के द्वारा इस, इस, इस पर्सन की इस इंसान की बॉडी में जो है आवेश क्या हो जाएंगे स्थानांतरित हो जाएंगे जिसकी वजह से इसको लग जाएगा झटका और यह भाग जाएगा ठीक है तो भाई यह थी छोटी सी स्टोरी अब हम लोगों ने आज जो है जितनी भी चीजें पढ़ी है उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ में आई होगी हम लोगों ने विद्युत आवेशों के गुण धर्मों के बारे में पढ़ा सारे गुण धर्मों को हम लोगों ने समझा आवेशों का क्वांटमीकरण आवेशों का आवेशों की योजनाता आवेश का संरक्षण का नियम ये सब हम लोगों ने देखा और उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा भाई क्या देखा उसके अलावा हम लोगों ने सारे आवेशन की विधियां देखी है कि नहीं तो भाई ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी ठीक है आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुलाम के नियम को समझेंगे कुलाम का नियम और कुलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है क्योंकि आज तो भाई विद्युत आवेश जो आप लोगों का था वो राशि थी तो वहां पे आवेशों की योग्यता आसान था परंतु जब हम लोग कुलाम का नियम देखेंगे और कुलाम के नियम में स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे तो वो वो आप लोगों की सदिश राशि रहेगी थोड़ा सा वहां पे जो सदिश स्वरूप रहेगा उसको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को सदिश बहुत अच्छे से क्लियर ना हो तो थोड़ी कठिनाई वहां पर हो सकती है तो इसलिए आप लोगों को पहले से इस चीज का ध्यान रखना होगा अगर आप लोगों को सदिश गणित नहीं आता होगा तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि सदिश गणित आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर ले आप लोगों ने इलेवंथ में पढ़ा है इलेवंथ का पढ़ा हुआ अगर भूल गए हो तो आप फिर से पढ़ लो भाई फिर से पढ़ लो ठीक है कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रश्न हो कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो अभी तक के धन आवेश और ऋण आवेश इन पर बात हुई थी सारी बातें इन पर ही हुई थी आवेशन की विधियों में भी हम लोगों ने देखा कि वस्तुएं जो है आवेशन की विधियों में हम उनको धन आवेशित या ऋण आवेशित बना रहे थे अब हो क्या रहा था विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण हो रहा था और समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था पर यहां पर मान लो कि आप में से ही कोई दो दोस्त हैं देखो इस तरीके से ठीक है तो मान लो कि एक जो है धन आवेशित है और दूसरा जो है अगर ऋण आवेश तो होगा क्या यहाँ पर यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं इनके पास ठीक है तो ये विपरीत प्रकार के जो दोस्त हैं वो क्या होंगे एक दूसरे से बिल्कुल आकर्षित होंगे अब जब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण हो रहा है मतलब कुछ ताकत लग रहा है कुछ खिंचाव उत्पन्न हो रहा है और आप लोगों ने बिल्कुल नवी कक्षा में बेसिक्स में पढ़ा था ठीक है कि जब भी खिंचाव महस महसूस होता है तो वहां पर एक बल कार्य करता है खिंचाव महसूस हो या फिर धक्का लगे दोनों में ही क्या करते हैं बल कार्य करते हैं तो यहां पर जो खिंचाव महसूस हो रहा है विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में या फिर अगर समान प्रकार के आवेश है तो वहां पर अगर प्रतिकर्षण महसूस हो रहा है तो वहां पर अव, जाहिर सी बात है कि मतलब वहां वह वो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं अपने से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं मतलब खींच रहे हैं यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है बल कार्य कर रहा है बल समझ में आ गया ग्यारहवीं पूरा पढ़ के आए हो भाई पूरा बल ही बल था वहां पर है ना पूरा बल ही बल था तो यहाँ पर का भी बल आप लोगों को समझ में आना चाहिए पर यहां पर जो बल लग रहे हैं ये छोटे छोटे बिल्कुल बिंदु आवेशों के बीच में लग रहे हैं ठीक है तो यहां पर ये जो बल के बारे में हम जो चर्चा करेंगे यही आज का हमारा टॉपिक है कुलाम का नियम इसको बोलते हैं स्थिर स्थिर विद्युत विद्युत बल बल ठीक है शुरू करने से पहले और आप लोगों को इंटरेस्टिंग पिक्चर्स में यहां पर दिखाने के लिए लेकर के आई हूं ताकि आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है कुम का नियम ये बिल्कुल आपके डीएनए में घुस जाए ठीक है क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेहतरीन मस्त भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल आप लोगों के डीएनए में घुस जाना चाहिए तो बड़ी ही मजेदार इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं ताकि वो दिमाग में आपके छप जाए कभी भूलो मत और अपनी मैम को भी बिल्कुल भी आप लोग कभी नहीं भूलोगे ठीक है सो यहाँ पर ये देखो जो ये ऊपर में लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल चालक गोला है नीचे में ये कुछ आलग, जो है स्टैंड लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने आवेशन की वीडियो में मतलब की देखा था चालक

की मात्रा इतनी अधिक है कि एक जीते जागते इंसान जो पिंजरे में बंद खड़ा हुआ है यहाँ पर उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है आकर्षण से इतना उसको अपनी तरफ खींच लिया है कि बिल्कुल वो इस चालक गोले से चिपक गया है क्या हो गया है चालक गोले से चिपक गया है ताकत लग रहा है भाई यहाँ पे बल लग रहा है यही बल कहलाता है आपका स्थिर विद्युत बल ठीक है क्योंकि ये बल आवेशों के बीच में लग रहा है ठीक है चालक गोले में जो आवेश है जो विद्युत आवेश है वो स्थिर रूप में है ठीक है इसीलिए यहां पर जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है या फिर जो बल कार्य कर रहा है वो आपका स्थिर विद्युत बल कहलाता है ठीक है और इंटरेस्टिंग पिक्चर आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आई हूं देखो क्या है ये पहचान पा रहे हो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ जल्दी से कमेंट्स करके बताओ क्या है भाई कौन सी फोटो है ये कौन सी फोटो है वैसे आप लोगों ने ग्यारहवीं में बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ठीक है तो कहीं से वो चीजें जो है आपके बारहवीं में भी रिलेट करती है ठीक यहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल आप लोग पढ़ने वाले हो वो भी आपके जो ग्यारहवीं का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वहां से रिलेट करेगा अभी बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी से विद इन अ मिनट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी पर अभी फिलहाल मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ फटाफट से बता डालो क्या दिखाई दे रहा है चलो तो भाई हम भी बता देते हैं आपको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ये जो है गैलेक्सी है आकाश गंगा जिसको बोलते हैं ये दो आकाश गंगाएं हैं बिल्कुल रियल इमेज है ये नासा के द्वारा ली गई रियल पिक्चर है दो आकाश गंगाओं की पिक्चर है इन दो आकाश गंगाओं में जो है आकर्षण बल कार्य कर रहा है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पिंड है और दो बड़े पिंडों के बीच में जब आकर्षण बल कार्य करता है ठीक है देखो आकर्षण वहां पर भी हो रहा है बल वहां पर भी लग रहा है दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में हमारे अंतरिक्ष में यहाँ पर बल लग रहा है पर ये जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है जो आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में ऑलरेडी पढ़ चुका है ठीक है अब यहाँ पर बड़े वस्तु मतलब बड़े मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा गुरुत्वाकर्षण बल दो बड़े द्रव्यमानों के बीच में लगता है दो बड़े पिंडों के बीच में लगता है ठीक है अब यहां पर क्या होता है जैसे अब ये बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है जैसे कि इसके पहले वाली पिक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दो विद्युत आवेशों के बीच में बल लग रहा था पर वहां पर जो बल लग रहा था वो स्थिर विद्युत बल कहरा रहा था ठीक है तो यहाँ पर दोनों चीजों में डिफरेंस है यहां पर भी बल लग रहा है आकर्षण बल ही है वहां पर विद्युत आवेशों के बीच में भी बल लग रहा है वो भी आकर्षण बल ही है उसको इलेक्ट्रोस्टेटिक आकर्षण बल बोलते हैं जिसको मैं स्थिर विद्युत बल के नाम से बता रही हूं यहां पर जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल है पर इन दोनों में अंतर है डिफरेंस है मतलब कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल है वो छोटे छोटे दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है उसके बावजूद वो आकर्षण बल इस गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में कंपैरिजन में कहीं अधिक होता है स्थिर विद्युत बल का मान इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे इसके लिए भी एक क्वेश्चन लेकर के आई हूं उस क्वेश्चन से हम लोग प्रूफ करेंगे ठीक है चलो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ आकर्षण बल के बारे में जो है चीजें बताई है विद्युत आवेशों के बीच में लगता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है पर ये जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है ये इमेज जो आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या हो रहा है क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कर सकते हो ऑब्जर्व कुछ दिखाई दे रहा है क्या चलो मैं बताती हूं ये चालक गोले भी ये जो है ये यहाँ पे जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये चालक गोले हैं ये भी क्या है आवेशित गोले हैं ठीक है ये भी क्या है आवेशित गोले है अब हो क्या रहा है जैसे कि मान लो कि एक चालक गोले को अगर हम लोग इस तरीके से रस्सी से बांध कर क्या कर रहे हैं इस तरीके से अगर हिला रहे हैं तो दूसरा आवेश गोला जो है उसकी तरफ खींचा चला आ रहा है मतलब कि आकर्षित हो रहा है पीछे में एक स्केल भी लगी हुई है आप लोग देख पा रहे हो स्केल लगी हुई है तो हो क्या रहा है जैसे जैसे हम लोग रस्सी से बंधे हुए इस चालक गोले को यूं हिला रहे हैं धीरे धीरे वो और पास आते जा रही है आकर्षण बल उसका अधिक होते जा रहा है बढ़ते रहा है ठीक है तो आप लोग यहां पर समझ पा रहे हो देखो इतना करीब आ गया अब केवल एक सेंटीमीटर तो से बार -बार के के एक सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर मतलब दोनों के बीच में लगभग तीन सेंटीमीटर की दूरी थी कम हो गई दूरी दो सेंटीमीटर बच गई अब देखो एक सेंटीमीटर बच गई दूरी अब इसके बाद देखो आधी सेंटीमीटर बच गई दूरी तो मतलब जितनी पास आ रही है उतना अधिक बल कार्य करते जा रहा है ठीक है तो इसी बल को हम लोग समझे इसी बल को जो है कुलाम जी ने कुलाम जो है साइंटिस्ट का नाम है तो कुलाम जी ने अपने नियम के द्वारा पूरा सिद्ध कर दिया पूरा लिखित रूप में हमको सिद्ध कर दिया क्या सिद्ध कर दिया अध्ययन किया होगा पहले उन्होंने अफकोर्स मतलब कोई भी साइंटिस्ट कोई भी वैज्ञानिक अगर कुछ भी चीज को सिद्ध करता है तो उसके पीछे उसकी दिन रात की बहुत सारी मेहनत छिपी होती है बहुत सारे अध्ययन छिपे होते हैं तब जाकर के फाइनली वो हमको कुछ नियम देते हैं जिसको आज हम पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो उनका बहुत बड़ा योगदान है भाई ध्यान से पढ़ो मजे करके पढ़ो इंटरेस्टिंग चीजें हैं ठीक है तो उन्होंने नियम क्या दिया यहां पर कि यहां पर ये ये जो चाला गोला और ये चाला गोला इनमें विद्युत आवेश है विद्युत आवेशों के जो प्रयोग है उनसे ये पता चल रहा है कि दो वस्तुओं में यहां पर क्या है विद्युत आवेश उपस्थित है ठीक है तो हो क्या रहा है कि वो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहा है ठीक है ये इस पर भी बल लगा रहा है और वो इस पर भी बल लगा रहा है ठीक है ये इस पर भी बल लगा रहा है वो इस पर भी बल लगा रहा है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि बल का परिमाण प्रत्येक वस्तु पर नेट आवेश मतलब कि कुल आवेश के अनुपातिक होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो इसके ऊपर बल लगा रहा है और वो जो इसके ऊपर बल लगा रहा है ध्यान से देखो देखो यहां पर ध्यान से देखो ठीक है ये वाला जो गोला उस गोले के ऊपर जो बल लगा रहा है और वो गोला जो इस गोले के ऊपर बल लगा रहा है ठीक है ये बल जो है इन दोनों वस्तुओं के आवेशों के समानुपाती होता है ध्यान से सुनो इन दोनों वस्तुओं के आवेशों के समानुपाती होता है ठीक है और इनके बीच की दूरी के इनके बीच की दूरी के वर्ग के वितक्रमानुपाति होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के वितक्रमानुपाति होता है अब वर्ग के वित का मतलब क्या हो रहा है आवेशों के समानुपाती होता है ये तो हम समझ गए वर्ग के इनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाति का मतलब ये हो रहा है कि ये जितने ज्यादा पास आते जा रहे हैं जितने ज्यादा पास आते जा रहे हैं उतना ही इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ते जा रहा है यही आप लोगों का क्या कहलाता है गुलाम का नियम कहलाता है जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के नाम से जानते हैं ठीक है समझ में आ गया तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इमेज के माध्यम से तो समझा दी अब फाइनली हम लोग इस चीज को जो है सारी चीज को अच्छे से जो है बिल्कुल लिखित रूप में समीकरणों के रूप में जो है समझ लेते हैं तो भाई ये जो आवेश है ये वही दो आवेश है यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इस चित्र में कि एक जो है Q1 आवेश है एक जो है Q2 आवेश है दोनों ही ऋणात्मक आवेश है ऋण आवेश है मतलब कि समान प्रकृति के आवेश है और जहां पर भी जहां पर भी क्या होते हैं समान प्रकृति के ये क्या है समान प्रकार के आवेश तो जहां पर भी समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में क्या घटित होता है प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है ठीक है अब यहां पर ये आवेश Q1 जो है वो ऋणात्मक है और यहां पर जो Q2 आवेश है वो क्या है धनात्मक है ठीक तो यहां पर क्या होगा यहां पर विपरीत प्रकार के आवेश है विपरीत प्रकार के आवेश और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है आकर्षण की घटना होती है आकर्षण की घटना होती है ठीक अब हम लोग धीरे धीरे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ये आवेश दिया हुआ है ऋणात्मक आवेश इसका आवेश Q1 है और यहाँ पर जो राइट साइड में आप लोगों को दाहिने साइड में दिया हुआ है इसका आवेश जो है Q2 है ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो विपरीत प्रकार के आवेश दिए हुए हैं उसमें भी जो लेफ्ट साइड का आपका ऋण आवेश है इसका आवेश Q1 और राइट साइड का जो आवेश है उसमें आवेश जो है वो Q2 दिया हुआ है अब प्रतिकर्षण और आकर्षण तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है परंतु ये जो आवेश है एक दूसरे से जो है आठ दूरी पर स्थित है क्या है एक दूसरे से यहां पर आर दूरी पर स्थित है ठीक ये भी सेम इसी प्रकार समान उसी के समान ही इसी प्रकार से क्या है एक दूसरे से जो है आर दूरी पर स्थित है ठीक है तो अब होगा क्या अभी अभी मैंने इसके पहले वाले इमेज में भी आप लोगों को समझाया था इसके जस्ट पहले आ, वाले इमेज में कि ये वाला जो चालक गोला है ये वाला जो आवेशित गोला है उस वाले आवेशित गोले पर बल लगा रहा है और वो वाला जो आवेशित गोला है वो इस वाले आवेशित गोले पर बल लगा रहा है तो इसी चीज को हम लोगों को यहां पर डायग्राम में समझना है कि यहां पर जो आपका क्यूवन वाला आवेशित गोला है ये जो क्यू वन वाला आवेशित गोला है इस क्यू टू वाले आवेशित गोले पर बल लगा रहा है ठीक है उसी प्रकार ये जो आ, ये जो q2 वाला आवेश गोला है इस q1 वाले आवेश गोले पर बल लगा रहे तो दो बल कार्य करेंगे कितने बल कार्य करेंगे यहां पर दो बल कार्य करेंगे एक तो q2 के कारण q1 पर बल q1 पर बल और दूसरा जो होगा वो q1 के कारण q2 पर बल सभी को समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया दो बल कैसे कार्य कर रहे हैं ठीक है दोनों ही स्थिर विद्युत बल है इन दोनों के बीच लगने वाले बल है ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग जो है यहां पर मतलब कि ये जो F21 लिखा हुआ है ठीक है F21 जो लिखा हुआ है ये आप लोगों का ये आप लोगों का क्या है एफ टू वन द्वारा क्यू पर बल है ठीक है क्यू द्वारा क्यू के कारण Q1 के कारण Q2 का पर बल ये आप लोगों का F21 कहलाता है और Q2 के कारण जो Q1 पर बल है ये आप लोगों का F12 कहलाता है ठीक है 2 के कारण 1 पर F12 वन के कारण टू पर एफ टू वन ठीक है क्लियर है सभी को कि ये कैसे यहाँ पर दो बल है दोनों ही क्या है स्थिर विद्युत बल है लिख देती हूं मैं यहाँ पर ये बल क्या कहलाते हैं आपके स्थिर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आप लोग कह सकते हो ये भी लिख देती हूं मैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ठीक है तो ये हो गया तो समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर गुलाम के नियम में हम लोगों को किस चीज के बारे में बताया गया है स्थिर विद्युत बल के बारे में बताया गया है इस स्थिर विद्युत बल को हम लोग यहाँ पर एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं जाहिर सी बात है इसका जो मात्रक होगा इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन होगा ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है दुनिया में किसी भी प्रकार का बल हो बल के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं सबके जो मात्रक होते हैं वो न्यूटन ही होते हैं ठीक है अभी हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझ में आ गया है कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है क्यूवन के कारण q2 पर q2 के कारण q1 पर ये भी हम लोग समझ गए हैं अब कुलाम के नियम की परिभाषा से कुलाम के नियम की परिभाषा से हम लोगों को समझना क्या है कि देखो यहां पर मैं डायग्राम आप लोगों के लिए फिर से बना दे रही हूं ये आप लोगों का हो गया ये आप लोगों का हो गया क्या q1 ठीक है और यहां पर ये आप लोगों का हो गया q2 ठीक अब यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर बल क्यू टू के कारण Q1 पर बल अब यहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल है इन दोनों के बीच का बल ठीक है के नियम से हम लोगों ने यह देखा था कि दोनों ही दोनों ही बिंदु आवेशों के क्या होता है ये बल जो है वो समानुपाती होता है तो हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से ठीक है और इनके जो बीच की दूरी है मान लो उसको हम लोग क्या लेते हैं आर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल है कुलाम के नियमानुसार वो क्या होता है इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इस तरीके से हम लोगों को ये दो इक्वेशन तो मिल गए कि समानुपाती होता है और क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अब जो हमें ये दो समीकरण जो प्राप्त हुए हैं इनको हम लोगों को मिला करके मर्ज करके लिखना है जोड़ करके लिखना है ठीक है इन दोनों को अगर हम लोग मिला करके लिखेंगे तो हमारे पास यहां पर स्थिर विद्युत बल का क्या इक्वेशन समीकरण आ जाएगा यहां पर ये हो जाएगा आप लोग हम लोगों का q1 टू बटे आर का वर्ग ठीक है अब हम क्या करेंगे हम यहां पर समानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर नियतांक लगाना होना नियतांक लगाना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर नियतांक लेते हैं यहां पर हम नियतांक लेते हैं स्मॉल के ठीक है याद रखना ये वाला जो नियतांक है ये आप लोगों का स्मॉल के है कैपिटल के भी आएगा उसको हम लोग आगे चल के परावैद्युतांक के नाम से जानेंगे तो वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो प्लीज इस चीज को याद रखना कि यहां पर जो नियतांक होगा वो स्मॉल के होगा स्मॉल के से प्रदर्शित करेंगे और ये हो जाएगा आप लोगों का क्यू वन और आर का वर्ग ठीक है यहां पर जो हमारा के का मान है ठीक है ये जो हमारा के का मान है ये जो नियतांक है हमारा इसको हम लोग एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं ठीक है नॉट से प्रदर्शित करते हैं और जो इसका मान होता है ये नौ गुणा दस की घात नौ भी दस, नौ, गुणा, दस घात, नौ गुणा दस की घात नौ भी होता है इस नियतांक का मान क्योंकि यहां पर देखो एप्सलॉन नॉट का भी मान होता है एप्सलॉन नॉट का मान भी आप लोगों की जानकारी के लिए लिख देती हूँ आठ दशमलव आठ पांच गुणा दस की घात माइनस बारह और पाई का मान आप लोगों को पता ही है तीन दशमलव एक चार ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से रखने से हम लोगों को नौ गुणा नौ गुणा दस की घात नौ जो है हम लोगों को मिलता है अगर आप लोगों को मैं इसका मात्रक बताऊं तो इसका मात्रक हम लोगों को मिलता है न्यूटन मीटर का वर्ग बटे कुलाम का वर्ग ठीक है यह मात्रक कैसे निकलेगा यह भी मैं बता दूंगी पर अभी कॉपी में आप लोगों को नोट करना है लिखना है तो वहां पर आप लोग लिख सकते हो बल का मात्रक तो यहां पर न्यूटन ही होगा ठीक है तो इस प्रकार हम लोग यहां पर एक और समीकरण बल का इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ बराबर एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर का वर्ग ठीक है तो ये हमारा फाइनल समीकरण मिल गया हम लोगों को हमारा जो कुलाम का नियम है स्थिर विद्युत बल जो है उसके लिए हम लोगों को ये फाइनल समीकरण मिल गया ठीक है तो यही हमारा क्या है कुलाम का नियम है जो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है पर आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए कि ये जो बल है वो क्या लगता है बिंदु आवेशों के बीच में लगता है ये जो गुलाम का जो नियम से हम लोगों को स्थिर विद्युत बल मिल रहा है बिंदु आवेशों के बीच में लगता है ये दोनों आवेश जो है बिल्कुल बिंदु स्वरूप में है ठीक है अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ये एप्सलॉन नॉट का जो मान रखा है ठीक है ठीक है एप्सलॉन नॉट का जो मान हम लोगों ने यहाँ पर रखा है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है क्या कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है निर्वात की विद्युत शीलता ठीक है अगर अगर यहाँ पर इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में परावैद्युतांक उपस्थित हो जिसकी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी जिसको हम लोग कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं ये कहलाता है परावैद्युतांक अब परावैद्युत पदार्थ क्या होता है परावैद्युतांक क्या होता है इसको हम लोग आगे के अध्यायों में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बट फिलहाल आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर के जो है वो परावैद्युतांक कहलाता है और जब हम लोगों को मतलब जब हम लोगों के यहाँ पर दोनों बिंदु आवेशों के बीच में ये परावैद्युतांक अगर उपस्थित होता है ठीक है तो उस समय जो हमारा नियतांक होता है ठीक है ये के एप्सलॉन नॉट हो जाता है बिल्कुल जो के है वो यहां पर लग जाता है और हम लोगों को स्थिर विद्युत बल का जो सूत्र है वो मिल जाता है एक बटे चार पाई के एप्सलॉन नॉट और ये हो गया हमारा क्यू वन क्यू टू और r का वर्ग तो इस तरीके से अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच में परावैद्युतांक उपस्थित हो तो उस केस में हम लोगों का ये जो सूत्र है वो हमारा हो सकता है ठीक है अब अगर मान लो कि ये जो हमारा तीसरा इक्वेशन है इस तीसरे इक्वेशन में अगर हम क्या करेंगे अगर हम लोग q1 1 q2 1 ठीक है q2 1 और अगर r 1 ये तीनों राशि का मान अगर हम लोग रख दे ठीक है तो यहां पर ठीक है यहां पर मैं लिख रही हूं यहां पर जो हमारा बल हो जाएगा यहां पर देख लो देख लो ये वाले इक्वेशन में मैं रख रही हूं ठीक है यहां पर हम लोगों का जो बल हो जाएगा वो हमारे स्मॉल के के बराबर हो जाएगा और अभी अभी हम लोगों ने यहां से देखा है कि जो हमारा स्मॉल के का मान है वो नौ गुणा दस की घात नौ है ठीक है तो यहां से हमारा जो स्थिर विद्युत बल का मान है वो नौ गुणा की घात नौ न्यूटन हो सकता है जब हमारे पास एकांक मतलब एकांक बिंदु आवेश हो और उनके बीच की दूरी भी अगर उनकी बीच की दूरी भी हमारी मतलब कि एक मीटर या एक मीटर की दूरी पर अगर एक सेंटीमीटर या फिर मतलब एक यूनिट की दूरी पर अगर हो ठीक है तो उस केस में हम लोगों को बल का ये मान मिल सकता है ये हम लोगों ने जितना भी देखा गुलाम के बारे में देखा गुलाम के नियम के बारे में स्थिर विद्युत बल के बारे में देख लिया ठीक है तो वैसे हम लोगों ने नॉर्मल तो देख लिया ठीक है बट अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आप सभी को याद होगा कि जो हमारा बल होता है वह क्या होती है एक प्रकार की सदिश राशि होती है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर स्थिर विद्युत बल है ये भी हमारी कैसी राशि है सदिश राशि है ठीक है और सदिश राशि जो भी सदिश भौतिक राशि होती है तो उसके ऊपर इस तरीके से हम लोग एरो का निशान बना करके हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा स्थिर विद्युत बल है उसमें भी हम लोग इस तरीके से एरो का निशान बना के प्रदर्शित करेंगे ठीक है तो ये सूत्र तो हम लोगों ने सामान्य रूप में कुलाम के नियम का जो स्थिर विद्युत बल है उसका सूत्र हम लोगों ने देख लिया पर हम लोगों को, इसके सदी से स्वरूप को भी समझना है देख सकते हो ठीक है अब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आपको आती होगी मेरे से ज्यादा ही आप लोगों को केमिस्ट्री आती होगी क्योंकि मैं तो भाई फिजिक्स की टीचर हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का पानी का जो संरचना है परमाणु संरचना वो आप लोगों को दिया गया ठीक है तो पानी के परमाणु संरचना में आप सभी को पता है एस टू ओ से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं पानी पानी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर दो हमारे हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के आयन और एक ऑक्सीजन का आयन जैसे कि अगर होता है ठीक है तो यहां पर इसके आवेश यहाँ पर आप लोगों को दिखाए गए हैं देखो यहाँ पर ये आवेश दिखाए गए हैं ये धनात्मक आवेश हो गया हाइड्रोजन का ये भी क्या हो गया हाइड्रोजन का धनात्मक आवेश और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो ऋणात्मक आवेश है क्या है ऑक्सीजन के दो ऋणात्मक आवेश है तो यहां पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक उसी तरीके से यहां पर क्या हो गया एक धनात्मक और एक ऋणात्मक ये ऋण ये धन और ये ऋण और ये धन ठीक है तो हो क्या रहा है इनके बीच में भी आकर्षण हो रहा है ठीक है आकर्षण की वजह से दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण की वजह से ही क्या है ये बिल्कुल खिंचाव महसूस कर रहे हैं यहां पर क्या कार्य कर रहा है बेटा यहां पर आप लोगों का स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है क्या कार्य कर रहा है स्थिर विद्युत बल जिसके बारे में आप लोगों ने अभी अभी कुलाम के नियम में पढ़ा है ये स्थिर विद्युत बल इस तरीके से आप लोगों के मतलब की दो बिंदु आवेशों के बीच में

आप लोगों को भी बेटा कॉपी में डायग्राम जो है प्रॉपर अच्छे से बनाना है जैसे मैं साफ़ सुथरा एकदम क्लियर डायग्राम बना रही हूँ ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी डायग्राम बनाना है और नोट करना है बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर मान लो जैसे कि मैं बिल्कुल आ, पहले की तरह ही डायग्राम बना रही हूँ जो इसके पहले हम लोगों ने बनाया था विपरीत प्रकार के आवेश मैंने लिया है तो इनके बीच में क्या हो रहा है आकर्षण बल कार्य कर रहा है इन दोनों के जो बीच की दूरी है इस दूरी को मैं ले लेती हूँ आर ठीक है इस दूरी को मैं ले लेती हूं आर ठीक है अब यहां पर क्या होगा देखो अब यहां पर क्या होगा Q1 द्वारा इस Q1 द्वारा इस Q2 पर जो बल है Q1 के द्वारा जो Q2 पर जो बल है आपका ये Q1 के द्वारा जो Q2 Q2 पर बल ये आप लोगों का कहलाएगा F21 F21 ठीक है और इस Q2 के द्वारा इस Q1 पर बल जो है ये आप लोगों का कहलाएगा F12 ठीक है मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं मान लो कि आप में से दो स्टूडेंट्स मैं लेती हूँ दो स्टूडेंट्स मैं लेती हूं ठीक है एक का नाम है अंजलि एक का नाम है सुनैना ठीक है तो यहां पर पिंक कलर की जो है वो है कौन अंजलि है है ना और यहां पर कौन है यहां पर मान लो कि सुनैना है अब दोनों जो हैं मतलब नए नए स्कूल में एंट्री किए हैं ठीक है नया नया स्कूल आप लोगों का खुला है तो जाहिर सी बात है कि आ, मतलब कि अगर आप स्कूल में नए गए हो तो वहां पर आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है अरे यार नई लड़की आई है नया कोई स्टूडेंट आया है हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है ठीक तो है तो यहाँ पर मान लो कि अंजलि नई स्टूडेंट है सुनैना जो है पुराने स्टूडेंट है ठीक है तो अंजलि बोल रही है कि यार इससे दोस्ती करनी चाहिए यार इससे दोस्ती करनी चाहिए तो वो क्या होगी इस अब सुनैना की तरफ जो है अट्रैक्ट होगी कि यार मुझे उससे बात करना चाहिए

आकर्षण बल लग रहा है अंजलि की तरफ से सुनैना पर आकर्षण बल लग रहा है फाइनली क्या हो जाती है दोनों के बीच में क्या हो जाती है दोस्ती हो जाती है बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है पक्के दोस्त बन जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है पर सदी रूप में हम लोग इसको कैसे व्यक्त करेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोगों को इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए आप लोगों को याद करना होगा स्थिति सदिश के बारे में जो आप लोगों ने कायनामेटिक्स मतलब की सरल रेखा में गति वाला जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था समतल में गति वाला जो चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने इस तरीके से स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा होगा ठीक है इस तरीके से आर वन ये था एक दूसरा स्थिति सदिश था R2 ये दोनों क्या है R1 और R2 स्थिति सदिश है इन दोनों के बीच में विस्थापन सदिश कार्य करता था जो क्या कहलाता था आर वन कहलाता था ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ा होगा याद करो जल्दी से ध्यान से आप लोगों को उस चीज को याद करना है ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ठीक है ठीक उसी प्रकार यहां पर भी स्थिति सदिश जो है वो कार्य करेंगे अब यहां पर जो स्थिति सदिश है वो कैसे कार्य करेंगे तो इसको हम लोग यहां पर समझ लेते हैं ठीक है चलो तो जैसे कि यहां पर ये एक बिंदु यहाँ से लेते हैं यहां से मान लो कि हम लोग कोई ओ बिंदु लेते, लेते हैं इसको हम लोग मूल बिंदु बोल रहे हैं क्योंकि के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे कि मूल बिंदु से यहाँ पर, पर लेकर के आते हैं ठीक है यहाँ पर लेकर के आते हैं क्योंकि ये मूल बिंदु है ये Q1 आवेश है तो Q1 आवेश और मूल बिंदु के बीच की दूरी R1 ठीक है तो यहां पर R1 जो है सदिश रूप में होगा R1 सदिश रूप में और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का स्थिति सदिश कहलाएगा इसी तरीके से जो हमारा Q2 आवेश है इसी तरीके से हमारा जो Q2 आवेश है ठीक है तो इस Q2 आवेश से भी मतलब इस O मूल बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी R2 होगी और यहाँ पे जो R2 दूरी होगी मूल बिंदु से ये भी क्या है स्थिति सदिश ही है ठीक है और आप लोगों ने जो सदिश राशि वाला जो कौन सदिश मतलब सदिश का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में ठीक है याद कर लो उसको दोहरा लो बिल्कुल मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बोली थी कि जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स है वो आप लोग बिल्कुल दोहरा लेना क्योंकि आप लोगों का समाकलन अवकलन त्रिकोण मिति और आप लोगों का ये जो सदिश वाला चीज है जगह जगह आएगा अगर नहीं समझ में आएगा ये आप लोगों को बेसिक तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही फिजिक्स का हिल जाएगा इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ ठीक है बार बार कह रही हूं बेटा प्लीज आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स को बारहवीं कक्षा में भी एक बार शुरू में जरूर रिवाइज कर लेना ठीक अब यहां पर ये स्थिति सदिश लग रहा है अब इनके जो बीच की जो दूरी हम लोगों ने आर जो ली है ठीक है ये आर जो दूरी हो रही है ये हमारी क्या हो जाएगी अगर हम अगर हम इस Q1 के द्वारा इस Q2 पर जो बल लग रहा है इस R21 ये जो R21 जो बल लग रहा है इसके लिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है हमारा विस्थापन सदिश हो जाएगा R21 ठीक है उसी तरीके से इस एफ टू वन जब बल लग रहा है तो ठीक है इस एफ टू वन के दृष्टिकोण से अगर हम लोग इस दूरी को देखेंगे इस एफ टू वन के दृष्टिकोण से अगर हम लोग इस दूरी को देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर वन टू सदिश ठीक है तो यहां पर हम लोगों के पास दो सदिश राशियां हैं एक तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तो ठीक है ये मैं मिटा रही हूं क्योंकि ये मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया था तो फाइनली हम लोगों को यहां पर आ, मतलब की दूरी दोनों के बीच की दो दूरी है यहाँ पर आर वन टू और आर टू वन में प्राप्त हो रही है और दोनों के बीच में जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल है ये स्थिर विद्युत बल आप लोगों को एफ वन टू और F21 ये दो आप लोगों को सदिश राशियां प्राप्त हो रही है अब हम लोगों को सदिश स्वरूप में अगर कुलाम का जो बल का हम लोगों को सूत्र मिला था ठीक है उसको अगर हम लोगों को सदिश रूप में व्यक्त करना है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ठीक है तो देखो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्यू के क्यू वन के द्वारा इस क्यू पर बल क्यू के द्वारा क्यू पर बल क्या है हमारा एफ टू वन ठीक है तो यहां पर जो दूरी होगी वो क्या होगी दूरी जो होगी वो होगी आर टू वन में ठीक है अब हमारे पास जो है हमें ज्ञात है यहां पर लिख लेती हूं ऑलरेडी हमें क्या ज्ञात है बल का जो हमारा सूत्र है एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर का वर्ग Q1 Q2 टू बटे आर का वर्ग ये हम लोगों को पहले से पता है अब इसको जैसे हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग एक एक लिख लेते हैं Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लग रहा है उसको F21 हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक बटे चार पाई एप्स नॉट ठीक ये हो गया अब इसके बाद Q1 और Q2 आवेश तो नॉर्मल हमारे जैसे थे वैसे ही रहेंगे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो हमारा विद्युत आवेश है वो अधिस राशि है ठीक है तो उस वहां पे हम लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है क्योंकि तो काफी इजी होता है जो भी लोचा होता है वो आप लोगों का राशि में होता है, अब यहां पर जो आर है ठीक है वो हो जाएगा आपका आर टू वन सदिश रूप में हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा जैसे कि वहां पर था। अब यहां पर हम लोग इसको रूप में व्यक्त करने के लिए यहां पर क्या लगाएंगे, लगाएंगे? तो ग्यारहवीं में आप लोगों पढ़ा था तो वहां पर भी ऑलरेडी पढ़ लिया

ठीक है अब यहां पर जो हमारा एकांक सदिश है यहां पर जो हमारा एकांक सदिश है वो आर टू वन के रूप में है ठीक है आर आर टू वन के रूप में है तो यहां पर ये कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग इस तरीके से ऊपर में सदिश और नीचे में क्या लगा देंगे ठीक है इस तरीके से मौड़ लगा देंगे तो एकांक एक सदिश को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं ऊपर में हम लोग सदिश लिख देते हैं नीचे में हम लोग मौड़ के रूप में लिख देते हैं मतलब का का मतलब होता है वहाँ राशी, राशी का होता है है वहां पर उस राशि राशि भौतिक परिमाण सदिश सदिश गणित पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा ठीक है अभी फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ यहाँ पर तो ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो आप लोगों को आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हो ये हो गया आप लोगों का सदिश रूप में ठीक है अब इस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज में बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे फिर से मैं इक्वेशन लिख देती हूं। यहां पर एक बटे चार पाई एप्सॉ नॉट और ये हो गया क्यू वन के द्वारा जो क्यू टू पर बल लग रहा है क्यू वन क्यू टू और यहां पे बटे में क्या हो गया आर आर टू वन का वर्ग और यहां पे ये तो पहले वाला इक्वेशन ही है बस इसको मैंने रिपीट करके लिख दिया पर इसके बाद जो मैंने वहां पर एकांक सदिश का जो मान यहाँ पर ज्ञात किया है इस एकांक सदिश के मान को हम लोगों को यहाँ पे रखना है ठीक है इस एकांक सदिश के मान को अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा एक बटे चार पाई एप्सलॉ नॉट क्यू वन क्यू टू ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू वन रूप में इसका वर्ग और यहां पर ये जो है इसके जगह में हम लोग लिख देंगे आर टू वन सदिस और नीचे में क्या हो जाएगा यहां पर आर टू वन मॉड ठीक है मॉड बस हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे यहां पे जो वर्ग है और इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा कर देंगे ठीक है ये भी क्योंकि मॉड के ही रूप में है ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का जो अगला समीकरण है अगला समीकरण यहां पर हो जाएगा हमारा एफ टू वन एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ये हो जाएगा हमारा R21 का क्यूब हो जाएगा कि घात तीन ठीक है घात दो और घात एक जुड़ गया दो और एक यहां पर घात तीन हो गया और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सदिश R21 ठीक है क्या लिख सकते हैं सदिश R21 ठीक है और जैसे कि मैंने आप लोगों को कक्षा ग्यारहवीं का जो आप लोगों को इस स्थिति सदिश के बारे में बताया था ठीक है तो यहाँ पर उस उसके अनुसार जो आप लोगों का ये जो है ये विस्थापन सदिश है और ये विस्थापन सदिश को अगर हम लोग तोड़ के अलग अलग रूप में लिखेंगे ठीक है तो ये जो हो जाएंगी आर टू और आर वन इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में समझा था ये क्या है आर टू और आर वन जो है हमारा स्थिति सदिश है और ये आर टू वन या फिर आर वन टू बोलो जो भी बोल लो जिस भी आवेश की तरफ से बल देख लो यहां पर ठीक है ये आप लोगों का क्या है ये आप लोगों का जो है ये विस्थापन और ये विस्थापन और स्थिति अब इस मान को जो है इस मान को हम लोगों को यहां पर इस इक्वेशन में रखना है ठीक है कहां पर रखना है इस इक्वेशन में रखना है तो चलो भाई रख लेते हैं रख लेते हैं यहां पर हम लोग मान को ठीक है तो लिख लेते हैं यहां पर मान रख करके ये हो गया हमारा एफ टू वन क्यू वन एक बटे चार पाई एफ नॉट क्यू वन क्यू टू बटे यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का आर टू माइनस आर वन ठीक है और इस पूरे का हो जाएगा क्यू और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सदिस आर टू माइनस सदिस आर वन ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लग रहा है उसको हम लोगों ने सदिश रूप में व्यक्त किया इस समीकरण को आप लोग समीकरण चार के रूप में लिख सकते हो Q2 के द्वारा Q2 Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल ठीक है इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं सेम इसी प्रकार हम लोग जो है क्यू वन क्यू टू द्वारा क्यू वन पर जो लगने वाला बल है ठीक है क्यू टू के अभी देखो एक बार हम देख लेते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल ठीक है ये वाली जो लाइन लिखी थी हम लोगों ने Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल अब हम लोग लिख रहे हैं Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ठीक है तो ये बल जो है आप लोगों का कहलाएगा एफ वन टू ठीक है तो इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने ऊपर में निकाला है ठीक इसी प्रकार से जो है हम लोग इसके लिए भी यहां पर निकाल के लिख सकते हैं एक बटे चार पाई एप्स नॉट और यहां पर आप लोगों का हो जाएगा Q1, Q2 ठीक है बटे में अब यहां पर अंतर क्या आएगा ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर जो हमारा बल है ठीक है Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है इसीलिए हम लोग इसको F12 कह रहे हैं ठीक है तो उसी प्रकार से जो दूरी होगी Q2 से Q1 की जो दूरी होगी वो आप लोगों की यहां पर हो जाएगी R12 वन यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का R12 ठीक है R12 वन इसका वर्ग लिख लेते हैं और यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आर वन टू का कैप

एफ वन टू बराबर हो जाएगा एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट यहां पे हो जाएगा Q1 Q2 नीचे बटे में आप लोगों का आ जाएगा R1 वन माइनस आर और पूरे का हो जाएगा क्या इस पूरे की घात तीन हो जाएगा और यहां पे सदिश रूप में हो जाएगा आप लोगों का आर वन माइनस आर टू ये हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं तो ये यहां पे आप लोगों को सदिश रूप में प्राप्त हो गया ठीक है तो ये आप लोगों का समीकरण पांच हो गया क्या हो गया ये आप लोगों का समीकरण पांच तो आप लोगों को यहाँ पे समीकरण चार मिल गया था ठीक है एफ टू वन यहाँ पे आप लोगों को समीकरण पांच मिल गया ठीक है तो इसमें हम लोग दोनों में जो है रिलेशन संबंध देख लेते हैं समीकरण चार एवं पांच में संबंध ठीक है दोनों ही प्रकार के बलों में संबंध क्या है तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ही बल के जो हम लोगों के परिमाण आएंगे ठीक है दोनों ही बल के जो हमारे परिमाण आएंगे ये परिमाण जो है आपस में बराबर होंगे परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे परिमाण जो है आपस में बराबर होंगे ठीक है परंतु इनकी जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो ये देखो एक दूसरे के विपरीत लग रहा है एफ टू वन इधर लग रहा है एफ वन टू उधर लग रहा है ठीक है

है ठीक है वो ठीक इसी प्रकार से क्या होगी आर वन टू दूरी आर टू वन दूरी के बराबर परंतु क्या होगी विपरीत दिशा में होगी तो ये दो रिलेशन आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं है, इसको बॉक्स में इस तरीके से लिख देते हो देखो नोट्स आप लोगों को एकदम प्रॉपर क्लियर क्लियर बनाना जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एकदम सुंदर सुंदर लिख रही हूँ सुंदर अक्षरों में लिख रही हूँ बिल्कुल आप लोगों के नोट्स भी उसी प्रकार से आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए बहुत सारे बच्चे मुझे नोट्स के बारे में पूछते हैं तो उन सबको मैं बताना चाहूंगी कि अपना हैंड रिटन नोट सबसे दुनिया का बेस्ट हैंड रिटन नोट्स होता है टीचर जो आप लोगों को क्लास में बताता है उसको ध्यान से आप लोगों को सुनते जाना है ध्यान से उस चीज को सुन करके आप लोगों को अपने शब्दों में उसको लिखना है ठीक है तो इस तरीके से और जो भी मतलब इसमें थ्योरी जैसे कि मैंने पूरा समीकरण समीकरण लिख दिया ठीक है थ्योरी आप लोगों को कैसे लिखनी है जैसे कि अभी मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया तो मैं यहां पर बोली हूं है ना कि यहाँ पर जो F12 और F21 जो बल है परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में है तो इस चीज को आप लोगों को थ्योरी के रूप में जो है लिखना है कॉपी में सुन करके बार बार टीचर जो है एक ही शब्द को दो बार तीन बार रिपीट करता है तो रिपीट करने का कारण यही होता है कि अगर स्टूडेंट एक बार में नहीं सुन पाया है तो उसको वो ध्यान से सुन ले दोबारा और कॉपी में लिख ले अपने शब्दों में लिख ले ठीक है इसीलिए मतलब कि सेल्फ स्टडी बार बार रिविजन भी जरूरी होता है कि अगर कोई पॉइंट छूट गया है कोई चीज अगर आपके हो गई है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर इस तरीके से देख करके लिख सकते हो ठीक है तो ये हम लोगों का पूरा मतलब गुलाम का नियम देखो यहां पर हम लोगों का पूरा गुलाम का नियम यहाँ से शुरू हुआ था हमारा गुलाम का नियम यहां से जस्ट हम लोगों ने थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना शुरू किया था फिर यहां मैंने आप लोगों को गुलाम के नियम को स्थिर विद्युत बल को मैंने गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेट करके मतलब समझाया था ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है इसके लिए इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे जहां पर इस चीज को हम लोग प्रूफ कर देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या अंतर होता है और वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं कैसे रिलेशन होता है क्यों स्थिर विद्युत बल का मान जो है बिंदु आवेशों के बीच में लगने के बावजूद गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है कहीं अधिक होता है इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स या फिर मजबूत बल भी कहा जाता है ठीक है यहां से मैंने आप लोगों को समझाया था कुलाम के नियम के बारे में यहां से सामान्य रूप से हम लोगों ने कुम के नियम का जो थ्योरी था इस चीज को समझा था जो भी चीजें मैंने समझाई है थ्योरी के रूप में आप लोगों को कॉपी में मैं मेरे शब्दों को सुन करके अपनी भाषा में आप लोगों को नोट करना है क्योंकि नोट्स आपको पढ़ना है आपको समझ में आना चाहिए सुंदर अक्षरों में लिखने इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सुंदर चीजें सभी को अच्छी लगती है आपके खुद के नोट्स अगर अच्छे अक्षरों में लिखे हुए बने होंगे ना तो आपको रिविजन करने का मन करेगा ठीक है हाईलाइट करके प्रॉपर आप लोग लिख सकते हो सामान्य रूप में हम लोगों ने यहाँ पर जो तीसरा समीकरण निकाला ये हमारा स्थिर विद्युत बल का समीकरण था इसके अलावा हम लोगों ने नियतांक और परावैद्युतांक के बारे में

अब यहां पर जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में ट्राई करो गाइस ट्राई करो जल्दी से और अभी तक के आप लोगों को मैंने जो भी चीजें समझाई है समझ में आया कि नहीं जल्दी से कमेंट्स करके बताओ अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर कर दिया करो क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में जरूर पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी आप लोगों को करती हूँ तो कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता दो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज का सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगी अगर वहां पर मैसेज में मैं रिप्लाई ना कर पाऊं तो ठीक है और जो चीज वहीं पर रिप्लाई करके बताने वाली है वो वहीं पर रिप्लाई करके बता दूंगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच शून्य दशमलव पांच तीन शून्य गुणा दस की घात माइनस दस मीटर की दूरी पर उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की तुलना करें यह दूरी हाइड्रोजन परमाणु में उनकी एवरेज सेपरेशन है ठीक है मतलब कि देखो बिल्कुल मतलब कि जो रियल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी पूछ दिया ठीक है इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को बोल रहा है कि मतलब कि आप लोगों को मतलब संबंध है यहाँ पर बताना है दोनों का कैलकुलेशन करना है मतलब आप लोगों को दूरी दी हुई है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर एक जो है आप लोगों का यहां पे इलेक्ट्रॉन है एक जो है आप लोगों का प्रोटॉन है ठीक है और इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आप लोगों को आर बराबर वहां पर दिया हुआ है शून्य दशमलव पांच तीन गुणा दस की घात माइनस दस मीटर ठीक अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच मतलब दो पिंडों के बीच में या फिर जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उन दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है ठीक है द्रव्यमान के समानुपाती उनके मतलब दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के बीच की दूरी के विक्रम के वर्ग के विक्रमानुपाति होता है जैसे कि हम लोगों ने स्थिर विद्युत बल में पढ़ा ठीक उसी प्रकार ही पर वहां पर द्रव्यमान के समानुपाती हो रहा था यहाँ पर जब हम लोग स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती हो रहा था क्या हो रहा था दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती हो रहा था, था ट्राई करो गाइस ट्राई करो मैं तो सोल्यूशन बताऊंगी ट्राई करना है आप लोगों को देखो मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे मैं एक जो फॉर्मूला लिख देती हूँ आप लोगों के लिए वो है आप लोगों का स्थिर विद्युत बल स्थिर विद्युत बल F बराबर ठीक है F E लिख देती हूं क्योंकि E, e, e मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है स्थिर विद्युत बल और यहां पर ये होता है आप लोगों का एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर का वर्ग ठीक है इसी तरीके से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी लिख देती हूँ इसको है ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक बटे ठीक है सॉरी यहां पर जो हमारा नियतांक होता है वो होता है हमारा जी नियतांक होता है यहां पर और ये जो होता है दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है ठीक है तो यहां पर जो दो चीज मतलब दो पदार्थ मतलब दो चीजें हम लोगों को दी हुई है जिनके बीच में हमारा लग रहा है यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है बल लग रहा है उनमें से एक है हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा है हमारा प्रोटॉन लगाओ भाई दिमाग लगाओ सॉल्यूशन बताओ बताओ जल्दी से कमेंट्स करके बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों का द्रव्यमान पता है आप लोगों को क्या आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है ठीक है तो दो चीजें हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है दो चीजें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सबसे पहले आवेश लिख देती हूँ क्योंकि विद्युत आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो आप लोगों को पता ही है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है एक दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम होता है पर क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है इसलिए इसका जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा ठीक है और यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसमें भी जो आवेश पाया जाता है वो प्लस धन एक दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम का पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया अब हम लोग लिख, लिख लेते हैं यहां पर द्रव्यमान के बारे में तो भाई इलेक्ट्रॉन का, का द्रव्यमान कितना होता है कौन बताएगा जल्दी से कमेंट्स करके फटाफट कमेंट्स करके बताओगे ठीक है फटाफट कमेंट करके बताओगे ठीक है और ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना अब, अब बताओ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हमारा एक दशमलव छह सात गुणा दस की घात माइनस सत्ताईस, एक दशमलव छह सात गुणा दस की घात माइनस सत्ताईस के जी ठीक है तो यहां पर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश भी बता दिया और मैंने आप लोगों को बता दिया क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है द्रव्यमान कितना होता है ठीक है और आप लोगों को यहाँ पर पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जो नियतांक है के बराबर एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट इसका मान होता है हमारा नौ गुणा दस की घात नौ ठीक है और उसके अलावा जो हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के केस में जो हमारा नियतांक होता है इसका मान कितना होता है भाई याद है किसी को याद है कि नहीं याद है किसी को तो बेटा इसका मान होता है छह दशमलव छह सात गुणा दस की घात माइनस ग्यारह चलो लिखो छह दशमलव छ सात गुणा दस की घात माइनस ग्यारह ठीक है अब इसका यूनिट भी अगर मैं बताऊं तो न्यूटन मीटर का वर्ग बटे के जी का वर्ग ठीक है यहां पर क्या होता है न्यूटन मीटर का वर्ग बटे गुलाम का वर्ग ठीक है दोनों का ही मैंने यहां पर मात्रक लिख दिया ठीक मात्रक तो लिख दिया मात्रक वगैरह तो ठीक बात है पर यहाँ पर आप लोगों को गणित समझ में आ गई कैसे सॉल्व होगा सॉल्व कैसे होगा कैसे करोगे तुलना आप लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल की तुलना कैसे करोगे आप कुछ नहीं करना है इन मानों को यहाँ पर समीकरण में बस रख देना है और आंसर आ जाएगा ठीक है तो जैसे कि अगर मान लो कि अगर आप स्थिर विद्युत बल में रखोगे एफ ई -E में तो यहाँ पर ये हो जाएगा नौ गुणा दस की घात नौ ठीक है और आवेशों का मान हो जाएगा एक दशमलव छः गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम गुणा एक दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम और दोनों के जो बीच की दूरी हम लोगों को क्या दी हुई है शून्य दशमलव पांच तीन गुणा दस की घात माइनस दस मीटर में दिया हुआ है ठीक है ध्यान रखना सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा क्योंकि पर मीटर में दिया हुआ है तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर में ही आप लोगों पर, तो आप लोगों लोगों को को मान रखना है पर इसको कैलकुलेशन करोगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ठीक है करो कैलकुलेशन फटाफट से इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान रखोगे छह दशमलव छह सात गुणा दस की घात माइनस ग्यारह फिर उसके बाद दोनों के द्रव्यमान का मान रखोगे नौ दशमलव एक एक गुणा दस की घात ठीक है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है एक गुणा, दस की घात का वर्ग यहां पे भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ मान प्राप्त होगा क्या होगा जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेट करो क्या मान प्राप्त होगा यहां पे कैलकुलेशन करने से क्या मान प्राप्त होगा भाई तो बेटा अगर आप लोग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो इसका मान होगा आठ दशमलव एक नौ गुणा दस की घात माइनस आठ आठ दशमलव आठ दशमलव एक नौ गुणा दस की घात माइनस आठ न्यूटन ठीक है और ये तो हो गया स्थिर विद्युत बल का मान ठीक है अगर आप इसके बाद इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा आप लोगों का क्या तीन दशमलव तीन दशमलव छ सात ती, सॉरी तीन दशमलव छह एक गुणा तीन दशमलव तीन दशमलव छ एक गुणा दस की घात माइनस सैतालीस न्यूटन ठीक है दोनों बल मिल गए आ गए परिमाण अब अगर इनकी तुलना करोगे तुलना करोगे तो देख लो तुलना करोगे तो तुलना करने से क्या मिल रहा है आप लोगों को जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा नंबर है भाई तुलना करने से आप लोगों को यहां पर रिजल्ट मिल रहा है कंक्लूजन मिल रहा है कि जो आप लोगों का स्थिर विद्युत बल का मान है ठीक है वो आप लोगों के गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कहीं अधिक है तो यहां पर आप लोगों का ये सिद्ध होता है कि ये मजबूत मजबूत बल है ठीक है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है स्थिर विद्युत बल की तुलना में कहीं कमजोर बल होता है ठीक है कमजोर बल होता है तो यहां से हम लोगों का प्रूफ हो गया जो मैंने आप लोगों को दो गैलेक्सी दो आकाश के बारे में दिखाया था ठीक है तो वो चीज यहाँ पर सिद्ध हो गई तो बस इतना ही करना था हम लोगों को आज की क्लास में ठीक है तो ये जो है ये जो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रही हूं ठीक है यहां पर यहाँ पर इस डायग्राम में इस डायग्राम में आप लोगों को कुछ तो भी मतलब दिखाई दे रहा है बहुत सारे आवेश हैं इतने सारे आवेश हैं तो भाई इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे पर ये डायग्राम आप लोगों के लिए लेकर के इसलिए आई हूँ इसके बारे में आप लोगों को सोचना है थोड़ा दिमाग चलाओ भाई दिमाग चलाओ कोई भी अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं ठीक है तो कमेंट्स के माध्यम से सभी को जो भी दिक्कत है आप लोगों को शेयर करना है बिल्कुल शेयर करते जाना है क्लास की लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ही है जो भी बच्चे क्लास में आए हो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है कि कैसा लगा मजा आया कि नहीं भाई आज की क्लास में क्या क्या करना है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ तो भाई आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में तो भाई देख लो कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है छोटा सा है छोटा सा डेरिवेशन

पाओगे कि नीट का एग्जाम आप लोगों को क्रैक करना है तो वो आप लोगों से हो पाएगा कोई भी एग्जाम कोई की करता, है, कोई और एग्जाम्स की करता है तो बहुत सारे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो भाई फटाफट से उम्मीद करती हूं कि सारे बच्चे अभी तक के ज्वाइन हो चुके होंगे अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो जो बच्चे क्लास में आ चुके हो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों को फटाफट से बुला लो गाइज अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बेल आइकॉन आई, जो है ज़रूर हिट कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके तो भाई वैसे मैंने आप लोगों के सारे बच्चों के कमेंट्स बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ठीक है थीके? तो आ, मतलब सारे बच्चों के रिस्पॉन्स अच्छे थे काफ़ी बच्चों ने मतलब कहा कि समझ आया ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन एक्सप्लेन शन दिया तो भाई इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और ये तभी आ, मतलब की समझ में आएगा टॉपिक्स आप लोगों को जब आप लोग क्लास को बहुत ध्यान से देखोगे ठीक है तो जो बच्चे आए हो सबसे मैं यही कहना चाहूंगी गाइस आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है टीचर अब मतलब पूरी मेहनत से पूरे डेडिकेशन से आपको पढ़ाता है पर आपको क्लास को ध्यान से सुनना है ठीक है और स्पीड की अगर बात रही कि मैम फास्ट पढ़ा रहे हो या स्लो पढ़ा, पढ़ा रहे हो तो देखो मेरे पढ़ाने की स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है बट आप लोग उस फास्ट स्पीड को जो है कैच कर पाओगे कि नहीं ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है आप लोगों के कहने पर मैंने थोड़ा सा स्लो जो है क्लास प्रीवियस क्लास जो है पढ़ाया था बट उसके बावजूद कुछ कमेंट आए कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए तो भाई ये स्लो और फास्ट का जो आप लोगों का कम्युनिकेशन है ना इसको छोड़ो सच्ची बता रही हूँ इसको साइड हटाओ पूरा फोकस करो आप लोग क्लास अटेंड करने में और वैसे आप लोग कभी गाड़ी तो चलाए ही हो ठीक है तो जब गाड़ी चलाना हम शुरू करते हैं तो पहला पहले हम लोग फर्स्ट गियर लगाते हैं देन हम लोग सेकेंड गियर लगाते हैं देन हम लोग क्या करते हैं स्पीड से चलते हैं चार और पाँच के गियर में एक रफ्तार से हम लोग एक रफ्तार पकड़ के चलते हैं और कंट्रोल हमारे हाथ में अच्छी तरीके से ये होना चाहिए ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो भाई उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो ठीक है शुरुआत के चैप्टर्स हैं हम थोड़ा स्लो चले ठीक है अब इसके बाद जो है मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी एकदम फास्ट चलूंगी ठीक है चार और पांच के गेयर की स्पीड में चलूंगी पहला और दूसरा गेयर हम लोगों ने लगा लिया है ठीक है तो अब आप लोगों को एकदम से रेडी रहना है उस स्पीड को कैच करने के लिए तो क्या सभी बच्चे रेडी हो जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ठीक है जल्दी से क्विकली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास में एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा तो भाई गुलाम का नियम मैंने आप लोगों को समझाया था दो बिंदु आवेश थे पहले बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर बल लग रहा था दूसरे बिंदु आवेश के कारण पहले बिंदु आवेश पर बल लग रहा था इस तरह से दो बल कार्य कर रहे थे जो जो कि है क्या थे परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे तो ये हम लोगों का गुलाम का बल का सदिश स्वरूप से हम लोगों को प्राप्त हुआ था और गुलाम के नियम में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल है वो क्या हो रहा है ये जो स्थिर विद्युत बल है ये दो दो आवेशों के दो बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्रमानुपाति होता है ठीक है तो ये तो हम लोगों का कुलाम का नियम कुलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी आज हम लोग क्विकली अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग करेंगे जिसको हम लोग आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल के नाम से ये टॉपिक आप लोग अपने पुस्तकों में देख सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इससे पहले हम लोगों ने दो बिंदु आवेश के कारण देखा ठीक है अब यहाँ पर ये यह हो रहा है कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं ठीक है ठीखे? बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और इन बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर किसी एक बिंदु आवेश पर यहाँ पर बल लग रहा है ठीक है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बिंदु आवेश वाला जब मैंने समझाया था गुलाम का नियम तो वहां पे मैंने अंजलि और सुनैना नाम की दो लड़की जो है एक उसमें से नई स्टूडेंट थी वो कहानी आप लोगों को बना के सिखाया था याद है कि नहीं जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ याद है कि नहीं भाई है कि नहीं तो वहां पर अंजलि क्या थी नई स्टूडेंट थी ठीक है तो वहां पर अंजलि जब नई स्टूडेंट थी तो क्या हो रहा था केवल सुनैना दोस्ती करना चाहती थी मान लो कि यहाँ पर अंजलि नाम की कोई बच्ची आप लोगों के स्कूल में एंट्री करी है और आप लोगों का पूरा ग्रुप है एक उस ग्रुप में मान लो कि पाँच सात लोग है आप लोग ठीक है पाँच सात लोगों का ग्रुप है वो पूरा ग्रुप उस अंजलि से दोस्ती करना चाहता है ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि अंजलि जो है अंजलि के कारण इन सारे इन सारे बिंदु आवेशों पर तो बल लगेगा ही लगेगा बट इस अंजलि पर सारे आपके जितने भी ग्रुप के फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे उससे अगर दोस्ती करना चाहते हैं ठीक है तो उसके जगह अट्रैक्शन बल लगेगा ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ अगर आप लोग यहां पर देखोगे देखो यहां पर ध्यान से ये वाला जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा है ये मान लो कि कौन है अंजलि है ठीक है ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये अंजलि है और यहाँ पे साक्षी सुनैना नंदनी है ना अदिति बहुत सारे बच्चे यहां पर है, सारे के सारे क्या करना चाहते है? इस अंजलि से दोस्ती करना चाहते हैं ठीक है तो अंजलि पर, पर, पर? पर? पर क्या लगेगा क्यू टू के द्वारा आकर्षण बल लगेगा इस कैपिटल क्यू पर उसी तरीके से यहाँ पर लगेगा Q2 के कारण आकर्षण बल लगेगा लगे Q Q3 के कारण जब लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे Q13 कहेंगे जब Q2 के कारण लग रहा है तब Q12 कहेंगे Q1 के कारण जब लग रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग Q12 कहेंगे ठीक है अब ये टू वन टू थ्री यहाँ पे थोड़ा भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है वैसे ये पिक्चर मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सोचना किस, किस ने सोचा है ये बताओ ठीक है अगर मैं कुछ वर्क दे रही हूं तो उस वर्क को आप लोगों को तुरंत करना है उसके बारे में सोचना है सोचा कि नहीं भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताओ क्यों भाई हाँ कैसे देखा कि नहीं आप लोगों ने जल्दी से भाई कमेंट्स का इंतजार कर रही हूं ओके ग्रेट बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके बारे में अगर सोचा है तो कुछ समझ में आया सोच के चलो बहुत अच्छी बात है कई बच्चों को समझ में आया पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया सभी बच्चों को मैं समझा दे रही हूं यहां पर ठीक है ये तो उदाहरण के साथ हो गया ठीक है इसको मैं और एकदम आप लोगों को कहना चाहिए कि एक इलेबोरेट करके आराम से एक्सप्लेन करती हूं यहां पर मैं मान लो कि मान लो कि तीन बिंदु आवेश लेती हूँ ठीक है तो यहां पर जैसे कि क्यू है ठीक है ये क्या है हम लोगों का क्यू और मान लो कि यहाँ पर क्या है आप लोगों का ये है आप लोगों का क्यू ठीक है और ये है आप लोगों का क्या क्यू थ्री तो अब यहाँ पर क्या होगा जैसे कि वहां पर अंजलि के अंजलि से दोस्ती करने के लिए बहुत सारी लड़कियां थी बहुत सारे बच्चों का ग्रुप था सुनैना अदिति हिमांशी मनु सारे बच्चे थे वहां पर ठीक है अब यहाँ पर मान लो कि हम लोग उतने सारे बच्चों के लिए अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा सीखना कठिन हो जाएगा तो हम लोग केवल यहाँ पर तीन ले लिए हैं ठीक है ठीके? इन तीन में से होगा क्या ये आप लोगों की अंजलि है और इस अंजलि पर ठीक है इस अंजलि से जो यहाँ पर है मान लो कि साक्षी और मनु दोस्ती करना चाहते है कौन दोस्ती करना चाहते हैं साक्षी और मनु दो बच्चियां हैं जो इससे दोस्ती करना चाहते हैं ठीक है तो होगा क्या यहां पर इस q1 पर क्या-क्या लगेगा साक्षी के कारण बल लगेगा साक्षी के कारण इस q1 पर बल लगेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि q2 के द्वारा q1 पर बल ठीक है ये एक हो गया और दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे कि Q3 के कारण इस Q1 पर बल लगेगा तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं Q3 के द्वारा है ना इस Q1 पर बल तो फिलहाल हम लोग केवल Q1 पर ही बल कैलकुलेट करेंगे इस Q1 पर ही हम लोगों को क्या करना है इस Q1 पर ही हम लोगों को बल कैलकुलेट करना है और याद रखना है कि गुलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों पर ही लगता है ठीक है तो कुछ नियम भी होते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी करनी है बुक से वैसे बहुत सारी थ्योरी मैंने आप लोगों को क्लास में बता दिया है बट आप लोगों को इसके बावजूद छोटी छोटी चीजों को जो है नोटिस करने के लिए आप लोगों को बुक से सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है ठीक है सो आप लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी की बुक एचसी वर्मा की बुक ये बुक्स जो है और अलग-अलग बोर्ड्स एग्जाम में अलग-अलग बुक्स चलती है जैसे कि शिवलाल की बुक है कुमार मित्तल की बुक है नवबोध की बुक है यू बोथ की बुक है तो आप लोगों के आ, आ आप लोगों के स्टेट बोर्ड में जो भी बुक चलता है वो बुक जो भी आप लोग प्रेफर कर रहे हो करो पर सेल्फ स्टडी बुक से जरूर करो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है छोटी छोटी चीजें आप लोगों को वहां से जो चीजें मतलब आप लोग क्लास में मतलब मिस कर जाते हो उसको बार बार रिपीट करने से रिवीजन करने से सेल्फ स्टडी करने से वो सारी चीजें क्लियर होती है और अगर वो सारी चीजें क्लियर होती है तभी आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से बन पाते हैं ठीक है सो so, ये जो ये तो हो गया मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर जैसे कि क्यू के द्वारा जो क्यू पर बल लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे एफ वन टू ठीक है और यहां पर Q3 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे F13 ठीक है तो यहां पर हो सकता है कि ये F12 लिखना है कि F21 लिखना है F13 लिखना है कि F31 लिखना है ये लिखने में हो सकता है कि, कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो यहां पर बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है एकदम क्लियर रहना है यहां पर क्या क्लियर रहना है आप लोगों को कि जिस पर बल लगता है उसको हम लोग जो है पहले लिखते हैं यहां पर क्यू पर बल लग रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे तो यहां पर जितने भी बिंदु आवेश आ मान लो कि Q4 आ गया यहां पर मान लो कि जितने भी बिंदु आवेश आ जाएंगे, सारे के सारे क्या करेंगे? इस Q1 पर ही तो समझाने तो तो के लिए बताया ताकि आप को कंफ्यूजन ना हो बाकी स्वरूप तो पढ़ा ही है तो कुलाम के नियम के सदिश स्वरूप में आप लोगों ने जो है सूत्र लिखना तो सीख ही गया था तो आप लोगों को यहां पर दो चीजों का सूत्र लिखना है ये सारे जो है सदिश रूप में रहेंगे दो चीजों का सूत्र लिखना है क्या, क्या क्या लिखना है आप लोगों, लोगों यहां पर रामायण नहीं सुना रही हूँ आप लोगों को भी होना है क्लास में जल्दी से मेरे को कमेंट में लिख करके बताओ क्या होगा फटाफट से बताओ क्या होगा सूत्र सुनना नहीं है समझना भी है ठीक है सुनना नहीं है ओनली केवल समझना भी है मतलब हमेशा मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आपके दिमाग कान और आपका हाथ एकदम एक्टिव होना चाहिए आप लोगों को सुनना भी है समझना भी है कमेंट्स भी करना है कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं थ्योरी भी लिखना है जो मैं बोल रही हूँ इसलिए स्पीड तो भाई एकदम से बढ़ा लो चार और पांच के गियर में आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस जो है वो कर लो ठीक है तो यहां पर सूत्र क्या होगा भाई एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 और क्यू थ्री क्योंकि बल लग रहा है ठीक है, है तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आर वन हो जाएगी ठीक Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है तो यहाँ पर इस क्यू टू के द्वारा क्यू वन पर जो बल लगेगा वो इसका इसका जो दिशा होगा इसका दिशा कैसे होगा इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगा बाहर की ओर क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों हम लोग पॉजिटिव मतलब धनात्मक बिंदु आवेश लिए हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल है ठीक है तो वो प्रतिकर्षण बल के कारण यह क्या होगा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर लगेगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से इस बल की दिशा जो है आप लोगों के डायग्राम के अनुसार ये हो जाएगी और इसका सूत्र क्या हो जाएगा इसका सूत्र यहाँ पर हो जाएगा क्यू वन बटे क्यू टू सॉरी क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर वन टू का वर्ग ठीक है अब ये भी सदिश राशि है तो सदिश लगा देते हैं यहां पे ये वर्ग नहीं होगा ये क्यूब होगा क्योंकि हम आ, नहीं।

तब आप लोगों को यहां पर इस चीज को किस रूप में लिखना पड़ेगा इस रूप में लिखना पड़ेगा ठीक है तब तो यहां पर क्यूब होगा परंतु जब हम लोग इसको जो है कैप के रूप में मतलब कि एकांक सदिश के रूप में जब लिखेंगे तब हम लोगों को यहाँ पे वर्ग ही होगा तो यहां पर बिल्कुल भी किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अब चलो जल्दी से बताओ एफ क्या होगा सबके कमेंट्स देख रही हूं मैं क्या होगा एफ सबके कमेंट्स देख रही हूं जल्दी से बताओ जल्दी से क्या होगा एफ वन थ्री का सूत्र अरे भाई बिल्कुल ऐसा ही तो होगा एक बटेगा क्यू वन और Q3। दो बिंदु आवेश कौन कौन से है यहां पर? Q1 और Q3। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या लग रहा है बल लग रहा है क्यू थ्री के द्वारा क्यू वन पर बल लग रहा है इन दोनों की जो बीच की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर वन थ्री सदिस आर वन थ्री ठीक है अब यहाँ पर इन दोनों मतलब इन दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है ठीक है जो बल कार्य कर रहा है क्यू थ्री के द्वारा क्यू वन पर कर, बल, बल कार्य कर रहा है तो इस बल की दिशा क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी इस बल की दिशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर इन दोनों को मिलाने इन दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बना सकते हो ये क्या हो जाएगा ये आप लोगों का हो गया एफ वन थ्री ठीक है ये भी सदिश राशि है सदिश योग सदिश रूप में रहेगा ठीक है यहां पर हम लोग सूत्र को पूरा कर लेते हैं यहां पर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा यहां नीचे में हो जाएगा आर वन थ्री सदिश आर वन का वर्ग और यहाँ पे हम लोग एकांक सदिश लिख देंगे क्या आर वन थ्री तो इस तरीके से हम लोगों को क्यू टू के द्वारा क्यू वन पर बल क्यू थ्री के द्वारा क्यू वन पर बल तो मिल गया ठीक है अब हम लोगों को क्या करना है इस क्यू वन पर कुल बल निकालना है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे कुल बल या फिर नेट बल बोलते हैं कुल बल या फिर नेट बल ये नेट बल क्या हो जाएगा एफ वन हो जाएगा इसको एफ वन क्यू बोलेंगे क्योंकि यहां पर जो क्यू वन आवेश है इस क्यू वन आवेश पर जो है बल लग रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे एफ वन बल बोलेंगे जो कि इस क्यू वन आवेश पर दोनों बिंदु आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसका हम लोगों को नेट बल देगा या फिर कुल बल देगा तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इन दोनों इन दोनों बलों का योग हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री ठीक है तो ये हमारा समीकरण एक हो गया था ये हो गया हमारा समीकरण दो और ये हो गया आप लोगों का क्या समीकरण तीन ठीक है अब यहां पर जो हम लोग कुल बल निकाले हैं वो कैसा है क्यू क्यू टू के द्वारा क्यू वन पर लगने वाला बल क्यू थ्री के द्वारा क्यू वन पर लगने वाला बल ये दोनों ही सदिश रूप में है ये दोनों ही कैसे रूप में है ये दोनों ही सदिश रूप में है बात समझ में आ रही है कि कैसे सदिश सदिश रूप रूप में में है है अब पर ये दोनों ही अगर तो अगर हम लोगों को कुल बल चाहिए दोनों बिंदु आवेशों के कारण क्यू वन पर जो बल लग रहा है वो सदिश योग होगा कैसा योग होगा सदिश योग होगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का कंक्लूजन निकलता है इन दोनों बिंदु आवेश के कारण जो Q1 पर जो बल लग रहा है तो Q1 पर जो कुल बल हम लोग निकालेंगे वो दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा इस Q1 पर बल लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा बिंदु आवेश वो कैसी राशि थी वो नॉर्मल आप लोगों की एक अधिश थी, तो अधिश का जोड़ घटाव करने में कोई लोचा नहीं कोई लफड़ा नहीं ठीक है पर जब सदिश राशि का योग अगर हम लोगों को करना है तो वहां पर ध्यान देने बात यह है कि कैसे होगा क्या होगा मतलब हर चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है तो यहां पर हम लोगों का स्थिर विद्युत बल सदिश राशि है तो इस तरीके से हम लोग क्या किए इसका सदिश योग किए इसका रिजल्ट तो निकालेंगे ही पर हम लोग इस डायग्राम को भी और अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है यहां पर अब देखो आप लोग सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम सदिस योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम आप लोग सदिस गणित में पढ़े हो अगर नहीं पढ़े हो तो क्लास के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि जगह जगह अध्यारोपण के सिद्धांत में वो इस्तेमाल होगा ठीक है तो यहां पर ग्राफीय रूप में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो कैसे होगा ग्राफीय रूप में ये दो संलग्न भुजाई है मतलब दो संलग्न भुजाएं इस तरीके से है मतलब दोनों दोनों का जो आ, मतलब पीछे का जो हिस्सा है मैं इसको कैसे समझाती हूँ दोनों के पूछ आपस में जुड़े हुए हैं क्या जुड़े हुए हैं दोनों बलों के पूछ आपस में जुड़े हुए हैं

पाई जोड़ेंगे एफ वन थ्री का सूत्र लिखेंगे जल्दी से लिख लो भाई आप लोगों के कॉपी में लिखा हुआ है नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं टॉप कर रहे कि नहीं आप लोगों को क्यों भाई क्या बोलते हो यहां पर आप लोगों का ये होगा Q13 ठीक है क्योंकि थ्री के द्वारा वन पर बल लग रहा है ये हो गया आप लोगों का आर वन थ्री और इसका वर्ग और यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं एकांक एक सदिश ठीक है तो ये कुल बल निकल गया आप लोगों का कुल बल निकल गया आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन है ये जो नियतांक है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर जो कुल बल हम लोगों का आएगा एक बटे पाई एप्सलॉन नॉट यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा वाला ये हो जाएगा क्यू q2 r12 का वर्ग ये r12 कैप और ये हो गया आप लोगों का q1 q3 r13 का वर्ग r13 कैप तो भाई ये हमारा जो है कुल बल निकल गया ये आप लोगों का चौथा समीकरण मान लो ये फाइनल है आप लोगों का जो F1 पर कुल बल लगेगा वो आप लोगों का बल जो है इस प्रकार है आप लोगों को साथ ही साथ समीकरण की थ्योरी भी लिखनी है बोल रही सुन के अपने शब्दों में लिखते जाओ ठीक है अब हम लोगों को ये समझना है जो हम लोगों ने जैसे कि ये जो पहला वाला डायग्राम लिया था ना तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे आवेश है बहुत सारे आवेश है ठीक है फिलहाल हम लोगों ने दो आवेशों के कारण यहाँ पर पढ़ा ठीक है दो आवेशों के कारण पढ़ा अगर इसी तरीके से हम लोगों को बहुत सारे आवेशों के कारण इस q1 पर बल निकालना हुआ तो ठीक है ये q1 हो गया और मान लो कि यहाँ पर q2 है यहाँ पर क्या है यहाँ पर q3 है ठीक है और यहाँ पर q4 है ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे बल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनके बीच की दूरी तो आप लोग लिख ही सकते हो इनके सबके बीच की दूरी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी r12 ये आर वन फोर ये आर वन थ्री ठीक है इस तरीके से जितने भी बिंदु आवेश यहाँ पर आप ले आओ मान लो कि एन संख्या में है ये ये एन संख्या वाली क्या हो जाएगी आर वन एन ठीक है और ये हो जाएगा आप लोगों का क्यू एन तो जब एन संख्या के लिए होगा तब हम लोग कैसे करेंगे तो उस वक्त भी आप लोगों को इन सारे के कारण जो इन सारे बिंदु आवेशों के कारण जो क्यू वन पर बल लग रहा है उन सारे बलों का आप लोगों को सदिश योग करना होगा तो इन सारे बलों के कारण जो लगने वाला क्यू लगने वाला क्यू वन पर जो बल होगा वो क्या हो जाएगा इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग क्यू वन टू सॉरी एफ वन सदिस एफ वन बराबर सदिश एफ वन टू सदिस एफ वन थ्री प्लस सदीस एफ वन फोर प्लस क्या हो जाएगा डैश 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 और ये हो जाएगा एन नंबर ऑफ जो आवेश है तो था आवेश मतलब एनवे आवेश के कारण जो इस Q1 पर जो बल लग रहा है वो क्यू वन एन जो है इस रूप में लिखाया जाएगा ठीक है अब सबका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे यहाँ पर वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का इस क्यू वन आवेश पर जो कुल बल है नेट बल है ये हो जाएगा आप लोगों का एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं जैसे पिछली बार हम लोगों का निकल गया था ठीक है उसी प्रकार से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर क्यू और Q2 तो Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा था जिसके बीच की दूरी R12 थी तो इसका वर्ग लिख लेते हैं और यहाँ पे आ, एक काम का सदिश ठीक इसी प्रकार से Q1 Q3 क्यू थ्री बटे आर वन का वर्ग एकांक एक सदिश ये तो आप लोग फटाफट खुद से लिख सकते हो ठीक है तो फटाफट मेरे लिखने से पहले अगर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे और कॉपी में लिख लो और मेरे को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ मैम हमने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात होगी ठीक है मुझे भी खुशी होगी कि हाँ ठीक है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं फटाफट से लिख लेते हैं मेरे लिखने से पहले लिख लेते हैं तो भाई अच्छी बात है अगर आप लोग जो टीचर आप लोगों को सिखा रहा है उससे पहले भी अगर आप लोग आगे बढ़ के लिख लो तो वेल एंड गुड है ठीक है तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरे एन नंबर ऑफ आवेश जितने भी आवेश हैं उन सारे के कारण जो क्यू वन पर बल लग रहा है वो बल हम लोगों का निकल गया ठीक है अब अगर इस बल को हम लोग अगर हम लोग क्या करना चाहें अगर हम लोग इस बल को जो है मतलब पूरे समेशन के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कोई बता सकता है क्या कैसे लिख सकते हैं इस पूरे बल को हम लोग समेशन के रूप में लिखना चाहें चलो बताओ भाई फटाफट से लिख के बताओ कैसे लिख सकते हैं एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट हो जाएगा ये एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट हो जाएगा और यहां पर हम लोगों को क्या समेशन का चिन्ह लगाना है समेशन का चिन्ह ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा ठीक है समेशन का चिन्ह अब यहां पर आई बराबर आई बराबर आपका क्या हो जाएगा आई बराबर दो से लेकर के n ठीक है दो से लेकर के n क्यों हुआ क्योंकि यहां पर q1 आवेश पर Q2 से लेकर के Qn के कारण लगने वाला बल है टू से लेकर n नंबर ऑफ संख्या में जितने भी बिंदु आवेश है उनके कारण जो लगने वाला बल है जो यहां पर हम लोग लिखते हैं ठीक है तो इस वजह से हम लोगों ने I बराबर ये लिख लिया टू से लेकर के n तक देखो यहां पर जो चेंजेस uh, हो रहा है टू थ्री और n, ठीक है तो I बराबर टू से लेकर n तक इसलिए हम लोगों ने यहां पर लिख दिया अब इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्यू तो सब में कॉमन है देखो सब में क्यू है है ना क्यू है क्यू सब में क्योंकि क्यू पर सारे बिंदु आवेशों के कारण बल लग है तो दो दो बिंदु आवेशों के बीच में जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो इस Q1 और इस n के बीच में हम लोग लगा रहे हैं तो सारे जगह q1 हमारा कॉमन है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर q1 लिख दिया अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी क्या qn ठीक है तो n बराबर 2 भी हो सकता है n बराबर 3 भी हो सकता है n बराबर 4 भी हो सकता है ठीक है अगर चौथे बिंदु आवेश के कारण इस पहले बिंदु आवेश पर बल निकालना होगा तो वहां पर हम लोगों का एन बराबर चार रख लेंगे ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया तो एन बराबर कितना भी रख सकते हैं ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन क्योंकि क्यों मेरे को पता है कि बच्चों को यहाँ पर डाउट आता है आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहीं पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ ठीक है तो ये हो जाएगा अब नीचे में हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या आर वन एन का वर्ग और ये एकांक एक सदिश आर वन एन तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि सबके बीच की दूरी जो है आर वन टू आर वन थ्री आर वन फोर आर वन एन ठीक है तो एन नंबर ऑफ संख्या मतलब जिस भी बिंदु आवेश के बीच की पहले बिंदु आवेश से के बीच की दूरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों की आर वन एन तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर एन के जगह में हम लोग आई लिखना ज्यादा बेहतर होगा ठीक है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रही हूँ ये जो है ये मैंने आप लोगों को अभी समझाने के लिए बता दिया एन का संख्या कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं आई ठीक है वन आई ये हो जाएगा वन आई ठीक है अब ये आई क्यों हुआ क्योंकि हम लोग आई बराबर टू से लेकर के एन तक की संख्या लिए हैं ठीक है थीके? ये नंबर कुछ भी हो सकता है इसलिए हम लोगों ने यहां पर जो है आई के जगह हम लोग कुछ भी वैल्यू जो है रख सकते हैं बात समझ में आ रही है कोई भी संख्या हो सकती है तो इस तरीके से हम लोगों को मतलब आवेशों के निकाय के कारण जो स्थिर विद्युत बल है इसका मान हम लोगों को प्राप्त होता है ये आप लोगों का फाइनल समीकरण है कौन सा नंबर हो गया भाई समीकरण का ये पांचवा नंबर हो गया पांचवा और लास्ट समीकरण है इसको आप लोग बिल्कुल बॉक्स बना करके लिख सकते हो अच्छे से आप लोगों को नोट्स बनाना है प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का अनेक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर स्थिर विद्युत बल ठीक अगर आप लोगों को इसको परिभाषित करनी है तो आप लोग परिभाषा कैसे, कैसे लिख सकते हो चलो लिखो फटाफट से मैं बोल रही हूँ लिखो फटाफट से अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो कई बिंदु आवेश है ठीक है कई बिंदु आवेश के द्वारा किसी एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित अगर कोई बल है ठीक है तो होगा क्या वो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा इस Q1 आवेश पर जो है बल लग रहा है ठीक है उन सारे बलों के सदिश योग के बराबर होगा उन सारे बलों के सदिश योग के बराबर होगा यही आपका क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत है यही क्या है आप लोगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है ठीक है सभी को समझ में आ गया क्लियर है सभी को चलो फटाफट से नोट कर लो अगर कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो ठीक है अगर आ, इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ ठीक है तो होगा क्या मान लो कि एक बच्चा बदमाशी करता है ठीक है वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है होता है कभी कभी कुछ बच्चे उसमें बदमाशी कर देते हैं तो आज ही ये इंसिडेंट हुआ तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक कहानी के रूप में बता देती हूँ एक बच्चा बदमाशी किया कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया ठीक है तो उसको हम सब ने मिल के हम सब ने करके सबक सिखाया ठीक ठीक है है ताकि आज की कोई और बच्चा उस तरीके बदमाशी ना करे तो इसको सबक सिखाना जरूरी है बिल्कुल अन्याय सहना अच्छी बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या किया जितने भी अच्छे लोग थे इन सारे लोगों ने मिलकर एक्शन लिया और इस क्यूवन आवेश को सबक सिखाया पकड़ के पीट दिया अच्छे से है ना क्या किया पकड़ के पीट दिया ऐसा करना नहीं है भाई बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ पकड़ के पीट दिया तो अब हम लोगों को क्या करना है इस क्यू क्यू वन आवेश ने जितनी मार खाई ठीक है तो जितनी मार खाई तो जितना ताकत सब लोग मिलकर लगाए हैं ठीक है थीके? उस कुल बल को अगर हम लोगों को निकालना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जितने लोग जितने अच्छे लोग इसको सबक सिखाने के लिए पकड़ के पीट दिए ठीक है तो उन सब के द्वारा जो लगाया गया बल है उनका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सदिश योग करेंगे तो हम लोगों को इस क्यू आवेश पर कुल बल निकल जाएगा ठीक है तो भाई बदमाशी बदमाशी नहीं करना है अगर आप लोग किसी ग्रुप में हो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मतलब इंसानियत बनाए हुए बना बनाते हुए आप लोगों को चलना है अच्छे से रहना है लाइफ में खुश रहना है हमेशा अच्छा काम करना है किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है और ना ही अपने साथ कभी कुछ गलत होने देना है ठीक है हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ना है पढ़ाई के लिए भी आप लोगों को हिम्मत की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोटी मोटी आती रहती है उन छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते

देखो बेटा आप लोगों की जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो वहां पर मेरे को एक कमेंट्स ये भी मिला था कि मैम करने में दिक्कत जाती है 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 ठीक तो तो ऐसा अगर अगर किसी का भी भी प्रॉब्लम तो अभी तक आप लोग जो भी मैं थ्योरी क्लास में आप लोगों को समझाई हूँ सुने हो गे तो न्यूमेरिकल करने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी इसका यही मतलब होता है कि अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हो तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम जा ही नहीं सकती अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो ठीक है अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार तीन बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर एक बार में लेक्चर में कुछ चीज मिस हो गया तो उसको स्पीड बढ़ा के आप दोबारा देख लो ठीक है स्पीड बढ़ाने के लिए इसलिए बोल बोलो ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट मत हो है कि नहीं तो भाई आपको करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छे से करना ही पड़ेगा यहां पर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इन क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़कर हम पढ़ेंगे ठीक है वायु में माइनस माइनस शून्य दशमलव चार माइक्रोकुल आवेश के किसी छोटे गोले के कारण शून्य दशमलव दो माइक्रोकुल आवेश के एक छोटे गोले पर स्थिर विद्युत बल शून्य दशमलव चार न्यूटन है दोनों गोलों के मध्य दूरी क्या होगी ठीक है तो दोनों गोलों के मध्य दूरी आप लोगों को यहां पर निकालना है जो प्रश्न में बोला है इसको मैंने आप लोगों को टुकड़ों में तोड़ के समझाया सबसे पहले हम लोगों को यह दिया हुआ है कि जो दोनों बिंदु आवेश है वो कहां पर रखे हुए हैं वायु में रखे हुए हैं यहां इसका मतलब यह है कि आप लोगों को यहां पर माध्यम जो है वायु दिया गया है ठीक है अगर वायु ना होकर के कुछ और माध्यम होता है तो आप लोगों को पता है कि वहां पर परावैद्युतांक आ जाता है कैपिटल के

ठीक है तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो बिंदु आवेश दिए गए हैं आप लोग देख सकते हो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है और इनके बीच की दूरी हम लोगों को पूछा है बल कैसा लगेगा आकर्षण बल लगेगा ये तो क्लियर है ठीक है और यहाँ पर हम लोगों को इनके बीच जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल है इस स्थिर विद्युत बल का मान हम लोगों को दिया है शून्य न्यूटन तो हम लोगों के पास गुलाम के नियम के अनुसार क्या सूत्र है भाई क्या है हमारे पास सूत्र जल्दी से बताओ गुलाम के नियम के अनुसार अरे भाई इतना बार पढ़ लिए कोई कन्फ्यूज़न तो होना नहीं चाहिए एक बटे चार पाई एप्सलॉ नॉट क्यू वन और क्यू टू बटे क्या है आर का वर्ग ठीक है आर का वर्ग तो आप लोग देख पा रहे हो यहां पे हम लोगों को दूरी ही ज्ञात करनी है अब अगर हम लोगों को दूरी ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे इस सूत्र में क्या करेंगे इस आर को हम लोग ले आएंगे इधर और इस एफ को ले जाएंगे उधर पक्षांतर कर देंगे ठीक है सो यहां पे क्या हो जाएगा आर का वर्ग बराबर एक बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे एफ समझ गए समझ गए दूरी निकालनी है पक्षांतर कर दिया है चलो जल्दी से फटाफट से मान रख डालो सारे मान आप लोगों को पता है अच्छा ये बताओ माइक्रोकुलाम को हम लोग क्या लिखते हैं पता है कि नहीं जल्दी से कमेंट करके बताओ माइक्रोकुलाम को अगर हम लोगों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे माइक्रो का मतलब क्या हो गया है क्या हो जाएगा यहाँ पर गुलाम में अगर हम लोग परिवर्तित करेंगे तो शून्य दशमलव दो गुणा दस की घात माइनस छः ठीक है तो जब भी हम लोग आवेश का मान रखेंगे तो माइक्रोकुलाम या जो भी आप लोगों को दिया हो ठीक है तो उसको हम लोगों को गुलाम के रूप में परिवर्तित करना है सेंटीमीटर में अगर कोई मान दिया होगा तो उसको आप लोगों को मीटर में परिवर्तित करना है कुलाम और मीटर के रूप में आप लोगों को उसका मान रखना है ठीक है तो जो ऐसा यूनिट होता है उस ऐसा यूनिट के रूप में हम लोग जो है मान को रखते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा माइनस शून्य दसमलव चार गुणा दस की घात माइनस छह कुल जल्दी से वैल्यू रख दो वहां पे मान ही सिर्फ रखना है आप लोगों को यहाँ पर समीकरण

ठीक है दोनों बिंदु आवेशों का मान रख दिया अब यहां पे बल का मान रख दूंगी बल का मान कितना दिया हुआ है शून्य दशमलव चार न्यूटन हमको बल का मान दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा जल्दी से सॉल्व करो क्या आएगा भाई कैलकुलेशन करना है आपको आर का वर्ग बराबर क्या होगा सबसे पहले बताओ फटाफट हाथ और दिमाग सबके चलने चाहिए है ना सबको इसीलिए कहती हूँ टेबल एकदम क्लियर अच्छे से रटा रुटाया होना चाहिए याद होना चाहिए सारे वैल्यूज के वर्ग और उनके वर्गमूल आपको पता होने चाहिए तो इसमें आप लोगों को कहीं पर मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन करने में और कैलकुलेशन बहुत जरूरी है है ना ट्वेल्थ में आ गए हो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है तो सारे चीजों की तैयारी आप लोगों को कर डालनी है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का वर्ग बराबर एक दशमलव आठ गुणा दस की घात माइनस तीन एक दशमलव आठ गुणा दस की घात माइनस तीन अब यहाँ पर मैं दशमलव को सामने ले आती हूं शून्य दशमलव एक आठ गुणा दस की घात माइनस चार वर्ग मूल करने में आसानी होगी वर्गमूल करने में आसानी होगी ठीक है अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं अगले पेज में लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा आय बराबर शून्य दशमलव एक आठ गुणा दस की घात माइनस चार अब इसका क्या हो जाएगा हम लोगों को वर्गमूल निकालना है तो घात में मैं यहां पर वर्ग को ट्रांसफर करके एक बटे दो लिख देती हूँ वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये दस की घात माइनस चार का वर्गमूल तो दस की घात माइनस दो हो जाएगा ठीक है अब यहां पर शून्य दशमलव एक आठ का वर्गमूल तो क्या आएगा शून्य दशमलव एक आठ का वर्गमूल क्या आएगा तो बेटा इसका वर्गमूल आएगा शून्य दशमलव चार दो ठीक है अब गणित तो मैं सिखाऊंगी नहीं ये आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से इसको आप लोग लिख सकते हो चार दशमलव दो गुणा दस की घात माइनस तीन मीटर ठीक है मीटर दूरी है तो इसका मात्रक आप लोगों का क्या होगा मीटर में होगा तो भाई इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का आ गया है ऑप्शन भी हम लोगों को यहां पर दिए हुए हैं तो भाई हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गुड वेरी गुड बहुत सारे बच्चों के आंसर में कमेंट बॉक्स में भी देख पा रही हूँ बहुत अच्छी बात है वेरी गुड बेटा वेरी गुड इजी क्वेश्चन था कुछ नहीं था चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे आप लोगों को प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ना है एक एक शब्द का मतलब आप लोगों को समझना है और अपनी भाषा में नीचे लिखते जाता है प्रश्न में दिया है करके अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे तो प्रॉपर आप लोगों को लिखना होगा दिया है प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया है ये आप लोगों का स्टेप वन हो जाएगा ठीक है जो जो दिया है वो सारी चीजें लिख लेना स्टेप टू क्या हो जाएगा कि हमें क्या निकालना है तो जैसे हम लोगों को दूरी निकालनी थी पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम

है कि नहीं तो उसके अनुसार आप लोगों को इन सारी चीजों की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है चलो भाई उम्मीद करती हूँ मैं, आप लोगों को बताया ये सुनने के साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन को भी पढ़ लिया होगा चलो पढ़ते हैं यहाँ पर हिलियम परमाणु ठीक है अब हीलियम परमाणु आप सभी को पता है ठीक है साथ ही साथ फिजिक्स के आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ ही रहे हो तो हीलियम परमाणु का के नाभिक में दो प्रोटॉन है कितने प्रोटॉन है दो प्रोटॉन है तो भाई एक प्रोटॉन और दो प्रोटॉन प्रोटॉन है दो उसको क्या किया गया है इन दोनों के बीच की दूरी तीन गुणा दस की घात माइनस पंद्रह ठीक है तीन गुणा दस की घात माइनस पंद्रह इनके बीच की दूरी है आर बराबर ठीक है चलो इसके बाद क्या बोल रहा है कि इतनी दूरी से पृथक किया गया है इस उस स्थिर विद्युत बल का परिमाण क्या होगा जो प्रत्येक प्रोटॉन अन्य पर उत्पन्न कर रहा है मतलब कि यहां पर एक दो प्रोटॉन है ठीक है एक प्रोटॉन के कारण दूसरे प्रोटॉन पर बल लगेगा दूसरे प्रोटॉन के कारण पहले प्रोटॉन पर बल लगेगा ठीक है तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया था एक बार फिर से मैं डायग्राम आप लोगों को बना देती हूँ यहां पर फाइनली आप लोगों के लिए तो ये मान लो कि प्रोटॉन वन दो प्रोटॉन है तो ये पहला प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन इनके बीच की दूरी आर हम लोगों को दी हुई है तीन तीन गुणा दस की घात माइनस पंद्रह मीटर ठीक अब इनके बीच हम लोगों को क्या निकालना है स्थिर विद्युत बल निकालना है स्थिर विद्युत बल हम लोगों को ज्ञात करना है ठीक है तो जाहिर सी बात है अब दो जो प्रोटॉन है इनका कुछ ना कुछ आवेश होता होगा तो आप लोगों को पता है कि नहीं कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तो मैंने बताया ही है साथ ही साथ मैंने प्रोटॉन का आवेश भी बताया था पिछली क्लास में स, इस टाइप का एक न्यूमारिकल किया था हम लोगों ने जहां पर हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का हम लोगों ने क्या किया था तुलना किया था तो यहाँ पर प्रोटॉन दोनों ही प्रोटॉन पी और पी पर जो आवेश होगा ठीक है वो क्या होगा एक दशमलव छह दस की घात माइनस उन्नीस कुलाम, दोनों प्रोटॉन होगा? होगा। टू दोनों का आवेश ठीक है और इनके बीच की दूरी का वर्ग ठीक है चलो फटाफट से मान रख डालो और कैलकुलेट करके बताओ मेरे को जल्दी से फटाफट फटाफट से मान रख डालो जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ एफ बराबर एक बटे चार पाई एफ नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर का वर्ग ये हमारा सूत्र हो गया इसमें हम जल्दी से मान रख देते हैं नौ गुणा दस की घात नौ चलो भाई फटाफट मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाना है आप लोगों को एक दशमलव छह गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुणा एक दसमलव छुणा दस की घात माइनस उन्नीस अरे भाई सबके आंसर कॉपी मंगवा लूंगी अगर जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो ठीक है चलो ये हो गया सारे मान रख दिए सारे वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिया अब सारे वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिया कैलकुलेशन तो करो भाई कैलकुलेशन करो जल्दी, जल्दी 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 देखो हमारे पास चार ऑप्शंस उप्षयन है ऑप्शंस नंबर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कैलकुलेशन एकदम स्पीड से जल्दी करना है सबको क्विकली क्विकली फटाफट क्या होगा भाई मान इसका तो भाई इसका मान मैं आप लोगों को बता देती हूं इसका मान आएगा पच्चीस दशमलव न्यूटन ठीक है कैलकुलेशन कुछ नहीं देखो मैं तुम लोगों को सिंपली बता रही हूँ ये सबसे पहले क्या कर लिया करो आंसर तो मैंने बता दिया ठीक है चलो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ हेल्प में मैं ये कर देती हूँ कि आप लोगों को सिखा देती हूँ क्विकली कैलकुलेशन करना है तो पहले आप लोग दस की घात में जो है ना उसको साइड में करके सॉल्व कर लिया करो जैसे कि ये क्या हो जाएगा माइनस पंद्रह दूनी तीस तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दस की घात तीस हो जाएगा ठीक अब इसके बाद हम लोगों के पास उन्नीस दूनी अड़तीस तो दस की घात माइनस अड़तीस हम लोगों के पास पहले से यहाँ पर है और दस घाट माइनस दस की घात नौ भी है तो सारे दस के घात को हम लोग पहले कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा है आपस में कट जाएगा अगर आप लोगों को सोलह का वर्ग पता है तो आप लोग फटाक से आंसर बता दोगे कुछ नहीं रखा है दिखता कॉम्प्लिकेटेड है होता ईजी है बस प्रैक्टिस की जरूरत है टेबल याद होना चाहिए वर्ग याद होना चाहिए वर्ग मूल याद

यहाँ पर क्या है बी बिंदु है यहाँ पर क्या है सी है और यहाँ पे क्या है डी है एक वर्ग की चार भुजाएं हैं इनकी भुजाएं आप लोगों को दी हुई है यहाँ पर क्या दस सेंटीमीटर इनकी भुजाएं क्या दी हुई है दस सेंटीमीटर दी हुई है अब क्या बोल रहा है कि वर्ग के केंद्र पर स्थित एक माइक्रोकुलाम आवेश पर बल क्या होगा तो यहां पर केंद्र बिंदु बना लिया है केंद्र बिंदु ओ है और इस पर

ए बी सी और डी चार कोने हैं वर्ग के चार कोने इनकी भुजाएं हम लोगों को दी हुई है दस सेंटीमीटर ठीक है चारों भुजाओं का मान दस सेंटीमीटर है अब हम लोगों को यहां पर केंद्र पर निकालना है केंद्र पर ओ बिंदु है तो वन वन माइक्रोकुलाम का यहां पर आवेश दिया हुआ है तो ये देखो ओ से ए ठीक है ओ से बी ओ से ए ठीक है फिर क्या है ओ से बी फिर क्या है यहां पर ओ से सी ठीक है फिर क्या है यहां पे ओ से डी देखो चार अलग अलग कलर्स से मैंने आप लोगों को बता दिया ओ ए क्या ओ डी ठीक है तो इन चार, ये चार है इनके बीच आप लोगों को क्या निकालना होगा इनके बीच आप लोगों को बल निकालना होगा ठीक है मान लो कि ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एफ ओ ए ये हो जाएगा एफ ओ बी ठीक है ये हो जाएगा एफ ओ सी और ये हो जाएगा क्या एफ ओ डी तो हम लोगों ने जो आज अध्यारोपण का जो सिद्धांत पढ़ा वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर लगाना है ठीक है अब हम लोगों को क्या चाहिए होगी यहाँ पर इनके बीच की दूरी चाहिए होगी तो दूरी कैसे निकालोगे तो दूरी को निकालने के लिए प्रश्न में आप लोगों को भुजा, भुजाओं का मान दिया हुआ है भुजा कितनी दी हुई है दस सेंटीमीटर दी हुई है ठीक है तो ये भुजा आप लोगों को अगर निकालना है तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो इसके लिए आप लोगों को ये विकारण चाहिए होगा देखो रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों को क्या चाहिए होगा विकर्ण चाहिए होगा तो विकर्ण लगाने निकालने के लिए आप लोग आराम से यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो ये इस तरीके से ये दस सेंटीमीटर हो गया ये दस सेंटीमीटर हो गया ठीक है अब आप लोगों को निकालना क्या है ये विकर्ण आप लोगों को निकालना है ये जो विकर्ण निकालोगे इसका बटे दो कर दोगे तो आप लोगों को यहाँ पर केंद्र बिंदु से ओक बिंदु की दूरी आ जाएगी ठीक है और ये सारी दूरिया क्या है आपस में बराबर है ठीक है तो सारी दूरिया यहाँ पर आप लोगों को निकल जाएगी इसके द्वारा ठीक है तो मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझा दिया है कि कैसे होगा चलो जल्दी से फटाफट से ट्राई कर डालो जल्दी क्विकली फटाफट ट्राई करना है भाई कर रहे हो ट्राई गुड तो सबसे पहले तो दूरी निकाल लो दूरी निकालोगे फिर उसके बाद आप लोग मान रख लोगे तो इजीली वो जो है आप लोगों का सॉल्यूशन बन जाएगा आप लोगों को ठीक है चलो ओके दूरी भी मैं आप लोगों को निकाल के बता दूंगी जल्दी से आप लोगों को निकाल के बता देती हूं यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया ये विकर्ण हम लोगों को निकालना है ये ए है ये सी है ये क्या था हम लोगों का डी दस सेंटीमीटर ये दस सेंटीमीटर अगर हम लोगों को ए सी निकालना है तो क्या हो जाएगा वर्ग मूल क्या हो जाएगा वर्ग मूल यहाँ पर ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग यहां पर मान रख देंगे तो वर्ग मूल दस का वर्ग प्लस दस का वर्ग ठीक है यहाँ पर ए का मान हम लोगों को क्या जाएगा यहाँ पर दस वर्गमूल दो ए सी का मान आ जाएगा अब हम लोगों को निकालना क्या है एक्चुअल में क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ पर जो ओ बिंदु है ठीक है ओ बिंदु जो हमारा है ठीक है तो इस ओ ए की दूरी हम लोगों को निकालनी है क्योंकि दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं इनके बीच अगर हम लोगों को बल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को दूरी चाहिए तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ये सारे क्या हो जाएंगे विकर्ण जो हम लोगों का आया है इसका अगर हम लोग बटे दो कर देंगे तो सारी दूरियां निकल जाएंगी दस वर्गमूल दो ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर पांच वर्गमूल दो तो सारी दूरिया निकल गई अब क्या कर सकते हो आप लोग बल कैलकुलेट कर सकते हो एफ ओ एफ ओ बी एफ ओ सी एफ ओ डी ठीक है सारे बल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो या तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं सोचो यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत जो हम लोगों ने सीखा उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सोचो भाई सोचो क्या हो सकता है जल्दी से मेरे को बताओ जल्दी से बताओ ठीक है चलो जैसे कि मान लो कि हम लोग फॉर्मूला रखते हैं ठीक है एक बटे चार पाई अट्सलॉट नॉट को मैं यहाँ पर डायरेक्ट के लिख दे रही हूं ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का एफ ओ और सॉरी ठीक है ये एफ ओ ठीक है एफ ओ और सॉरी क्यू ओ और क्यू ए ठीक है आर ओ ए का वर्ग ठीक है आर ओ ए का वर्ग अभी हम लोगों को परिमाण कैलकुलेट करना है तो सिर्फ हम लोग परिमाण देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से अगर हम लोग सारे मान कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोग यहां पर ये भी ध्यान दे सकते हो आप लोग यहां पर यह भी ध्यान दे सकते हो कि एफ ओ ए और एफ ओ सी यहां पर जब एफ ओ सी कैलकुलेट करोगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा के ये हो जाएगा आप लोगों का क्या के क्यू ओ और क्यू सी ठीक है आर ओ सी का वर्ग ठीक ये हो जाएगा अब आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो कि यहां पर जो मान दिए गए हैं ठीक है यहां पर जो मान दिए गए हैं इन मान को आप लोगों को ध्यान से देखना है तीन माइक्रोकुलाम आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है यहां पर भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है तीन माइक्रोकुलाम दिया हुआ है यहां पर माइनस चार माइक्रोकुल दिया हुआ है और यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस चार माइक्रोकुल दिया हुआ है ठीक है तो ये जो भी सारी राशियां हैं अगर हम लोग इनको मतलब सदिश रूप में लिखते हैं ठीक है सदिश रूप में लिखते हैं एफ ओ लिखते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी ठीक है तो अब ये सारी जो राशियां हैं वो क्या है परिमाण में बराबर ठीक है परिमाण में बराबर है एक दूसरे के परिमाण में बराबर है आप लोग देख सकते हो परिमाण में बराबर और कैसी है विपरीत दिशा में है ठीक है तो जो आप लोगों का यहाँ पर एफ ओ ए का मान आएगा और एफ ओ सी का मान आएगा तो यहाँ पर आप लोगों का एफ ओ ए का मान जो है परिमाण में बराबर और क्या होंगे विपरीत दिशा में होंगे ठीक है उसी प्रकार से आप लोगों का जो ये OB और OD का मान होगा ये OB और OD का मान ठीक है ये भी क्या होंगे परिमाण में बराबर होंगे और कैसे होंगे विपरीत दिशा में होंगे ठीक है परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होंगे तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो बिल्कुल जो है यहां पर ये यह क्या हो जाएंगे परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण ये सारे जैसे ये एफ ओ ए लिख लिया मैंने यहां पर क्या लिख दिया मैंने माइनस एफ ओ ए ठीक है ओसी बराबर क्या है आप लोगों का माइनस एफ ओ ए ही है ठीक है यहाँ पर एफ ओ बी जैसे लिख दिया मैंने ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ बी परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ पर जो नेट बल है ठीक है नेट बल क्या हो जाएगा ये सारे शून्य हो जाएंगे क्योंकि आपस में ये कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु पर जो यहाँ पर केंद्र बिंदु पर जो एक माइक्रो माइक्रोकुलाम का जो आवेश है इस पर लगने वाला जो कुल बल है नेट बल ये आप लोगों का आ जाएगा शून्य चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें से जो चौथा ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इस प्रश्न के लिए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है इसमें आप लोगों को पूरी थ्योरी अच्छे से समझा के आप लोगों को पूरे अच्छे से सारी चीजें लिखनी होंगी तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो ठीक है इसके बाद ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क में दे रही हूँ इसके बाद भी एक क्वेश्चन है इसको भी आप लोग होमवर्क में ले सकते हो होमवर्क क्वेश्चन है दोनों के दोनों आप लोगों को ट्राई करना है ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही है जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया है इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी है ठीक है अच्छे से ट्राई करना है अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो आप सभी के सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्लासेस में लेकर के आ जाऊंगी ठीक है तो भाई कैसा लगा क्लास है कैसा लगा आप लोगों को मजा आया कि नहीं अगर आप लोगों को सच में क्लास में मजा आया तो जल्दी से फटाफट से इस क्लास को आप लोग लाइक कर दो फटाफट से सारे बच्चों के लाइक्स हाँ पर आ जाने चाहिए जितने भी बच्चे हाँ पर लाइव हैं हैं जो क्लासेस देख रहे कमेंट्स में आप लोगों को लिख करके जरूर बताना है कि आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही है और क्लासेस में आप लोगों को क्या चाहिए जो भी आप लोग यहाँ पर क्लासेस में आप लोगों की जो डिमांड होगी वो बिल्कुल पूरी करी जाएगी सारे सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगी पर हाँ सेल्फ स्टडी आपको खुद से करना ही करना है जरूर करना है और बहुत ही अच्छे से करना है आप लोगों को सेल्फ स्टडी आज की क्लास में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो विद्युत क्षेत्र का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे ठीक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अलावा और उनके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बीच में हम लोग क्या देखेंगे संबंध देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है क्षेत्र रेखाओं के बीच में और क्षेत्र में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो चलो फाइनली स्टार्ट करें क्लास आगे बढ़े जल्दी से क्विकली चलो आ गए सारे बच्चे फटाफट से कमेंट्स करके बताओ बढ़े आगे बढ़े आ गए सारे बच्चे ग्रेट ग्रेट बहुत अच्छी बात वेरी गुड तो मतलब सारे बच्चे आ चुके हैं स्टार्ट करते हैं फाइनली हम क्लास तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगी विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है पीछे में ये जो इमेज है ठीक है तो ये बच्चा है मान लो कि आप में से ही कोई बच्चा है ठीक है राज राजकुमार नाम का एक बच्चा है मैंने कमेंट्स में देखा था आप लोगों के मान लो कि यहाँ पर राजकुमार यहां पर एक चालक गोले को ये चालक गोला कैसा है ये चालक गोला जो है आवेशित गोला है ठीक है चालक गोला जो कि क्या है आवेशित है कैसा है आवेशित अब इस आवेशित गोले को जब ये छू रहा है ठीक है इस आवेशित गोले को जब ये छू रहा है तो क्या हो रहा है भाई देखो बेचारे के अच्छे खासे बाल जो है एकदम मतलब थे रहे होंगे ठीक है वो बिल्कुल इस तरीके से पूरे खड़े हो गए सोचो अगर आपके आपके बाल खड़े हो जाए तो फ्रेंड्स आपको कैसे चिढ़ाएंगे कैसे चिढ़ाएंगे अरे यार देखो तो देखो क्या हो गया इसको क्या हो गया चिढ़ाएंगे कि नहीं चिढ़ाएंगे तो देखो मान लो कि आपका कोई फ्रेंड हो तो मजा आएगा ना ऐसा देख करके बिल्कुल मजा आएगा कि नहीं हाँ बिल्कुल मजा आएगा तो भाई हो क्या रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है ये चीज़ को हम लोगों को समझना है तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जब ये जब ये बच्चा इस आवेश चालक गोले को छू रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है यह इसके क्षेत्र में आ गया है यह इसके क्षेत्र में आ गया है इसके एरिया में आ गया है ठीक है इसके क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है आकर्षण बल कार्य कर रहा है ठीक है आकर्षण बल कार्य कर रहा है क्योंकि हमारी बॉडी भी एक चालक ही है हमारी बॉडी कंडक्टर होती है है ना तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगी वो आकर्षित होगी और आकर्षण के कारण यहाँ पर ये ये जो है बच्चा जो है वो भी क्या हो गया यहाँ पर आवेशित हो गया अब ये बच्चा जब आवेशित हो गया तो आवेशन के कारण क्या हो गया आवेशन के कारण इसके सारे बाल जो है वो खड़े हो गए क्या हो गए आवेशन के कारण इसके सारे बाल खड़े हो गए ठीक है तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस बच्चे ये ये जो बच्चा है वो आवेशित हुआ कब जब वो इस चालक गोले के क्षेत्र में आया कहाँ आया जब ये बच्चा इस चालक गोले के क्षेत्र में आया मान लो कि तुम्हारे घर में कोई सॉकेट लगा हुआ है ठीक है उसके पास तुम लोग उंगली ले करके जाओगे ठीक है उसके क्षेत्र में जाओगे तो क्या करेगा वो उसके एरिया में जाओगे तो क्या करेगा वो झटका देगा तुमको ठीक है और जैसे कि शेर एक शेर के एरिया में अगर दूसरा शेर आ जाता है तो शेर क्या करता है बिल्कुल उसको झटका देता है ठीक है सो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा अगर आप लोग यहाँ पर आवेशित आवेशित चालक गोले के क्षेत्र में कोई यहाँ पर कुछ आ, कुछ वस्तु यहाँ पर आई कोई चालक वस्तु मतलब कि कोई दूसरा आवेश यहाँ पर आया ठीक है कोई दूसरा आवेश यहाँ पर आया तो वो किस चीज का अनुभव करेगा किसी प्रकार के बल का अनुभव करेगा ठीक है किसी प्रकार के बल का अनुभव करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है है ना आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई एक बल होगा ठीक है सो तो वो बल का अनुभव करेगा तो ये उसका जो क्षेत्र है मतलब जिस क्षेत्र तक वो बल का अनुभव कर पाएगा मतलब कि हो सकता है कि ये यह यहाँ तक का बस बल का अनुभव कर पाए अगर मैं बच्चे को यहाँ पर खड़े कर दूं तो हो सकता है कि यहाँ पर इसको बल का अनुभव ना हो ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि इस चालक गोले के क्षेत्र से बाहर चला गया तो क्षेत्र के बाहर कोई बल का अनुभव नहीं करेगा पर क्षेत्र के अंदर रहेगा तो क्या करेगा ये बल का अनुभव करेगा जो स्थिर विद्युत बल गुलाम का नियम हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है ठीक है तो जितने एरिया तक जितने क्षेत्र तक क्या होता है एक आवेश के जितने क्षेत्र तक दूसरा आवेश को जब हम लोग लेकर जाते हैं तो वो जो बल का अनुभव करता है ठीक है तो वो जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है यहां पर ये विद्युत क्षेत्र किसका क्षेत्र है इस आवेशित गोले का क्षेत्र है इस आवेशित चालक गोले का विद्युत क्षेत्र सभी को समझ में आया यस या नो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है अब हम लोग थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई आवेशित गोला है इसको हम लोग जो है क्यों मान लेते हैं मान लो कि ये कोई प्लस आवेशित गोला है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अनंत से अनंत से एक आवेश है मान लो अनंत पे एक आवेश है क्यू नॉट इसको हम लोग क्या करेंगे इस आवेशित गोले के एरिया में लेकर के आएंगे तो मान लो कि ये जो आवेशित गोला है उसका एरिया जो है इतने एरिए में है मतलब उसका जो असर होगा उसके मान लो कि विद्युत क्षेत्र का जो असर होगा उस इस एरिए में होगा ठीक है तो होगा क्या यहाँ पर इस क्यू नॉट को अगर हम लोग इससे आर दूरी पर लेकर के आए यहाँ पर मैं पी बिंदु बनाती हूँ इस पी बिंदु पर मैं क्या करी इस क्यू नॉट को लेकर के आई जो कि इस क्यू कैपिटल क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है

इस तरीके से दोनों दोनों दोनो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ठीक है लंबवत लगेगा और बाहर की ओर इसलिए लगेगा क्योंकि ये भी ये जो क्यू आवेश है, वो भी धन आवेश है, ये भी क्या है? ये, ये भी धन आवेश है ठीक है इस क्यू नाट को हम लोग नाम रख दिए हैं परीक्षण आवेश ठीक है परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश और यहां पर जो कैपिटल Q है इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है इसका नाम हम लोगों ने रख दिया है स्त्रोत आवेश स्त्रोत आवेश स्त्रोत आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एरिया में आ रहे हैं ठीक है तो मान लो कि कोई बड़ा शेर है अपना एरिया बना करके रखा है वो जंगल का एरिया बना करके रखा है अपने एरिया में उसका अपना पर्यावरण है ठीक है तो वहां पर ये परीक्षण आवेश अगर जाएगा मतलब छोटा शेर अगर उसके एरिया में जाएगा तो वो जोर से दहाड़ेगा मतलब कि स्थिर विद्युत बल लगाएगा और यह स्थिर विद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी क्योंकि दोनों धन आवेश है दोनों शेर हैं क्या है दोनों शेर है एक शेर ज्यादा बलवान है ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर जो ये वाला शेर है वो क्या है छोटा शेर है छोट मतलब कम ताकत होगा बेचारा अभी मतलब बच्चा है ठीक है सो ये मतलब कि मतलब यहाँ पर जो बल लगेगा यही इसका क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा तो आप लोगों को विद्युत क्षेत्र तो पूरा पूरा समझ में आ गया होगा ठीक है आगे आप लोगों को यह समझना है कि यहां पर जो बल लगाएगा ठीक है ये जो बल लगाएगा वो किस पर बल लगाएगा क्यू नॉट आवेश पर बल लगाएगा मतलब कि परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा है ना बड़ा सिर छोटे सिर पर ताकत लगाएगा बड़ा सिर किस पर ताकत लगाएगा छोटे सिर पर छोटे सिर पर आप लोगों का क्या लगाएगा ताकत लगाएगा ठीक है बड़ा सेर, छोटे सेर पर ताकत लगाएगा क्या लगाएगा बल लगाएगा तो यहाँ से आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की आ, मतलब विद्युत क्षेत्र का आप लोगों को समीकरण सूत्र मिलता है सूत्र क्या मिलता है कि जिस परीक्षण आवेश पर बल लगता है वो आवेश ठीक है और ये जो बल है इसके इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं तो ये तो आप लोगों की गणितीय सूत्र के रूप में परिभाषा हो गई थ्योरेटिकली आप लोगों को कैसे लिखना है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ठीक है ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि अगर मान लो कि कोई आवेश है उसके क्षेत्र में अगर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं तो ये जो कैपिटल क्यू आवेश है इस परीक्षण आवेश पर बल लगाता है ठीक है तो जितने क्षेत्र में बल लगाएगा जितने क्षेत्र में बल लगाएगा वह क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा वह क्षेत्र उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई समीकरण सूत्र के रूप में अगर परिभाषा लिखोगे ठीक है तो यहां पर क्या लिख सकते हो जब हम लोग q0 परीक्षण आवेश को जो है इस इस विद्युत इस q आवेश के क्षेत्र में लेकर के क्या आते हैं जहां तक कि वो अपना बल अनुभव कर पाता है तो इस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहा जा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है यहां से हम लो तो लोग रूप में तो परिभाषा तो कभी आप लोगों को नहीं बताना है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया उसको परिभाषा के रूप में बताना है क्या करना है उसको परिभाषा के रूप में बताना है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों का विद्युत क्षेत्र जो है परिभाषित होता है यहां पर जो बल का अनुभव करता है यह बल का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा अगर हम लोग क्यू नॉट को जो है इधर भेज देंगे पक्षांतर कर देंगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा बल मिल जाएगा क्या मिल जाएगा हम लोगों को बल मिल जाएगा ठीक है सभी को समझ में आ रहा है अब यहां पर यह भी देख लो क्या देखोगे भाई यहां पर यह भी देख लो कि यहां पर जो हम लोगों का विद्युत क्षेत्र है ठीक है ये विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी तो जिधर बल की दिशा होगी है ना जिधर बल की दिशा होगी उसी दिशा में क्या होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर अगर बल की दिशा है तो इसी दिशा में क्या होगा इसी दिशा में इसका जो है विद्युत क्षेत्र बनेगा ठीक है इस दिशा में इसका क्या बनेगा विद्युत क्षेत्र बनेगा ठीक है किसका कैपिटल क्यू का विद्युत क्षेत्र बनेगा ठीक है तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट अब जल्दी से अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट्स करके आप लोग पूछ लो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे ठीक है आगे की बात करेंगे सदिश राशि है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है पर मान लो हम लोगों को क्या निकालना हुआ अगर हम लोगों को निकालना हुआ क्या परिमाण निकालना हुआ ठीक है तो परिमाण निकालना हुआ तो परिमाण का मतलब क्या होता है आंकिक मान परिमाण का मतलब क्या होता है आंकिक मान तो यहाँ पर बल का परिमाण और आवेश का परिमाण इनके अनुपात से हम लोगों को क्या निकल जाएगा इनके अनुपात से हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा ठीक है विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा अब यहां पर यह भी समझना है कि दोनों आवेश हैं दोनों ही बिंदु आवेश है पर वो जो कैपिटल क्यूँ है वो थोड़ा ताकतवर है पर यहां पर ये जो आवेश है ये बहुत ही छोटा आवेश होगा क्यों छोटा आवेश होगा इस ये छोटा आवेश इसलिए होगा क्योंकि मतलब कि इसका भी अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा ठीक है तो अभी हम लोग इसके क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं केवल और केवल एक किसी कैपिटल की वो आवेश के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को आ, मतलब विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझना है ठीक है विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझना है इसलिए हम लोग क्या करते हैं परीक्षण आवेश इसको अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं मतलब कि हम लोगों को इसका अध्ययन करना है इसको समझना है इसके कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है मतलब आपको बताना है खुद को समझना है तो वहाँ पर इसलिए हम लोग क्या लेते हैं इसको बहुत ही छोटा आवेश लेते हैं ताकि इस आवेश का भी अपना कुछ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो छोटा सा विद्युत क्षेत्र हो ज्यादा कुछ इफेक्ट ना हो इसके ऊपर ठीक है अब दो बड़े शेर को भिड़ा देंगे तो वहां पर तो अलग काम हो जाएगा भिड़ेगा भाई भिड़ेगा वो भी आगे भिड़ेगा आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे पर यहां पर हम लोगों ने एक ही बड़ा शेर लिया एक ही बिंदु आवेश लिया जो अच्छा खासा बड़ा है ठीक है पर बिंदु रूप में है क्योंकि जितने भी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सारे के सारे हम लोग बिंदु रूप में ही कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं ठीक है अब इसके बाद आप लोगों को समझना कैसे है मान लो कि कोई धन आवेश है ठीक है और एक मान लो कि क्या है धन आवेश तो और ऋण इन यहाँ पर बिंदु आ, मतलब विद्युत क्षेत्र जो होती है मतलब दोनों के लिए मतलब दोनों की दिशा अलग अलग होगी यहाँ पर धन आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ठीक है विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन आवेश से निकल करके बाहर की ओर जाती हुई इस तरीके से होगी धन आवेश से बाहर की ओर जाती हुई इस तरीके से होगी मतलब कि अगर कोई धन आवेश है तो धन आवेश से जो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर जाएगी और अगर कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के लिए जो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर आएगी तो इस तरीके से मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होती है ठीक है तो ये जो है ये जो है त्रिजीय रूप में होती है त्रिजीय रूप में कैसे होती है तो इसको भी देख लो कि मान लो कि जैसे कि हम लोग इसको अगर देख रहे हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है इस धन आवेश का इस धन आवेश का क्षेत्र है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र नाम दिए हैं अभी हम भी हम लोग समझे हैं ठीक है इस धन आवेश के क्षेत्र में ये जो इसका क्षेत्र बनेगा तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ठीक है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो त्रिजीय रूप में होगी अब इस शब्द का मतलब भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पर एक गोला गोला बनाए ठीक है मान लो यहाँ पर एक सर्कल बनाए ठीक है तो इस सर्कल में इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ठीक है इस तरीके से मतलब कि त्रिज्या के रूप में है इस वृत्त की त्रिज्या के रूप में है इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बुक में आप लोगों को ये शब्द मिलेंगे पढ़ोगे सेल्फ स्टडी करोगे तो समझ नहीं आएगा इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास में एक-एक शब्द का मतलब समझा रही हूँ इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनना इधर-उधर की बातें करना बंद करो कमेंट्स में ध्यान से सुनो ठीक है तो इसी तरीके से अगर हम लोग क्या की यहां पर ऋण आवेश के लिए भी अगर हम लोग एक वृत्त बनाए ठीक है तो यहां पर भी विद्युत आवेश की विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऋण आवेश में अंदर की ओर है ऋण आवेश में अंदर की ओर है पर कैसी है ये त्रिज्यीय है ठीक है त्रिज्यीय त्रिज्यीय होगी और कैसी होगी अंदर की ओर होगी अंदर की ओर और धन आवेश में कैसा होगा बाहर की ओर तो भाई दिशा ये बहुत ज़रूरी है ये बहुत आगे आप लोग जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा ठीक है तो धन आवेश में बाहर की ओर होता है ऋण आवेश में अंदर की ओर होता है तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है चलो इसको और भी बेहतर रूप में आप लोग यहाँ पर डायग्राम को देख सकते हो ठीक है देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है ये जो है धन आवेश है ये क्या है धन आवेश और इस धन आवेश के लिए क्या है ये इसका क्या है ये पूरा इसका क्या है क्षेत्र है ये क्या है क्षेत्र है ठीक है और इस क्षेत्र में जो धन आवेश है त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर है कैसे है जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी है त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर ठीक है अब बाहर की ओर दिशा तो है पर ये जो हम लोगों ने खींचा है ये क्या है रेखाएं हैं ठीक है ये क्या है रेखाएं हैं इन रेखाओं को हम लोगों ने क्या नाम दिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक है इन ही रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं क्यों बोलते हैं बल रेखाएं क्योंकि जो क्षेत्र की दिशा होती है है ना क्षेत्र की दिशा होती है वो बल की रेखा की तरफ ही होती है है ना अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं था अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही विद्युत बल रेखाओं की भी दिशा होती है तो इसलिए हम लोग इसको या तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं या तो विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं तो समझ में आ रहा है ये व्हाइट वाला जितना भी हिस्सा है वो उसका क्षेत्र है ठीक है क्षेत्र है और ये जो रेखाएं खींची गई है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर विद्युत बल रेखाएं कहलाती है इसी तरीके से अगर हम लोग ऋण आवेश के लिए बात करेंगे तो ऋण आवेश के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होगी अंदर की ओर ठीक है और यहां पर भी त्रिजीय रूप में होगी जैसे कि यहां पर थी दोनों के लिए ही त्रिजीय रूप में होती ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों का विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पूरा होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी अब हम लोगों ने बात कर ही लिया है ठीक है तो अभी हम लोगों ने एक एक आवेश के लिए एकांक आवेश के लिए बात किया ठीक है एकांक आवेश के लिए मतलब अगर एक ही धन आवेश है या फिर एक ही क्या है ऋण आवेश है ठीक है तो एक एक आवेशों के लिए हम लोगों ने बात कर किया अगर हमारे पास दो आवेश रहे ठीक है दो आवेश रहे तो हम उसके लिए भी यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के बारे में देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है पर कोई बात नहीं इस डायग्राम को कैसे बनाना है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हो सकता है जो पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ठीक है पर कोई बात नहीं अभी बना करके बताऊंगी तो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने एक एक आवेश के लिए पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा कि धन आवेश के लिए बाहर की ओर और, और ऋण आवेश के लिए क्या होगा विद्युत बल रेखाएं जो है वो इस तरीके से अंदर की ओर होंगी ठीक है अगर हम क्या करेंगे अगर हम लोग दो आवेशों को ले आए तो दो आवेशों को किसको किसको ला सकते हैं या तो धन और धन हो सकता है या तो ऋण और ऋण आवेश हो सकता है या तो क्या हो सकता है धन और ऋण आवेश हो सकता है इस तरीके से हो सकते हैं ठीक है इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ऋण और ऋण आवेश के लिए देखेंगे ठीक है तो इसको मैं मिटा रही हूं ऑलरेडी मैंने बना दिया है तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लिख सकते हो जो भी मैं बोल रही हूं उसको नोट बना के आप लोग लिख सकते हो बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो ठीक है so, सो यहां पर देखो यहां पर क्या है एक ऋण आवेश और ये दूसरा ऋण आवेश अब आप लोगों को पता है कि समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर दो समान आवेश है ये भी ऋण है ये भी ऋण है क्या करेंगे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे तो जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी वजह से इनकी जो बल रेखाएं हैं इनकी जो बल रेखाएं हैं वो क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी भाई जो जो बोलती हूं उसको लिखते जाया करो नोट बनाते जाया करो ठीक है अब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो ये बिंदु है ठीक है इसको हम लोग एन नाम देते हैं ये क्या होता है उदासीन बिंदु होता है उदासीन बिंदु क्यों होता है क्योंकि यहां पर क्या है कोई भी बल रेखा नहीं है एक दूसरे से दूर हट करके क्या हो गई है वहां वाला जो स्थान है वो रिक्त हो गया है उदासीन हो गया है बेचारा उदास होके बैठ गया है वहां पर का स्थान कि मेरे पास तो कोई बल रेखाएं आ ही नहीं रही है ठीक है क्योंकि समान आवेशों के बीच में क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है ठीक है और यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि जो बल रेखाएं बनी हुई हैं ठीक है वो ऋण आवेश के लिए बनी हुई हैं ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है 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 कि ऋण आवेश में जो बल रेखाएं होती 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 उनकी उनकी दिशा दिशा किधर किधर अंदर अंदर की होती है, उनकी दिशा की तरफ तरफ ठीक अब जैसे जैसे क्या होगा जैसे जैसे ये बल रेखाएं जो है दूसरे आवेश के बल रेखाओं के पास में आता जाएगा तो वो क्या करेगा दूर हटने का प्रयास करेगा दूर हटने का प्रयास करेगा मेरे साथ साथ आपको भी कॉपी में डायग्राम बनाते

हाँ कि ना जल्दी से बता दो गाइस जल्दी से ओ प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी बता दो अंदर की तरफ बना लिए सब कोई गुड वेरी गुड अब अगर हम लोग क्या करेंगे विपरीत आवेश लेंगे विपरीत आवेश लेंगे तो विपरीत आवेशों के बीच में क्या होगा यहाँ पर आकर्षण होगा तो यहाँ पर आकर्षण होगा इसका मतलब यह है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भी क्या होंगी एक दूसरे से आकर्षित होंगी क्या होंगी एक दूसरे से आकर्षित होंगी तो भाई यहाँ पर सबसे पहले धन आवेश से क्या होता है धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलती है तो सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं फिर दिशा भी बना लेंगे ठीक है धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है ऋण आवेश में क्या होती है अंदर की ओर जाती है ये पहले लाइन बना लो सबको मेरे साथ बनाना है सबको मेरे साथ बनाना है ठीक है ये हो गया इसकी दिशा बाहर की तरफ हो गई ठीक है और इसमें जो दिशा है अंदर की तरफ हो गई तो किनारे किनारे में तो बना लिए पर इनके बीच में कैसा बनेगा देख पा रहे हो इनके बीच में कैसा बनेगा तो बेटा इनके बीच में ऐसा बनेगा कि ये इस तरीके से धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर खत्म होगी ठीक है और यहां पर बंद वक्र बनाएगी कैसा बनाएगी बीच में बंद वक्र बनाएगी इस तरीके से धन आवेश शुरू होकर क्या होती है ऋण आवेश पर खत्म होती है बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है अगर बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो सॉल्यूशन लिख रहे हो तो वहां पर तो साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है नंबर भी मिलेंगे उसको है ना खूबसूरत भी लगेगा इस तरीके से तो यहां पर क्या बना रही है बंद वक्र बना रही है तो इस तरीके से बल रेखाओं के बहुत सारे गुण भी होते हैं तो गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे पर सबसे पहले यह बना लो कि यहां पर क्या करेंगे एक दूसरे के पास आएंगी आकर्षित होंगी तो धन आवेश शुरू होकर के ऋण आवेश पर खत्म होंगी ठीक है तो ये हम लोगों ने समान आवेश और विपरीत आवेशों के लिए बना लिया ठीक है समान आवेश और विपरीत आवेशों के लिए बना लिया ठीक चलो अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कि एक्चुअल में एक्चुअल में मतलब कि अगर हम लोग आ, मतलब कुछ कहना चाहिए कि विद्युत आवेशों का इस्तेमाल करके हम लोग अगर कुछ सिस्टम बना रहे हैं है ना जैसे कि कोई चालक गोला है कोई वस्तु है कोई पदार्थ है उसमें रियल में कैसा होता है तो इसको हम लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये जो आप लोगों ने आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी वहां पर आप लोगों ने देखा होगा आवेशन की विधियों में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग वस्तु को आवेशित कर लेते हैं तो आ, मतलब उस समय में क्या हो जाता है आवेश जो है अलग अलग सेपरेट भी हो जाते हैं सेपरेट भी हो जाते हैं इनका भंजन भी हो जाता है अलग अलग

आवेशन की विधियों में हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धन आवेश से जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती है ठीक है तो इनकी दिशा कैसी हो गई बाहर की ओर ये देखो धन आवेश से निकल करके कहाँ जा रही है बाहर की तरफ जा रही है और ऋण आवेश के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अंदर की तरफ आती है अंदर की तरफ आती है ठीक है अंदर की तरफ आती है अंदर की तरफ आती है तो दिशा को प्लीज ध्यान से होश में रहते हुए बनाना ठीक अब इस चालक गोले को जितनी बल रेखाएं क्रॉस करके जा रही है इस चालक गोले को जितनी बल रेखाएं क्रॉस करके जा रही है इसके सतह को ठीक है तो उसके लिए तो हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया ठीक है इस प्रकार से बना दिया परंतु इसके बाहर कैसे बनाएंगे इसके बाहर कैसे बनाएंगे ठीक है तो इसके बाहर जो है इस तरीके से आप लोगों को बल रेखाएं दिख रही है ठीक है इस तरीके से बल रेखाएं दिख रही है इस तरीके से जाती हुई दिख रही है ठीक है कैसे दिखेगी धन आवेश की तरफ से बाहर की ओर निकलती हुई दिखेगी ऋण आवेश में अंदर की तरफ आती हुई दिखेगी ठीक है इसी तरीके से ये वाला जो सतह है ये भी हम लोगों ने एक प्रकार का कोई दूसरा सतह लिया ठीक है इस सतह पर भी हम लोगों ने देखा कि किसी रियल पदार्थ में किस तरीके से बल रेखाएं बनती है ठीक है तो जो इसको काटते हुए हुए जाएंगी जाएंगी बीच से से इसको क्रॉस तो इस तरीके से जा रही है मान लो कि ये कोई विद्युत बल रेखाओं के बीच में हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर इस सतह को लेकर के आए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर इस सतह से कुछ बल रेखाएं इसको काटते हुए जा रही है ठीक है ये काटते हुए जो जा रही है ना इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग अगले के अगले क्लास में पढ़ेंगे ठीक है जिसको विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है वहां पर हम लोग इसको डिटेल में और समझेंगे ये देखो, ये देखो बड़ा सा चालक गोला है अब इस बड़े से चालक गोले में क्या में क्या क्या है 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 चारों तरफ इसकी सतह धन आवेश जो है वो वितरित है. कैसे है धन धन आवेश आवेश जो है धन आवेश का यहाँ पे क्या है समान रूप से चारों तरफ इसके सतह पर वितरण हुआ है ठीक है सतह पर वितरण हुआ है तो जहां पर धन आवेश है यहीं से क्या निकलेगा यहीं से जो है बल रेखाएं निकलेगी और धन आवेश से जो बल रेखाएं निकलती है उनकी दिशा क्या होती है बाहर की तरफ रहती है क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं बोलते हैं हम लोग इसको ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी बाहर की ओर होगी अब ये क्या है ये क्या है एक आवेशित सतह है ये क्या है एक आवेशित सतह है जिसको हम लोग प्लेट भी बोलते हैं प्लेट भी बोलते हैं ये दूसरी आवेशित सतह है ये दूसरी प्लेट है सेकंड प्लेट ये सेकंड प्लेट है ये क्या है पहला प्लेट है फर्स्ट प्लेट है तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेट है उसमें जो आवेश है वो किस तरह के आवेश है ये सारे आवेश जो है वो कैसे हैं धन आवेशित हैं पहले प्लेट में और दूसरे प्लेट में जो आवेश है वो कैसे आवेश है ऋण आवेशित है ठीक है तो अभी अभी जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है ऋण आवेश में अंदर की तरफ जाती है और अगर इस तरीके से दो प्लेट को समानांतर हम लोग रख दिए ठीक है ये क्या है है समानांतर प्लेट तो समानांतर अगर हम लोग दो प्लेटों को रख दिए ठीक है तो इनके बीच में आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर जाएगी कैसी जाएगी धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ जाएगी तो ये जो रेखाएं आप लोगों को बनी दिख रही है ठीक है ये

आप आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में बात करते हैं देखो अगर हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको समझते हैं फिर हम उनके गुणों की बात करते हैं जैसे कि मान लो मान लो आपकी दीदी की शादी है वो अपने लिए लड़का पसंद करने गई है ठीक है या आपके भैया की शादी है वो अपने लिए लड़की पसंद करने गए हैं तो वो क्या करेंगे सबसे पहले तो उसका नाम जानेंगे ठीक है जैसे मैं अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आप लोगों को नाम बता रही हूँ गौस का नियम विद्युत क्षेत्र नाम जान गए नाम जानने के बाद क्या करेंगे नाम जानने के बाद उसके बारे में समझेंगे ठीक है उसके बारे में समझेंगे कि कहाँ से है क्या करती है या फिर क्या करता है सारी चीज़ों को समझेंगे फिर उसके गुणों पर आएंगे कहाँ पर आएंगे गुणों पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में गुणों के बारे में हम लोगों को समझना है ठीक है वैसे हम लोग ये सारी चीज़ों को पहले ही समझ चुके हैं पढ़ चुके हैं पर यहाँ पर हम लोग उसको गौर करके ध्यान से देखेंगे देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि जो क्षेत्र रेखाएँ हैं धनात्मक आवेश से क्या होती हैं शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है तो मैंने आप लोगों को ये धन और ऋण वाला जब बनाया था तो यहाँ पर बताया था कि धन आवेश से शुरू होकर के कहाँ पर खत्म होती है ऋण आवेश पर खत्म होती है ठीक है अब दूसरा क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक विद्युत आवेश से दूर हटकर ऋणात्मक विद्युत आवेश की ओर जाती है ठीक है धन से शुरू होकर ऋण पर जाती है तो यहाँ पर धन से क्या हो रही है दूर हट रही है मतलब वो धन से भाग रही है धनात्मक आवेश से भाग रही हैं और ऋणात्मक आवेश के पास जा रही हैं ऐसा ही होता है ना हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों से जल्दी अट्रैक्ट होता है ठीक है तो नेगेटिव चीज़ें जल्दी आ जाती है ठीक है तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लाना है बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए तो फुल फोकस होकर आप लोगों को पॉजिटिव होकर पढ़ाई करनी है पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करनी है ठीक है तो यहाँ पर विद्युत आवेश तो धनात्मक विद्युत आवेश से दूर हट रहा है पर आपको नहीं हटना है पॉजिटिव रहना है ठीक है ये क्या हो रहा पे दूर हट रही हैं और ऋण के पास आ रही हैं ठीक है ऋण के क्या हो रही है पास आ रही हैं क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ठीक है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्या बोल रहा है कि क्षेत्र रेखा क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है मतलब कि यहां पर हम लोगों ने जितनी भी लाइंस खींची है यहां पर है ना यहाँ पर जितनी भी लाइंस खींची हैं ये क्या दिखा रही है ये जो है इसकी दिशा को बता रही है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोगों को पता चल रहा है कि धन से बाहर की ओर होती है धनात्मक आवेश से बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर होती है तो ये जो ये है ना धनात्मक आवेश से बाहर की ओर और ॠणात्मक आवेश के अंदर की हो इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि ये जगह जगह आप लोगों को काम आएगा होता क्या है कि जब आप लोग आगे थ्योरीज पढ़ लेते हो ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो तो मैं अभी से बोल रही हूँ कि भूलोगे तो मार खाओगे सीधी बात हाँ मेरी क्लास में कोई नाटक नाटक, नाटक नहीं भूलना ही नहीं है भाई मैं प्यार भी करती हूँ पर डांटती भी हूँ डांटती क्यों कि आप लोग जो गलती करोगे उसके लिए मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर देती हूं कि भाई ये गलती हो सकती है आपसे यह गलती मत करना तो वो गलती अगर आपसे हुई तो डांट तो खाओगे है कि नहीं क्यों ठीक कह रही हूँ ना चल कोई नहीं आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित सतह में आवेशित सतह में सामान्य रूप से प्रवेश करती है या फिर बाहर निकलती है ठीक है या तो बाहर निकलेगी या तो अंदर आएगी यहीं पर अगर ऋण आवेश होता तो क्या होता ऋण आवेश में अंदर की ओर आ रही थी धन आवेश से क्या हो रही थी बाहर की ओर जा रही थी सामान्य रूप से जाएगी ठीक है ये भी गुण है बहुत अच्छी बात है बहुत सिंपल है सामान्य है समझ गए हम लोग भाई क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती ये इंपॉर्टेंट गुण है इसको ध्यान में रखो कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं काटती तो वहां पे आप लोगों को कारण लिखना है बराबर से ठीक है अब यहां पर जो है कभी नहीं काटती इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि क्यों नहीं काटती क्योंकि अगर वो काटेंगी तो क्या होगा कि दो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती ठीक है तो इसका मैं रीजन आप लोगों को बता देती हूं जैसे कि मान लो कि ये धन आवेश है ये ऋण आवेश है है ठीक यहां पर क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ये एक दूसरे को नहीं काट रही है मान लो कि काटी मान लो कि काटी ठीक है इस तरीके से तो यहां पर इसकी दिशा बदल गई ठीक है इसकी दिशा ये थी तो इसकी दिशा बदल नहीं सकती इसकी दिशा ये है तो यही रहेगी ठीक है इसकी दिशा ये है तो यही रहेगी देखो यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगी यहाँ पर नीचे की ओर हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तो एक कटान बिंदु पर जैसे कि मान लो कि यहां पर काटा ठीक है तो यहाँ पर काटा तो ये दोनों ही मान लो कि धनात्मक आवेश से निकल रही है तो उसकी दिशा अलग अलग तो होगी नहीं है ना सेम ही होगी तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है क्या है ये प्रतिच्छेदन बिंदु है और प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं नहीं हो सकती इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती जैसे कि आप लोगों ने गणित के बेसिक्स में पढ़ा होगा कि इस तरीके से समानांतर रेखाएं हैं है, वो अनंत तक जाती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो उसी तरीके से ये भी जो है कभी नहीं काटती और जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि जब ये निकलती है है इस बिंदु आवेश से निकलती है, तो यहाँ पर कैसी होती है, यहां पर जब बिंदु आवेश से निकलती है तो यहाँ पर दूर दूर होती जाती है मतलब कि यहाँ पर जैसे कि पास पास है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रबल विद्युत क्षेत्र बोलेंगे इस धन आवेश का और दूर दूर जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दुर्बल विद्युत क्षेत्र ठीक है जैसे कि मान लो कि जाहिर सी बात है जहां पर शेर जहाँ पर शेर है जंगल में शेर है तो उसका एक लिमिट तक के मान लो कि एरिया है ठीक है ये जंगल में मान लो कि शेर है इस लिमिट तक के इसका एरिया है तो जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर जो है कोई भी जाने से डरेगा ज्यादा डरेगा पर दूर रहेगा तो वो दूर दूर से मतलब देख करके भी निकल सकता है ठीक है तो वहां पर दुर्बल विद्युत रेखाएं हो गई मतलब दुर्बल मतलब उसका प्रभाव कम हो गया पास में प्रभाव क्या हो गया यहाँ पर पास पास है बल रेखाएं तो इनका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा हो गया तो इस तरीके से हो गया चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुणों पर एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सीधी समानांतर और समान दूरी पर होती है ठीक है इसका मतलब ये है कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है ठीक है ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है ये एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जैसे कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया एक दूसरे के समानांतर होती है अभी बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र जो है वो ड्रॉ करोगे ठीक है तो एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनता है आप लोग थ्योरी लिख ही सकते हो लिखने के सा, साथ साथ साइड में ड्रॉ भी कर सकते हो ताकि आप लोगों लो को पता चले कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है अगला है गुण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजर सकती इसलिए किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है मतलब कि मान लो कि कोई चालक गोला है तो इसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है ये शून्य होता है ठीक है तो ये विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ते जाओगे पहले अध्याय के आगे के टॉपिक्स में भी पढ़ोगे दूसरे अध्याय में भी पढ़ोगे जब आप लोग चालक गोले के बारे में और डिटेल में समझोगे तो इस गुण का मतलब भी आप लोग समझोगे फिलहाल बस इतना ही जान लो कि ये गुण होता है ठीक है ये गुण होता है कि इसके अंदर से नहीं गुजरती केंद्र बिंदु पर यहाँ पर क्या होता है जीरो होता है जैसे कि हम लोग धन आवेश भी बनाए थे चारों तरफ है ना चारों तरफ हम लोग क्या किए थे चारों तरफ इस तरीके से धन आवेश भी बनाए थे तो इस धन आवेश में क्या हुआ था कि सतह से इस तरीके से बाहर निकल रहा था तो सतह पर था और सतह के बाहर था परंतु यहाँ पर इस चालक गोले के अंदर जो है चालक गोले के जो अंदर है यहाँ पर इस एरिया में क्या होगा शून्य होगा इस एरिया में शून्य होगा अगर ऋणात्मक है कोई मान लो कि इस तरीके से तो ऋणात्मक आवेश भी इस तरीके से सतह पर वितरित हो जाते हैं और यहाँ पर मान लो कि बल रेखाएं आती है तो यहाँ पर सतह पर ही आकर क्या हो जाती है सतह या फिर सतह के थोड़े से अंदर ही आकर यहाँ पर खत्म हो जाती है परंतु यहां पर अंदर में बीच में केंद्र बिंदु पर यहाँ पर जो होता है इस केंद्र बिंदु पर जो होता है, विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो शून्य होता है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना है आवेश मुक्त क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है आवेश मुक्त क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो सतत वक्र होती है वक्र होती है का मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था ना कि ये यहाँ पर बंद वक्र बना रही है तो ये देखो इस तरीके से सतत वक्र के रूप में है ठीक है किस तरीके से है सतत वक्र के रूप में है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है बल्कि आकर्षित कर रहा है तो कैसी हो जाती है उनका जो पथ है वो कैसा हो जाता है वक्र य पथ हो जाता है ठीक है दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल और बिंदु विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखाएं की लंबाई लंबाई में क्या होती है सिकुड़ती है ठीक है तो इसके इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पर क्या था दो विपरीत रेखा विद्युत दो विपरीत आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है वो क्या होता है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है मतलब ये देखो चिपक के जा रहा है पास पास रहेगा ये घना रहेगा यहाँ पर सघन देखो यहाँ पर दूर होते जा रहा है पर यहाँ पर क्या हो रहा है पास ही है पास ही है तो उसी बात को यहाँ पर बोल रहा है कि क्षेत्र रेखाएं लंबाई क्या होती है है सिकुड़ती क्योंकि धन आवेश से निकल करके आवेश पर खत्म हो जाती है पर अगर कोई समान एकांक आवेश या फिर प्रतिकर्षण वाला होगा तो वहां पर क्या होता है कि जहां से निकलती है वहां पर तो पास पास रहती है पर जैसे जैसे दूर जाती है तो वो एक दूसरे से भी बल रेखाएं दूर होती जाती है ठीक है सो so, नेक्स्ट बल की विद्युत रेखाएं पार्श्व रूप से विस्तारित होती है अर्थात समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल के कारण वे अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति रखती है तो ये चीज़ तो अभी अभी मैंने समझा दिया ठीक है अगर दो समान आवेश है तो क्या होगा पास में जो है स, पास में है तो इस तरीके से निकलेगा जैसे जैसे दूर जाते जाएगा वो एक दूसरे से क्या होते जाता है दूर होते जाता है यहाँ पर बीच में भी क्या होते जाता है प्रतिकर्षण होते जाता है तो जितनी भी बल रेखाएं हम लोगों ने बनाई वहां पर ये सारे गुणों के बारे में ऑल गुणों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था ठीक है? पर उसको लिखित रूप में हम लोगों को समझना था तो आप बिल्कुल ले सकते हो या तो क्षेत्र रेखाओं के गुण की, की सेकेंड स्लाइड है ठीक है चलो अब आ जाते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं की संख्या के संबंध में ठीक है अब जैसे कि अब यहां पर विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया ये क्या है इसका ये जो है ये वाला हिस्सा ये क्या है ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या है क्षेत्र है और ये क्या है क्षेत्र रेखाएं हैं अब हम लोगों को क्या करना है इन दोनों के बीच में संबंध देखना है कि इनके बीच में क्या संबंध होगा ठीक है इनके बीच में क्या संबंध होगा बात समझ में आ रही है सभी को आ रही है कि नहीं भाई संबंध देखना है हम लोगों को यहां पर ठीक है तो कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे कैसे देखेंगे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कुछ समझ में आ रहा है यहां पर देखो ये बल रेखाएं खींची गई है ये मान लो कि कोई बल रेखाएं हैं नॉर्मली ठीक है बल रेखाओं का ये वाले डायग्राम में देख लेते हैं हम ठीक है ये वाला हिस्सा है जो बल रेखाओं का ठीक है ये वाले हिस्से को जो है मैंने अलग से जूम करके मान लो बना दिया देखो इस तरीके से है ना बल रेखाएं है कि नहीं इस तरीके से बल रेखाएं हैं तो इसी को मैंने क्या करा जूम करके बना दिया ठीक है और यहाँ पर दो एरिया ले लिए एरिया ले लिए ताकि मेरे को इसको समझना है कि जहाँ पर सघन थी मतलब यहाँ पर क्या थी सघन थी पास पास थी सघन थी यहाँ पर क्या थी विरल थी मतलब कि दूर दूर थी ठीक है दूर दूर थी पास पास थी और दूर दूर थी तो इस हिस्से को हम लोग अलग से जूम आउट करके जूम करके बड़ा करके यहाँ पर अलग से समझ रहे हैं ठीक है सभी को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या समझ रहे हैं हम लोगों को क्षेत्र रेखाओं का संबंध देखना है तो मान लो कि जैसे कि यहाँ पर अंदर की ओर जा रही है तो यहाँ पर कोई ऋण आवेश होगा जिसके कारण ये क्या हो रही है इस तरीके से इस तरीके से अंदर की ओर जा रही है ठीक है इस तरीके से होगा मान लो हम लोगों ने उसके एक हिस्से को क्या कर लिया एक हिस्से को जूम कर लिया जूम करके हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं संबंध को समझना है कैसे समझेंगे तो ऐसे समझेंगे ठीक ठीक है 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 अब ऋण आवेश तभी अंदर की ओर जा रही है, तो यहां पर हम लोगों ने एक एरिया ले लिया एक सरफेस ले लिया एक सतह ले लिया ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा सतह ले लिया मान लो कि ये सतह एस वन है ये जो सतह है वो क्या है एस टू है ये दूसरी सतह है दो सतह हम लोगों ने ले लिया ठीक है ये ब्लू कलर का आप लोगों को जो दिख रहा है वो क्या है ये ये जो ब्लू कलर का है ये सतह है अब हम लोगों को समझना है इसको ध्यान से देखना तो आप लोग देख रहे हो ऋण आवेश से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है ठीक है ऋण आवेश से जैसे जैसे इसकी क्या बढ़ रही है दूरी दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से जैसे कि हम लोगों ने विद्युत बल में प्रदर्शित किया था स्थिर विद्युत बल में तो जैसे जैसे यहाँ पर क्या बढ़ हो रही है दूरी जो है बढ़ती जा रही है आवेश से ठीक है किससे बढ़ रही है बिंदु आवेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है ठीक है तो उसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होती जा रही है ये जो रेखाएं हैं दूर होते जा रही है ठीक है कैसे हो रही है दूर दूर हो रही है दूर दूर हो रही है ठीक है तो अगर हम लोग इस वाली सतह और इस इस वाली सतह के बीच में अगर तुलना करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो S1 सतह है यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं ठीक है थीके? बल रेखाएं ये कैसी है एक दूसरे से दूर दूर है ठीक है दूर दूर है मतलब कि यहाँ पर जो बल रेखाएं होंगी दुर्बल होंगी किसके तुलना में एस टू सतह की तुलना में तो यहां पर भी देख लेते हैं भाई एस टू सतह पर भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या है इस सतह के लिए बल रेखाएं जो है कैसी है पास पास है। पास पास है है ठीक तो यहां पर जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी होगी प्रबल होंगी प्रबल होंगी प्रबल बल रेखाएं होंगी ठीक है और पास पास प्रबल दूर दूर दुर्बल तो शब्द से ही समझ में आ रहा है ठीक है यहां पर क्या है यहां पर जो आर दूरी है ये दूरी जो है वो क्या है कम है आर जो दूरी है वो कैसी है कम है यहां पर आर दूरी है वो क्या है बढ़ रही है आर दूरी यहां पर कम है एस टू सतह के लिए और यहां पर क्या है यहां पर जो दूरी है वो ज्यादा है दूरी जो है वो दूरी जो है वो क्या है ज्यादा है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पूरा पूरा किस पर निर्भर कर रही है दूरी पर निर्भर कर रही है ठीक है तो ये दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है मतलब दूरी के वर्ग के होती है। लिख सकते हो आप लोग दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपाति होती है ठीक है कौन विद्युत क्षेत्र ठीक है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ा रहे हैं ठीक है वैसे वैसे हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है कम होते जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो इनके बीच का जो संबंध है वो यही संबंध है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाति होता है बिल्कुल बल की तरह बल के बारे में भी हम लोगों ने जब पढ़ा था तो बल के बारे में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के आ, समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है विक्रमानुपाति होता है तो जिस तरीके से बल विक्रमानुपाति होता है उसी तरीके से क्या होता है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र भी जो है वो विक्रमानुपाति होता है तो हम लोगों ने उदाहरण सहित यहाँ पर समझ लिया सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली अब यहाँ पर ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो ये जो डायग्राम है वो क्या है ये रियल इमेज है रियल इमेज मतलब कि मान लो कि कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है यहाँ पर धनात्मक आवेश अगर रखा हुआ है तो उस चीज़ को अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप लोग देखोगे

रियल में ऐसी दिखाई देती है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है ये धन आवेश बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है यहाँ पर जो रियल में इमेज दिखाई दे रही है देख के समझ के आ सकते हो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि पहले वाले गोले में धन आएगा कि ऋण दूसरे वाले गोले में धन आएगा कि ऋण जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो रियल पिक्चर है यहाँ से आप लोगों को ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का धन आवेश आ जाएगा और यहाँ पर अंदर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण आवेश आ जाएगा बीच में ये क्या बना रही है बंद वक्र बना रही है ठीक है वक्रीय पथ बना रही है इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर क्या होती है श्रृंख होती है संकुचित होती है है ना क्योंकि वो उसको क्या करना है वो अट्रैक्शन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है आकर्षण हो रहा है जिसकी वजह से आकर्षण की वजह से वो खींच करके वहां पर अंदर में जाएगा ठीक है ये हम लोगों ने एकांक एक आवेश के लिए पढ़ा था धन आवेश के लिए एक धन आवेश के लिए पढ़ा था कैसा आवेश था यह धनात्मक आवेश था और हम लोगों ने धन और ऋण के लिए पढ़ा ठीक है विद्युत क्षेत्र के और क्षेत्र रेखाओं में संबंध हम लोगों ने देखा ठीक है आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा और उसके बाद हम लोगों ने ये धन और ऋण के लिए तो देख लिया ऋण ऋण के लिए भी देख लिया था अगर हम लोग धन धन के लिए

ठीक अब इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है पास से देखा था ये धन ऋण को हम लोगों ने क्या किया था ये जो धन ऋण है हमारा इसको हम लोगों ने बिल्कुल पास से देखा था पर अगर हम लोग इसको दूर से देखेंगे तो एक लिमिट तक ही क्या होगा ये अंदर की तरफ घुसेगा उसके बाद का जितना भी बल रेखा है वो क्या होगा इस तरीके से दूर हटके चला जाएगा ठीक है ज इसके लिमिट तक के मतलब जहां तक के प्रबल रेखाएं होंगी वहां तक ये पास पास होगा ठीक है ये जो पास पास में है वो कैसी रेखाएं हैं प्रबल रेखाएं हैं जैसे जैसे वो दुर्बल होती जाएंगी तो तरीके से बनती जाएंगी तो ये भाई इमेजिनेशन पावर आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए ये इमेजिनेशन पावर अगर आप लोगों की स्ट्रांग होगी तभी आप लोग रियल लाइफ में विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कर पाओगे भावी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हो आप लोग राइट तो यहां पर अगर आप लोग भावी डॉक्टर्स हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेडिकल लाइफ में भी विद्युत क्षेत्र जो है बहुत सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे की क्लासेस में तो इन सब चीजों का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है एक बार मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे कहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है ठीक है सो so यहाँ पर देखो इस तरीके से अलग अलग शेप जैसे अभी तो हम लोगों ने नॉर्मल चालक के लिए देखा था नॉर्मल एक चालक गोला था तो उसमें देखा था क्योंकि उसमें समान रूप से वितरण था यहां पर मान लो कि इसका शेप

अलग-अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं इसको भंजन भी बोलते हैं भंजन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं तो शब्द का मतलब ध्यान रखना और यहां पर क्रॉस कर रही है, इस तरीके से जा रही है परंतु यहां पर जो बीच में जो होगा वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा शून्य होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि चालक में चालक गोले के अंदर ठीक है उसकी आकृति जैसे भी हो पर उसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा क्योंकि वो उसके सतह से ही निकल जाता है बाहर सतह से ही बाहर निकल जाता है अब यहाँ पर तो आ करके ख़त्म हो रहा है यहाँ पर से शुरू हो रहा है अब यहाँ पर उसको सतह नहीं मिल रही है तो बाहर से निकल जा रहा है कुल मिला के क्या हुआ इसके क्षेत्र के अंदर केंद्र पर मतलब उसके में बीच में क्या होगा विद्युत क्षेत्र जीरो होगा ठीक है ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक तरह से तड़ित चालक का डायग्राम है ठीक है तड़ित चालक का सेप इस तरीके से होता है जो मान लो कि बिजली वगैरह गिरती है है ना बादल वगैरह गरजते हैं चमकते हैं तो बिजली गिरती है तो उससे बिल्डिंग को बचाने के लिए इस तरीके से क्या लगाया जाता है तड़ित चालक लगाया जाता है बिल्कुल ठीक है

चालक दिखाया गया है बिल्कुल इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि रियल में जाए सीधे -सीधे सीधे -सीधे और, और कोई भी दुर्घटना होने से बच जाए ये तो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ठीक है और यहाँ पर ये जो है एक चालक गोला है ठीक है और ये बिल्कुल हमारे साइंटिस्ट हैं जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो इस तरीके से चीजें हुई हैं रियल लाइफ में आप लोगों को भी इसी तरीके से मतलब चीजों को समझना है उसकी जड़ तक के जाना है कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझना है ठीक है और उस चीज़ को रियल लाइफ में जहाँ पर इस्तेमाल होगा ठीक है तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिमाग लगा के मतलब एकदम आगे बढ़ के काम करना है कोई भी काम करना है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है मैंने अलग अलग शेप का अलग अलग आकृति का आप लोगों को यहाँ पर मतलब कुछ कुछ वस्तु पदार्थ हम मैंने दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को आवेशों का वितरण बनाना है कैसे बनाओगे ये आप लोगों को सोचना है दिमाग लगाना है सोचो और जानो सोचो और जानो ठीक है बचपन में आप लोगों ने स्कूल की पुस्तकों में जरूर किया होगा पर बड़े होकर हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं जितना टीचर पढ़ाते हैं उतना ही हम पढ़ते जाते हैं रटते जाते हैं अपना खुद का कोई दिमाग नहीं लगाते तो मेरी क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरी क्लास में अपना खुद का दिमाग लगाना होगा हिंट दे देती हूं मैं जहां पर संकीर्ण है वहां पर आवेशों का वितरण जो है जहां पर संकीर्ण है वहां पर आवेशों का वितरण पास पास होगा ठीक है जहां पर संकीर्ण है वहां पर आवेशों का वितरण पास पास होगा जैसे कि यहां पर है ठीक उसी तरीके से तो देखो यहां पर संकीर्ण हिस्सा है ठीक है यहां पर थोड़ा संकीर्ण है शेप अलग है ठीक है तो उस हिसाब से आवेशों का वितरण होगा यहां पर तो एक बस लंबा है यहां पर तो आवेश आपको ऑलरेडी दिए हैं यहां पर आपको विद्युत बल रेखाएं खींचनी है यहां पर भी आवेशों का वितरण बनाने के बाद आप लोगों को बल रेखाएं बनानी है ठीक है बल रेखाएं बनानी है ये ये कांच के दो रॉड है यहां पर कांच की दो छड़े हैं इनमें भी आप लोगों को क्या करना है बल रेखाएं बनानी है इस तरीके से कांच की छड़ में आप लोगों ने पहली क्लास में ही देखा था फर्स्ट तो है, है। तो रेशम के कपड़े को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाता है क्यों हो जाता है इस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है ठीक है तो भाई आज की क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में संबंध सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में ठीक है अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तथा आ, मतलब बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था विद्युत बल जैसे कैलकुलेट किया था तो उसी तरीके से हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट करेंगे और कहीं ना कहीं विद्युत विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत बल के वजह से मतलब विद्युत क्षेत्र और बिल्कुल विद्युत बल के बीच में आप लोगों ने संबंध देखा ही है ठीक है आप लोगों ने संबंध देखा ही है तो कहीं ना कहीं जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों के इस विद्युत बल के स्थिर विद्युत बल के टॉपिक्स के जैसा सिमिलर ही होगा तो पढ़ के आना है आप लोगों को और आसानी से आप लोगों को बहुत सही तरीके से चीज़ों को समझना है ठीक है सो अगर आप लोग जो है आ, मेरे को कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हो आ, आप लोग अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को इस मेल आई डी संपर्क कर सकते हो या तो फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी वहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो ठीक है गाइस तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बच्चों